यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल विद डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो हम डिफरेंट एनिमल डिफरेंट स्ट्रक्चर के देखते हैं और उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती हैं, है ना। एज ओवर ए मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल हैज बीन डिस्क्राइब टिल नाउ, हमारे जो रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग 1.7 मिलियन स्पीसीज जो थी हमारी वो डिस्क्राइब हो चुकी थी। तो 1 मिलियन जो होता है हमारा, 1 मिलियन किसको बोलते हैं हम, 1 मिलियन बोलते हैं हम 10 लाख को, ठीक है। 10 लाख को हम 1 मिलियन बोलते हैं, ठीक है। एज ओवर मिलियन ऑफ एनिमल स्पीसीज हैज बीन डिस्क्राइब टिल नाउ, अभी तक हमारी 1 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीसीज जो है एनिमल की वो डिस्क्राइब हो चुकी हैं, ठीक है। द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम, हमारी क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी, है ना, तो उसके बारे में दिया गया है। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट, तो हमारी जो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन, जो क्लासिफिकेशन जो था हमारा वो किस में हेल्प कर रहा था, क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन एजाइनिंग ए सिस्टमेटिक पोजिशन ऑफ न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज, जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो हमारी न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज, मतलब जो हमारी नई स्पीसीज डिस्क्राइब हो रही है उसको एक सिस्टमेटिक पोजीशन प्रोवाइड करा रहा था, है ना, वो सिस्टमेटिक पोजीशन प्रोवाइड करा रहा था न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज के लिए, इसलिए हमारा क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब क्लासिफिकेशन तो हमारा हो गया, अब उसका बेसिस, तो मतलब कोई भी चीज़ करने से पहले उसका कुछ बेस होता है कि मतलब किस बेसिस पे हम उसको क्लासिफाइड कर रहे हैं, एनिमल को किस बेसिस पे हम क्लासिफाइड कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए हमको इसमें बताया गया है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इन फाइट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल, यानी हमारे जो एनिमल होते हैं उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है और डिफरेंट फॉर्म होती है, है ना। देयर आर फंडामेंटल फीचर्स, जो उनके कुछ फंडामेंटल कॉमन फीचर्स होते हैं टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल, है ना, उनकी सेल का अरेंजमेंट कैसा है, बॉडी की सिमेट्री क्या है, नेचर ऑफ सिलोम क्या है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पैटर्न क्या है। तो इसका मतलब ये इसमें ये हमसे बोल रहा है कि हमारा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो हमारा किस किस बेसिस पे किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो किस बेसिस पे था, तो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो था तो सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ सेल, सेल का अरेंजमेंट क्या है, किस सेल का, सेलुलर लेवल उसमें, है ना, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद हमको ये दिया गया है, सेकंड क्या है, बॉडी सिमेट्री, बॉडी की सिमेट्री क्या है, वो सिमेट्री का है रेडियल सिमेट्री या बाइलेटरल सिमेट्री है, है ना। नेचर ऑफ सीलोम, नेचर ऑफ सीलोम का होता है, सीलोम का मतलब होता है देख हुआ, है ना। तो बॉडी वॉल और गट के बीच जो कैविटी होती है उसको हम सीलोम बोलते हैं, देख हुआ बोलते हैं, है ना। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, नेचर ऑफ सीलोम में आता है, सीडोसीलोमेट है, एसीलोमेट है, है ना, या सीलोमेट है। तो पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट है तो उसमें माउथ और एनस होगा, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है तो हमारा माउथ जो होगा सिंगल ओपनिंग होगी, है ना, तो वही माउथ का काम करेगा, वही एनस का काम करेगा, है ना। उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी ओपन टाइप या क्लोज टाइप का है, तो ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, है ना, वो एनिमल प्रोड्यूस करता है किस टाइप से करता है, ईच एंड एवरी थिंग वी डिस्कस। दीज फीचर्स आर यूज एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, तो ये हमारे जितने फीचर थे एनिमल को क्लासिफिकेशन के लिए ये यूज किए गए, है ना। एंड सम देम आर डिस्कस हियर, जो कुछ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा इसमें क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा फर्स्ट जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको दिया गया है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारा आएगा कि हमारा जो एनिमल है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है सेल से मिलकर बना हुआ है ना। टिश्यू लेवल है, जो हमारी सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, और फिर ऑर्गन मतलब ऑर्गन लेवल है या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल है, तो हम सब कुछ इस वीडियो में देखते हैं, है ना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑल्दो ऑल मेंबर ऑफ एनिमल आर मल्टीसेलुलर, है ना, जितने भी एनिमल किंगडम में, यानी सभी एनिमल जो हैं वो हमारे क्या हैं, मल्टीसेलुलर हैं, सभी एनिमल हमारे मल्टीसेलुलर हैं, हमको ये दिया गया है, ठीक है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, मतलब उनमें से जो ऑल मेंबर ऑफ एनिमल या जो हमारे मल्टीसेलुलर हैं और उसमें से सभी एक जैसा, है ना, सभी एक जैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पैटर्न ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का
वो एग्जिबिट नहीं करते हैं। सब में डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है इन स्पंजेस, जो हमारे स्पंज होते हैं, स्पंज हमारे जो हैं वो पोरीफेरा के मेंबर होते हैं। पोरीफेरा का मतलब होता है पोर, जैसे हमारा होता है पोरीफेरा, पोरीफेरा ठीक है, पोरी मतलब होता है पोर बियरिंग, पोर बियरिंग है ना, पोर बियरिंग होता है। पोरीफेरा का मतलब होता है हमारे जो होते हैं वो पोर बियरिंग होते हैं, उनमें बॉडी में छिद्र होंगे है ना, होल्स होंगे छोटे छोटे ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पंज और स्पंज जो हमारे होते हैं उनमें किस टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हम देखते हैं। इन स्पंज द सेल अरेंज इन लूज सेल एग्रीगेट, मतलब जो हमारे स्पंज होते हैं उनमें सेल जो होती है एक लूज होती है, लूज एग्रीगेट होती है ना, सेल का अरेंजमेंट होता है लूज एग्रीगेट होता है। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ये होते हैं स्पंज वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करते हैं है ना। सम ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब जो प्रत्येक सेल होगी उसका एक अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होगा, काम करेगी वो अलग अलग, मतलब सभी जितनी भी सेल होंगी वो अपना अलग अलग काम करेंगे है ना। अकर्स एमंग द सेल, मतलब जो हमारे लेबर ऑफ डिवीजन होता है, एक्टिविटी पाई जाती है हमारे इसमें स्पंजेस में कि वो हर सेल अपना अलग अलग काम करेगी है ना। तो मतलब हमारा जो पोरीफेरा में है, स्पंजेस हमारे पोरीफेरा के मेंबर हैं, उनमें हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इसका मतलब ये है ठीक है। इन सिलेंट्रेट, जो हमारे सिलेंट्रेट होते हैं, सिलेंट्रेट और हमारे टीनोफोरा है ना, सिलेंट्रेट और टीनोफोरा हमारे, इनमें जो होता है हमारा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है ठीक है। इसमें देख लेते हैं द जो सिलेंट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, मतलब हमारा जो सिलेंट्रेट होते हैं उनमें सेल का अरेंजमेंट होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है। मोर कॉम्प्लेक्स का मतलब हमारी जो पोरीफेरा में जो तो स्पंजेज में था उसमें सेल का सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, बट इसमें जो हमारा सिलेंट्रेट और टीनोफोरा में हो गया इसमें मोर कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी टिश्यू लेवल्स, जो सेल होती है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है ठीक है। तो हम जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो हमारी सेल है, उसके बाद हम सेल से हमारा बनता है टिश्यू है ना, टिश्यू से बनता है हमारा ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम ठीक है। तो ये हमारा होता है एक इवोल्यूशनरी ऑर्डर देखेंगे हमारा, तो इस तरह से होता है। सिलेंट्रेट अरेंज ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, सिलेंट्रेट में जो होता है अरेंजमेंट ऑफ सेल का वो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हेयर सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, जो हमारी सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन एंड अरेंजमेंट इनटू टिश्यू, मतलब टिश्यू कैसे बनते हैं, जो कॉमन ओरिजिन हो है ना, सेल की कॉमन ओरिजिन हो और कॉमन फंक्शन हो, फंक्शन में भी सिमिलर में भी नॉट सिमिलर, बट जो हमारा कॉमन ओरिजिन है तो हमारा वो सिमिलर होना चाहिए, तभी वो हमारा टिश्यू कहलाएगा ठीक है। हेंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसको हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो सिलेंट्रेट होते हैं और टीनोफोरा होता है इसमें हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ठीक है। ए स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और टिश्यू लेवल से भी हमारा हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे प्लेटे हेलमिंथीज में पाया जाता है ना। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारा एडिस्टेड हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिटेड बाय मेंबर ऑफ प्लेटे हेलमिंथीज। प्लेटे हेलमिंथीज को हम प्लेटवर्म भी बोलते हैं, प्लेटे से मतलब चल रहा है प्लेट है ना, ऐसे हम पढ़ेंगे प्लेट है ना, कुछ मिलता जुलता फ्लैट समझे, तो इससे पता चला हमारा प्लेटे हेलमिंथीज को हम प्लेटवर्म बोलते हैं। प्लेटवर्म को बोलते हैं हिंदी में चपटा क्रैम, मतलब वो चपटे हुए हैं ना फीते के रूप में, उनका ऐसे होता है बॉडी स्ट्रक्चर। द ऑर्गन लेवल या हम देखते हैं ऑर्गन लेवल एग्जिबिटेड बाई मेम्बर ऑफ प्लेटे हेलमिंथीज एंड अदर हायर फाइला है ना, प्लेटे हेलमिंथीज स्केलमिंथीज है ना, बहुत सारे फाइला आते हैं। वेयर टिश्यू ग्रुप आर टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन है ना, ऑर्गन जो हमारे टिश्यू मिलके हमारे ऑर्गन बनाते हैं। पहले हमारा सेल होता है, सेल से हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से हमारा जब एक ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन अपना होंगे तो वो हमारे ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे, जो कि हमारे हायर एनिमल में पाए जाते हैं है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इस टाइप का। ईच स्पेशलाइज फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन, जो हमारा ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, एक
स्पेशलाइज हो जाता है वो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, कि हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है हमारा वो हमारे गैसेज एक्सचेंज का काम करेगा, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा सर्कुलेशन में हेल्प करेगा यानी ब्लड का फ्लो करेगा बॉडी में, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारा वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ईच ऑर्गन सिस्टम है पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। इन एनिमल लाइक एनेलिड्स, जो हमारे एनेलिड्स होते हैं, यानी एनेलिडा, जो हमारा होता है अर्थवर्म होता है, वो एनेलिडा में हमारा क्या आता है, अर्थवर्म आता है और आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, है ना, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्माटा एंड कॉर्डेटा, ये हमारे होते हैं ऑर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, है ना, ये हमारे फंक्शनल सिस्टम यानी हमारे ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहा है यहाँ पे, कि हमारा ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ईच सिस्टम कंसर्न विद ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो हमारा ईच सिस्टम होता है तो उसका एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है ना, कि वो मतलब क्या करेगा, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा रिप्रोडक्शन कराएगा, है ना, और सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन कराएगा। दिस पैटर्न कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हम इस पैटर्न को ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो अब हम आपको इसको सिंपल तरीके से बताते हैं क्या क्या मतलब इसका, ठीक है। जो हमारे स्पंजेस थे, स्पंज जो थे हमारे, उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, और उसके बाद हमारे सिलेंटेट आ गया, सिलेंटेट और टीनोफोरा, टीनोफोरा में हमारा जो हो गया वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो हमारे होते हैं, ठीक है, और जो हमारा प्लेटेहेल्मिंथेज हो गया हमारा, उसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो हमारा हो गया एस्केहेल्मिंथेज टू कॉर्डेटा, हो गया हमारा, वो हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसका सिंपल मतलब ये है, ठीक है। इसमें हमको दिया गया है जब हमारे कौन कौन से एनिमल, यानी एनिलिड्स हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया एंड इकाइनोडर्माटा एंड कॉर्डेटा हो गया, तो ये हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, जो हमारे ईच ऑर्गन सिस्टम का एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, वो स्पेसिफिक वर्क करेगा अपना, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरिएट पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमारा ऑर्गन सिस्टम होता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल का, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो डिफरेंट हो सकती है, है ना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हमको क्या बताया गया है, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटेहेल्मिंथेज, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा प्लेटेहेल्मिंथेज में, वो क्या होता है, ओनली सिंगल ओपनिंग, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लेटेहेल्मिंथेज का होता है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। हमने आपको बताया था कंप्लीट हम उसको बोलेंगे जिसमें दोनों माउथ हो और एनस हो, उसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे, बट हमारे प्लेटेहेल्मिंथेज में ओनली सिंगल ओपनिंग है आउटसाइड ऑफ द बॉडी कैविटी जेट सर बिट बोथ माउथ एंड एनस, जो हमारी प्लेटेहेल्मिंथेज के मेंबर्स होते हैं उनमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है बॉडी के आउटसाइड्स, जो कि हमारा माउथ और एनस दोनों का काम करती है, तो इसलिए हम उसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे, है ना, तो ये हमको दिया भी गया है आगे, सर्व एज माउथ एंड एनस हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी प्लेटेहेल्मिंथेज में हमारा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सिंगल ओपनिंग होती है जो कि हमारा माउथ और एनस दोनों का काम करता है, है ना। ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा हमारा, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज ए टू ओपनिंग, जो हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसमें टू ओपनिंग होगी, है ना, एक होगी माउथ और एक एनस, जहाँ से हम खाना खाएंगे और जहाँ से हम पास, समझ लो ना, पास आउट करेंगे, ठीक है, तो उसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसी टाइप का होता है ना, उसमें भी टू टाइप के होते हैं, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तुम्हारा जो होता है प्लेटेहेल्मिंथेज में मोड़ा होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, प्लेटेहेल्मिंथेज के बाद एस्केहेल्मिंथेज से कॉर्डेटा लगा के हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। जो हम इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम भी टू टाइप होता है, ओपन टाइप का मतलब क्या होता है, खुला हुआ है ना, उसमें आर्टरी वेन वेन्यूल्स कैपिलरीज वगैरह नहीं होंगी, ठीक है। इसमें देखते हैं ओपन टाइप इन विच ब्लड इज पम्प
आउट ऑफ हार्ट, आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट। मतलब जो होता है हमारा जो हार्ट से ब्लड पंप होगा वो ऐसे खुले में होगा, उसमें जो हमारे ऑर्गन होते हैं वो हमारे सेल्स होते हैं टिश्यू होंगे उसी में डायरेक्टली डूबे हुए होते हैं, मतलब उसी में तैर रहे होते हैं, उसी में डिप्ट होते हैं, ठीक है। और हमारा जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इन विच ब्लड सर्कुलेटेड थ्रू सीरीज ऑफ वेसल्स बाय इन डायमीटर, हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें सीरीज ऑफ वेसल्स होती हैं जो कि हमारी डायमीटर वेरी करती हैं, मतलब जैसे हमारा आर्टरी, वेन, वेन्यूल्स, कैपिलरीज, ईच एंड, तो इनका अलग अलग जो होता है डायमीटर होता है। आर्टरी का डायमीटर कम होता है, आर्टरी का डायमीटर क्यों कम होता है, क्योंकि उसमें जो होता है ना प्रेशर, आर्टरी में जो प्रेशर होता है वो हमारा वेन की अपेक्षा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमारा वेन का डायमीटर थोड़ा उससे आर्टरी से ज़्यादा होता है। कैपिलरीज में फाइन वेन एंडिंग होती हैं, बहुत पतली पतली सी होती हैं हमारी कैपिलरीज, है ना। अब हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था वो खत्म हो गया, इसमें सिमेट्री, अब उसके बाद वैसे तो आप क्लासिफिकेशन में सिमेट्री देखेंगे, हम सिमेट्री के बारे में हमको बताया गया है। सिमेट्री क्या हमारी सिमेट्री, एनिमल कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, एनिमल को हम उसकी सिमेट्री के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं, है ना। जो सिमेट्री का मतलब जैसे हमारी इसमें स्पंजेस जो होते हैं हमारे उसमें एसिमेट्री होती है, एसिमेट्री का मतलब हमारे उनको हम कहीं से भी काट नहीं सकते हैं, है ना, कोई उसमें कोई कॉट काट नहीं सकते उसको। हेंस एनिमल हमारे जो होते हैं मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। सो इसमें क्या है, एनी प्लेन डेट प्रोसेस थ्रू द सेंटर, जो हमारा कोई भी प्लेन, मतलब कोई भी हम प्लेन काटेंगे जो हमारा सेंटर से पास हो और वो इक्वल हब में डिवाइड ना कर पाए तो उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल, ठीक है, एसिमेट्रिकल बोलते हैं उसको। तो हमारे जो स्पंज होते हैं वो हमारे मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब उसकी कोई सिमेट्री नहीं होती है, हम उसको सेंटर से प्लेन उसका काटते हैं फिर भी हमारे इक्वल हाफ पे वो डिवाइड नहीं होते हैं, है ना। और फिर क्या दिया, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, जब हमारा कोई प्लेन सेंटर से पास हो एंड बॉडी डिवाइड ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटू टू आइडेंटिकल हाफ, और हमारी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को टू आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर दें तो उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, है ना। अब आपको हम बताते हैं, देखो सिंपल तरीके से जो हमारी है रेडियल सिमेट्री का मतलब हमारा है, अगर सपोर्ट डेट ये हमारा एक है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसका ये हुआ सेंटर। अब हम ऐसा प्लेन डालें कि हमारे इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को टू इक्वल हाफ में वो डिवाइड कर दें, तो सिंपल सा तरीका है, हम प्लेन को सेंटर से पास करेंगे, ठीक है, तो हमारा राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो गया ये, अगर हम यहाँ से करेंगे तो भी हमारा वो इधर भी डिवाइड हो गया इक्वल हाफ में, है ना, अगर हम इसको यहाँ से करेंगे तो भी हमारा इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, तो इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। यहाँ पे हमको दिखाया गया है ये हमारा जो है ये रेडियल सिमेट्री का है, यहाँ से हमने इसको ऐसे किया ये देखो, है ना, तो हमको रेडियल राइट और इसमें डिवाइड हो गया, दो इधर अपेंडिजेज आ गए, ये दो इधर आ गए, तो हमारा ये रेडियल सिमेट्री हो गया, मतलब हमारा एक सेंटर से कोई भी प्लेन पास करेंगे और उसको दो इक्वल बराबर भागों में डिवाइड कर दें तो उसको हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। और दूसरी सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री हमारी रेडियल सिमेट्री हो गई, है ना। अब हमारी इसके बाद क्या होती है, हमारी बायलेटरल सिमेट्री होती है। अब बायलेटरल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री जो होती है हमारी मोस्ट एडवांस सिमेट्री होती है ना। तो रेडियल सिमेट्री जो होती है हमारी, हाँ रेडियल सिमेट्री हम इसमें देख लेते हैं, रेडियल सिमेट्री हमारी होगी तो सिलेंट डेटा, है ना, जो हमारे स्पंज जो है हमारे वो मोस्टली एसिमेट्रिकल थे, मतलब उसमें हमारी कोई सिमेट्री नहीं थी ना। जो हमारे सिलेंट्रेट होते हैं, ट्यूनोफोरा होते हैं, इकाइनोडर्मेटा होते हैं, जो हमारा इसमें इकाइनोडर्मेटा में एक हमारा एक्सेप्शन है, जो हमारा एडल्ट इकाइनोडर्मेटा होता है, जो हमारा इकाइनोडर्मेटा जो होता है हमारा इकाइनोडर्मेटा जो होता है हमारा एडल्ट एडल्ट जो इकाइनोडर्मेटा होता है वो हमारा रेडियल सिमेट्री शो करता है। क्या करता है हमारा रेडियल सिमेट्री शो करता है, ये हमारा एक्सेप्शन है। पर जो उसका लार्वा होता है, जो लार्वर होता है, वो लार्वा होता है ना, वो हमारी बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, यानी हमारा मोस्ट एडवांस सिमेट्री शो करता है, ये हमारा एक्सेप्शन है। ये हमारे क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, पूछ लेते हैं, यहाँ कन्फ्यूजिंग है, इसको हम याद रखेंगे, यानी हमारा सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया और इकाइनोडर्मेटा हो गया, ये हमारे सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और हमारी इकाइनोडर्मेटा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, ये हमारी कैसी रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। रेडियल सिमेट्री क्या होती है मैंने आपको बता दिया है ना।
अब हमारे इसमें दिए गए एनिमल लाइक एनिलिड्स आर्थोपोड्स है ना, एनिलिडा आर्थोपोडा, तो हमारे क्या क्या सिमेट्री करेंगे, ये बायलेटरल सिमेट्री शो करेंगे। एनिलिडा आर्थोपोडा वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली वन प्लेन एग्जिबिटेड बायलेटरल सिमेट्री। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि हमारे कोई भी एनिमल है, मान लो हमारा ये एनिमल है, अब हमारा है ना इसमें एक हम प्लेन डालेंगे, ओनली एक प्लेन, हम सिर्फ एक ही प्लेन डालेंगे और वही प्लेन हमारा ऑर्गेनिज्म की बॉडी को राइट और लेफ्ट इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें, तो उसको हम बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। देखो लेटरल का मतलब होता है हमारे अगल बगल, है ना, सिंपल तरीके से हम अगल बगल, जैसे हम अपने बॉडी से प्लेन डालें तो ये हमारा जो है यहाँ से अगर प्लेन पड़ेगा, ऐसे प्लेन पड़ेगा तो हमारी बॉडी को राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर देगा, तो इसको हम बोलेंगे बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, इसको बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। बायलेटरल सिमेट्री हमने देख लिया। जो हमारी रेडियल सिमेट्री होती है वो किसमें होती है, हमने देखा सिलेंट्रेट में होती है, टीनोफोरा में होती है, और हमारे एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में होती है। जो बायलेटरल सिमेट्री होता है हमारा वो हमारा एनेलिडा आर्थोपोडा, और जो हमारा इकाइनोडर्मेटा होता है, इकाइनोडर्मेटा हमारा जो लार्वा वाला होता है वो हमारा बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। फिर कॉर्डेटा जो फर्दर फाइलम है वो सारे बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ठीक है, और जो हमारा स्पंजेज में था उसमें हमारा भी एक एक्सेप्शन होता था, हमारा इसमें स्पंजेज में था उसमें भी एक एक्सेप्शन है। जो स्पंजेज में हमारा जो साइकॉन होता है ना हमारा, जिसको हम बोलते हैं एक मिनट, जो हाँ स्पंजेज में जो हमारा होता है साइकॉन को हम स्काइफा भी बोलते हैं। स्काइफा जो होता है हमारा, स्काइफा जो होता है, और हमारा जो लिकोसिलोनिया होता है, लिकोसोलोनिया जो होता है हमारा, ये हमारी जो शो करते हैं ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ये हमारा एक्सेप्शन है, इसको हम याद रखेंगे है ना, ये हमारी रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। उसके बाद हमारे जो होते हैं है ना एनिलिडा आर्थोपोडा, उसके बाद जो फर्दर होते हैं वो हमारे सब बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। कि हमने देख भी लिया कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है। ये बायलेटरल सिमेट्री है और हमारी ये जो है हमारी ये रेडियल सिमेट्री है ना, ये जो हमारी रेडियल सिमेट्री है। अब हम आगे देखते हैं, सिमेट्री हो गया हमारा। अब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है ना, ये क्या होता है, जर्मिनल लेयर्स होती है हमारी डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, ये हम देखेंगे इसमें। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है हमारा है ना, तो एनिमल इन विच द सेल आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, जो हमारी होती हैं वो एनिमल जिनमें हमारी टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, जो एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं वो अरेंज होती हैं। जो हमारी एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल को हम बोलते हैं इक्टो है ना, और इंटरनल को बोलते हैं हम एंडो। जो हमारी एक्सटर्नल चीज़ होती है उसको हम बायोलॉजी में इक्टो बोलते हैं, और जो हमारी इंटरनल होती है उसको बायोलॉजी में हम एंडो बोलते हैं, और जो हमारी बीच में होती है उसको बायोलॉजी में हम मीजो बोलते हैं, मतलब मध्य में। ठीक है, तो हमारा क्या है, एनिमल इन विच द सेल आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, वो एनिमल जिनमें हमारी सेल टू एम्ब्रियोनिक लेयर में अरेंज होती हैं, जिसको एक्सटर्नल हम बोलते हैं एक्टोडर्म एंड इंटरनल बोलते हैं हम इंडोडर्म। तो ऐसे एनिमल को हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं है ना, एक्टोडर्म और इंडोडर्म जिसमें पाई जाए तो उसको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलेंगे। डिप्लो मतलब दो, ठीक है, ब्लास्ट मतलब सेल, ठीक है, और उसके बाद ऐसे एनिमल को डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। तो अब इसका एग्जांपल क्या डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का, जो हमारे सिलेंट्रेट्स होते हैं, सिलेंट्रेट हो गया, सिलेंट्रेट का एक भाई है हमारा टीनोपोरा है ना, टीनोफोरा, इसको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। इन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर, जो एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर जिसको हम मीजोग्लिया बोलते हैं और मीजोहेलाइन बोलते हैं है ना, मीजोग्लिया को हम क्या बोलते हैं, मीजोहेलाइन भी बोलते हैं, मीजोहेलाइन। एंड अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर जो होती है मीजोग्लिया को मीजोहेलाइन बोलते हैं, वो हमारी प्रेजेंट होती है इन बिटवीन इक्टो एंड इंडोडर्म, यानी हमारी जो मीजोग्लिया अगर प्रेजेंट है इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे दो एनिमल, तो हमारे जो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं इनको है ना।
तो इन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म दोज एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थर्ड जर्मिनल लेयर मेसोडर्म इन बिटवीन इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म कॉल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है ना। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं हमारे वो प्लेटेलेमेंथीस टू कॉर्डेटा होते हैं। जैसे हमारा इसमें इक्टोडर्म और इंडोडर्म जिसमें पाई जाती है उसको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। अब हमारे डिप्लोब्लास्टिक और टिप्लोब्लास्टिक में डिफरेंट क्या होता है, जैसे हम देखो इसमें आपको बताते हैं जो हमारे टिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल तो हमने देख लिया कि सिलेंटेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया है ना। जो हमारे टिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं वो टिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं प्लेटेलेमेंथी टू कॉर्डेटा टिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं है ना। इनमें इक्टोडर्म और मेसोडर्म के बीच में इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म पाई जाती है। जो हमारी होती है जर्मिनल लेयर है ना, इनको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर जो होती है हमारी तो पहले कौन बनती है, बाद में कौन बनती है ना, बीच में कौन बनती है, इसका मतलब जैसे हमारा नाम से पता चल रहा है इक्टोडर्म जो होगी हमारी वो हमारी पहले बनेगी, सबसे पहले हमारी इक्टोडर्म बनेगी, उसके बाद हमारी बनेगी जो हमारी इंडोडर्म बनेगी, इक्टो के बाद में हमारी इंडोडर्म बनेगी, इंडोडर्म हमारी सेकंड हमारी इंडोडर्म बनती है। और जो हमारा मेसोडर्म इसका मतलब बीच में, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पहले के बाद वो बन जाएगी। और जो हमारी मेसोडर्म होती है, मेसोडर्म हमारी लास्ट बनती है, सबसे बाद में बनती है हमारी लास्ट फॉर्म है ना, सबसे बाद में बनती है मेसोडर्म हमारी सबसे लास्ट में बनती है। ये हम देख लेंगे इसमें, ठीक है। इसमें हमको ये दिखाया गया है फिगर में जर्मिनल लेयर के बारे में हमको दिखाया गया है। ये हमारा ए वाला जो फिगर है डिप्लोब्लास्टिक का है हमारा, इसमें देखो मेसोग्लिया पाई जा रही है जिसको मेसोहेलाइन बोलते हैं है ना। मेसोग्लिया को मेसोहेलाइन बोलते हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होती है हमारी इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में पाई जाती है, ठीक है। और जो हमारा इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर पाई जा रही है हमारी, तो इसको हम मेसोग्लिया बोलते हैं, इसको मेसोहेलाइन भी बोलते हैं। तो इसलिए हमारे ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, सिलेंटेटा और टीनोफोरा हमारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उसके बाद हमारे प्लेटेलेमेंट्स और कॉर्डेटा जो होते हैं हमारे वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, है ना। अब ये हमारा मेसोग्लिया जो था हमारी एक मेसोडर्म में कन्वर्ट हो गई इंडोडर्म और इक्टोडर्म के बीच में, तो हमारा ये टिप्लोब्लास्टिक एनिमल का हो गया, ठीक है। जो हमारे टिप्लोब्लास्टिक एनिमल थे, हमारे टिप्लोब्लास्टिक एनिमल प्लेटेलेमेंथी टू कॉर्डेटा है, ठीक है। अब उसके बाद हमको दिया गया सिलोम। सिलोम का मतलब होता है हमारा देगुआ। सिलोम का मतलब होता है हमारा देगुआ, देगुआ हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। सिलोम प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है, ये हमारा क्लासिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये क्लासीफाइड तभी कर पाएंगे कि हमारे गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में कैविटी पाई जा रही है, तो उस टाइप के एनिमल को हम सिलोमेट एनिमल बोलेंगे। जिसमें नहीं पाई जा रही उसको हम ए सिलोमेट एनिमल बोलेंगे, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन, है ना। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द बॉडी कैविटी विच लाइंड बाई मेसोडर्म, जो बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइंड होती है, लाइंड मतलब घिरी हुई होती है, इसको हम बोलते हैं सिलोमेट, है ना, कॉल्ड सिलोम। सॉरी, जो बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइंड होती है उसको हम सिलोम बोलते हैं, है ना। एनिमल प्रोसेसिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट, जो ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें सिलोम होती है तो उसको हम सिलोमेट एनिमल बोलते हैं। सिलोमेट एनिमल हमारे क्या होते हैं, हमारे सिलोमेट के एनिमल का एग्जांपल हमको दिया गया है, एनिलिडा हमारे होते हैं, है ना, और हमारे मोलस्का होते हैं, आर्थ्रोपोडा होते हैं, इकाइनोडर्मेटा होते हैं, हेमिकॉर्डेटा होते हैं और हमारे कॉर्डेटा होते हैं, है ना। जो हमारे सिलोमेट एनिमल हो गए वो हमारे कौन कौन से हो गए, एनिलिडा टू हमारे कॉर्डेटा जो होते हैं हमारे वो सिलोमेट एनिमल होते हैं, है ना। एनिलिडा टू कॉर्डेटा जो होते हैं हमारे वो सिलोमेट एनिमल होते हैं, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। इन सम एनिमल, और जो हमारे कुछ एनिमल होते हैं, इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाई मेसोडर्म, जो हमारी कुछ एनिमल में
बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन नहीं होती है, इनसीड मीजोडर्म मतलब मीजोडर्म की सॉरी मीजोडर्म की जगह स्कैटर्ड पाउच इन बिटवीन इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म जो हमारी होती है। देखो जो हमारे कुछ एनिमल होते हैं जिनमें हमारी मीजोडर्म नहीं पाई जाती, मीजोडर्म जो होती है वो मीजोडर्म पाउच के रूप में स्कैटर्ड होती है ना, पाउच के रूप में स्कैटर्ड होती है इंडोडर्म और इक्टोडर्म के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं सीडोसिलोमेट है ना, तो उसको हम सीडोसिलोमेट एनिमल बोलते हैं। हमको ये दिया गया है इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाई मीजोडर्म, कुछ एनिमल में बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन नहीं होती है, इंस्टीट्यूट द मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर पाउच, जो हमारी मीजोडर्म होती है वो स्कैटर पाउच के रूप में प्रेजेंट होती है इन बिटवीन इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच मीजोडर्म होती है वो स्कैटर पाउच के रूप में प्रेजेंट होती है, सच अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीडोसिलोमेट है ना, तो ऐसी कैविटी को हम सीडोसिलोम बोलते हैं। सीडो मतलब आवासी, आवासी मतलब जो दिखती है वो है नहीं, ठीक है, आवासी सीडोसिलोमेट। और ऐसे एनिमल जो हमारे इस टाइप की सीडोसिलोमेट वो करते हैं हमारी प्रोसेस, ऐसे इस टाइप की जो हमारी सिलोम प्रोसेस करते हैं है ना, तो स्कैटर पाउच वाली, तो हम इसको बोलते हैं सीडोसिलोमेट एनिमल। सीडोसिलोमेट एनिमल जो होते हैं हमारे एक ही है, क्या है हमारे एस्केलमेंथेज, एस्केलमेंथेज हमारे जो होते हैं वो सीडोसिलोमेट होते हैं, और जो हमारे सीलोमेट एनिमल होते हैं वो सीलोमेट एनिमल होते हैं हमारे एनिलीडा टू कॉर्डेटा है ना, और उसके बाद एक और हमारा एसीलोमेट एनिमल, तो वो हम देखते हैं। एनिमल इन विच है ना, जो हमारा होता है हाँ सीडोसिलोमेट हो गया। अब इसके बाद द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज अब्सेंट, जो ऐसे एनिमल होते हैं जिसमें बॉडी कैविटी ही अब्सेंट है ना, तो जिसमें सिलोम ही एब्सेंट है, बॉडी कैविटी ही एब्सेंट है, तो उसको हम बोलते हैं एसिलोमेट एनिमल, यानी ए मतलब एब्सेंट, सिलो मतलब सिलोमेट, यानी बॉडी कैविटी ही एब्सेंट है, उसमें जेगुआ ही एब्सेंट है ना, तो ये सिलोमेट एनिमल बोलते हैं। एसिलोमेट एनिमल होते हैं हमारे प्लेटल हेलमिंथीज होते हैं। तो अब आपको हम समराइज मैनर में बता देते हैं। समराइज मैनर में क्या हुआ, जो हमारे सिलोमेट एनिमल होते हैं, सिलोमेट एनिमल होते हैं एनिलीडा टू हमारे कॉर्डेटा होते हैं है ना, और जो सीडोसिलोमेट होते हैं हमारे, सीडोसिलोमेट होते हैं हमारे वो हमारे क्या होते हैं, सीडोसिलोमेट होते हैं हमारे वो हमारे एस्केलमेंथीज होते हैं, सीडोसिलोमेट हमारे होते हैं एस्केलमेंथीज होते हैं, और जो हमारे एसिलोमेट होते हैं, एसिलोमेट होते हैं वो हमारे प्लेटेहेलमेंथीज होते हैं, जी हम नोट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। हमको यहाँ पे फिगर में दिया गया है, हमको कुछ फिगर दिए गए हैं, डायग्राम दिए गए हुए, उनको हम देख लेते हैं। डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ द सीलोमेट है ना, ए वाला जो हमको सीलोमेट का दिया गया है, सेकंड नंबर हमारा सीडोसिलोमेट का दिया गया है, और सी वाला हमारा एसिलोमेट का दिया गया है, तो इसको कैसे देख लेते हैं हम इसमें। तो इसमें हमारी है ना ये सीलोमेट का है, ये सीलोम का है, इसमें बॉडी कैविटी, बॉडी वॉल और कैविटी के बीच में स्पेस है, ये है ना स्पेस है, तो ये सीलोमेट का है। इसमें जो हमारी मीजो हमारी थी मीजोडर्म स्कैटर पाउच के रूप में पाई जा रही थी, तो हमारा सीडोसिलोमेट का था, सीडोसिलोमेट का हमारा ये था, सीडोसिलोमेट का था हमारा है ना, और जो सीडोसिलोमेट का एग्जांपल था हमारा एस्केलमेंथीज था, और जो हमारा सी था इसमें कोई भी कैविटी नहीं है, बॉडी वाल और गट बीच के बीच कोई कैविटी नहीं है, तो ये हमारा एसिलोमेट का था, एसिलोमेट का एग्जांपल जो हमारा था वो प्लेटल हेलमेंथीज था, ठीक है। अब इसमें देखते हैं सेगमेंटेशन, जो हमारा सेगमेंटेशन क्या होता है ना, सेगमेंटेशन जिसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो हमारा एनिलीडा में पाया जाता है वो हम पढ़ेंगे इसी में है ना, मेटामर्स जो बोलते हैं इसी में पढ़ेंगे। इन सम एनिमल द बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसमें बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू सेगमेंट, मतलब उनकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट में डिवाइड होती है, सीरियल रिपीटेशन एट लीस्ट सम ऑर्गन है ना, मतलब इन सम एनिमल द बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इंटू सेगमेंटेड विद ए सीरियल रिपीटेशन एट लीस्ट सम ऑर्गन, मतलब किसी ना एट लीस्ट एक ऑर्गन का सीरियल रिपीटेशन होना चाहिए और एक्सटर्नली और इंटरनली वो डिवाइड होनी चाहिए है ना सेगमेंट में, तो उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेड बोलते हैं, सेगमेंटेशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म, जो हमारा अर्थवर्म होता है बॉडी सौ पैटर्न कॉल मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो अर्थवर्म की बॉडी होती है वो हमारी एक पैटर्न शो करती है बॉडी, जिसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, एंड इस फिनोमेना को हम मेटामेरिज्म बोलते हैं। जो अर्थवर्म की बॉडी जो होती है वो एक
उसका मेटामर पाया जाता है उसमें, है ना। मेटामर मतलब टुकड़े, उसमें छल्ले एक रिंग के नुमा स्ट्रक्चर पाई जाएंगी। उसकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है सेगमेंटेशन में, है ना, सेगमेंट में डिवाइड होती है, तो इसको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और जो हमारी ये फिनोमेना होता है इसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। जो हमारा सेगमेंटेशन सिर्फ तीन में पाया जाता है, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में एंड वर्टिब्रेटा में, ठीक है। इसमें तीन में सेगमेंटेशन पाया जाता है। जो कि हमारा वर्टिब्रेटा में होता है वो इंटरनल सेगमेंटेशन होता है। इसमें जो होता है हमारा इंटरनल सेगमेंटेशन होता है। इंटरनल सेगमेंटेशन यानी हमारी जो रिब्स होती हैं, है ना, वर्टिब्राई होती हैं, ये हमारी सेगमेंटेशन होते हैं। इसमें सीलियर पार्टीशन होता है, सेगमेंटेड हमारी रिब्स जो वर्टिब्रल कॉलम है इसमें हमारी सीलियर पार्टीशन है। ब्रेन्स में भी पाए जाते हैं हमारे सेगमेंटेशन। और जो होता है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा जो होते हैं हमारे, इसमें साइडोसिलोमेट बोलते हैं, साइजोसिलोमेट, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा को साइजोसिलोमेट बोलते हैं हमारी, यानी एक्ट्रोसिलोमेट होते हैं। एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा जो होते हैं हमारे साइजोसिलोमेट, तो यानी ट्रू सिलोम इसमें पाई जाती हैं, है ना। और जो हमारे ये सेगमेंटेशन शो करते हैं, आर्थ्रोपोडा में होता है हमारा सेगमेंटेशन शो करता है, ऐसे मेटामेरिज्म पाई जाती है इसमें, है इसमें, इसके सेगमेंट को मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं और इस फिनोमेना को हम मेटामेरिज्म बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, नोटोकार्ड है। नोटोकार्ड डिसाइड करेगा कि हमारा ये एनिमल कॉर्डेट है या नॉन कॉर्डेट है, है ना। नोटोकार्ड है हमारा कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट की भी डिफ्रेंशिएट करने में बहुत हेल्प करता है। नोटोकार्ड इज मीजो टर्मिनली ड्राइव, जो हमारी होती है नोटोकार्ड होती है वो मीजो टर्मिनली ड्राइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर। जो हमारी नोटोकार्ड होती है मीजोटर्मली बनती है, मीजोटर्म से बनती है, है ना। ये हमारी जर्म लेयर हैं जो हमारी गेस्ट्रेशन पीरियड के टाइम बनती हैं। मीजोटर्म, इक्टोडर्म, एंडोडर्म, ये सब जर्म लेयर जो हमारी गेस्ट्रेशन पीरियड में बनती हैं, है ना। नोटोकार्ड इज मीजोटर्मली ड्राइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन द डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड का मतलब होता है हमारा बैक साइड, है ना। बैक साइड का मतलब पीट का साइड, जो हमारा पीछे का हिस्सा होता है बैक साइड, इसको हम बोलते हैं डॉर्सल साइड। और इसको हम बोलते हैं वेंट्रल साइड। वेंट्रल मतलब हमारा उदर, उदर का मतलब होता है हमारा पेट, है ना। मतलब जिस साइड हमारा पेट होता है, छाती होती है, उसको हम वेंट्रल साइड बोलते हैं। और जिस साइड हमारी पीठ होती है उसको हम डॉर्सल साइड बोलते हैं, है ना। नोटोकार्ड इज मीजोटर्मिनल टाइप रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है यानी हमारा गेस्ट्रेशन पीरियड होता है, तब हमारी ये मीजोटर्म, इक्टोडर्म, एंडोडर्म, ये सब जर्मिनल लेयर बनती हैं, है ना। डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल, कुछ एनिमल में हमारी नोटोकार्ड जो होती है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम डॉर्सल साइड में बनती है, वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, है ना। कुछ एनिमल बोला है, ऑल एनिमल नहीं बोला है। अगर आल हो जाएगा तो सारे के सारे जो हमारे कॉर्डेट हो जाएंगे, बट हमारे जो हम पढ़ते हैं पोरीफेरा, है ना, ये हमारे कॉर्डेट में नहीं आते हैं, है ना। कॉर्डेट में सिर्फ हमारे कॉर्डेट ही आते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। सम एनिमल बोला है, आल एनिमल नहीं बोला है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। एनिमल विद नोटोकार्ड, जिसमें जिस एनिमल में नोटोकार्ड होती है, एनिमल विद नोटोकार्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट। मतलब जिस एनिमल में नोटोकार्ड होती है उसको हम कॉर्डेट बोलते हैं। एंड दोज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर, मतलब जिन एनिमल में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ये स्ट्रक्चर नहीं बनती है, तो उसको हम नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। नॉन कॉर्डेट हम बोलते हैं पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं हमारे, वो नॉन कॉर्डेट होते हैं, ठीक है। जो पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा होते हैं हमारे नॉन कॉर्डेट होते हैं, है ना, जिसमें हमारी मीजोटर्मली ड्राइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनती, उसको हम नॉन कॉर्डेट बोलते हैं, ठीक है। अब एनिमल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के हमारा द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स एज मेंशन इन प्रीसीडिंग सेक्शन गिवन फिगर 4.4। आगे हमको फिगर दिया गया है, उसमें ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की फंडामेंटल फीचर्स, कॉमन फीचर्स के बारे में हमको बताया गया है, तो हम देख लेते हैं उसको। जो हमको दिया गया है इसमें किंगडम दिया गया है हमको, है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है, उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फिर सिमेट्री दी गई हमको, बॉडी कैविटी और सीलोम दिया गया है, जिसको हम बोल देते हैं कि हमारा ये इसी से डिसाइड हो रहा था हमारा ऑर्गेनिज्म जो है वो सीलोमेट है, सीडोसीलोमेट है, एसीलोमेट है। उसके बाद हमको दिया गया फाइलम, फाइलम दिया गया हमारा,
फाइलम हमको दिया गया है ना। तो हम देख लेते हैं किंगडम, हमको किंगडम तो हम देख लें, किंगडम तो हमको एनिमल ही है भाई, एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको किंगडम एनिमल एनिमल या ही। तो एनिमल या के जितने भी मेम्बर थे हमारे वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर थे, ऑल मेम्बर ऑफ किंगडम एनिमल या आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। और फिर इसमें हमको दिया गया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमको दिया गया है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था हमारा है ना, ये किस में पाया जाता है, हमारा स्पंजेज में पाया जा रहा था। स्पंज की स्टडी को हम बोलते हैं पैराजुलॉजी। पैराजुलॉजी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ इसके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एज लाइक प्लांट और एनिमल के बीच के कैरेक्टर शो करते हैं, तो इसको बोलते हैं पैराजुलॉजी स्पंज की स्टडी को, ठीक है। ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, बट आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, स्पंज की स्टडी को पैराजुलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमको सिमेट्री दिया गया है, सिमेट्री में हमको दिया गया है एसिमेट्री दिया गया है। जो हमारी मोस्टली स्पंज होते हैं हमारे वो एसिमेट्रिकल थे, है ना, उसमें बॉडी प्लेन से उसको बॉडी को डिवाइड नहीं कर पा रहे थे इक्वल ऑफ पे। और रेडियल सिमेट्री जो थी हमारे सिलेंट्रेटा में थी, टीनोफोरा में थी, और हमारे एडल्ट इकाइनोडर्मेटा जो था हमारा रेडियल सिमेट्री शो कर रहा था। और हमारे स्पंज का एक्सेप्शन जो था हमने बताया था स्काइफा, और जिसको हम साइकॉन बोलते थे, और हमारे ल्यूकोसोलेनिया, ये हमारे रेडियल सिमेट्री शो करते थे, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आते हैं हमारे मेडिकल एग्जाम में, और कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो क्वेश्चन वहीं से बनाता है जहाँ से कुछ एक्सेप्शन हो, है ना, जहाँ से कुछ झोला हो, मतलब कुछ गड़बड़ है तो वहाँ से क्वेश्चन बना देगा, हम लोग उसको नॉर्मल ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी होती है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री हमारी जो क्या थी, जो हमारी राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर रही थी, है ना, जो कि हमारी कहाँ से पाई जा रही थी, लैटरल एमेंथी टू कोऑर्डेटा, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। और उसके बाद हमारी बॉडी कैविटी और सिलोम, बॉडी कैविटी और सिलोम, जिसमें बॉडी कैविटी थी तो उसको सिलोमेड बोलते थे, जिसमें नहीं थी उसको हम एसिलोमेड बोलते थे, है ना, जिसमें भी जो स्कैटर टाइप की थी उसको हम सीडोसिलोमेड बोलते थे। एसिलोमेट यानी हमारे जो स्पंज थे वो हमारे वो मोस्टली एसिलोमेट ही थे, है ना, उसमें सिलोम नहीं थी, है। तो इसके बाद हमको दिया गया फाइलम। तो ये मतलब जितने कैरेक्टर हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री थी यानी बॉडी एसिमेट्रिकल थी, और जिसकी और एसिलोमेट एनिमल थे, तो ये हमारे कैरेक्टर आ रहे हैं फोरीफेरा के, है ना, स्पंजेज के कैरेक्टर हैं, ठीक है। और इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम में हमारा रेडियल सिमेट्री हमारा था, और बॉडी जो कैविटी थी वो हमारी एसिलोमेट थी, एसिलोमेट बॉडी कैविटी थी। और हमारी तो ये हमारे किसके दिए गए हैं, सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी बोलते हैं, सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी बोलते हैं, कभी कभी हमको क्वेश्चन में देते हैं सिलेंट्रेटा ना देके निडेरिया दे देते हैं। और टीनोफोरा, है ना, तो यानी टीनोफोरा की बॉडी रेडियल उसमें सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, एसिलोमेट होते हैं, है ना, और हमारे ये सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके बाद बायलैटरल सिमेट्री में हमारी होती हैं, बायलैटरल सिमेट्री हमारी जो थी प्लेटल एलिमेंट्री टू कोऑर्डेटा पाई जा रही थी, है ना। अब इसमें बॉडी कैविटी और सिलोम में क्या दिए गए, विदाउट बॉडी कैविटी यानी जिसमें विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट जो थे हमारे, एसिलोमेट हमने पढ़ा था जो हमारे प्लेटल एलिमेंट थे हमारे एसिलोमेट थे, और विथ फॉल्स सिलोम जिसमें फॉल्स सिलोम थी उसको हम बोलते थे इसके एलिमेंट थीच, है ना, इसमें की फॉल्स सिलोम थी उसको हम इसको एलिमेंट थीच बोलते हैं। सिडो मतलब आवासी होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा था, उसके बाद जो हमारी थी विथ ट्रू सिलोम, जिसमें ट्रू सिलोम पाई जा रही थी, तो ट्रू सिलोम हमारी किस में पाई जा रही थी, ट्रू सिलोम जो हमारी पाई जा रही थी वो एनिलिडा में, आर्थोफोडा में, मोलस्का में, है ना, और इकाइनोडर्मेटा में, है ना, इकाइनोडर्मेटा में। अब इकाइनोडर्मेटा में हमको स्टार क्यों दिया गया है, इकाइनोडर्मेटा में हमको स्टार इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, क्योंकि जो हमारा इकाइनोडर्मेटा का जो हमारा लार्वा था वो हमारा बायलैटरल सिमेट्री शो कर रहा था, और जो इसका हमारा एडल्ट था वो हमारा रेडियल सिमेट्री शो कर रहा था, यही हमारा एक्सेप्शन है, इसीलिए हमको यहाँ पे स्टार दिया गया है, ठीक है। और हेमिकार्डेटा और कॉर्डेटा यानी हमारे जो सिलोमेट एनिमल होते हैं, ट्रू सिलोमेट एनिमल होते हैं, वो एनिलिडा होते हैं, आर्थोपोडा होते हैं, मोलस्का होते हैं, इकाइनोडर्मेटा होते हैं, हेमिकार्डेटा होते हैं, कॉर्डेटा होते हैं, है ना, ये हमारे ट्रू सिलोमेट होते हैं, यानी इसको हम सिलोमेट एनिमल बोलते हैं।
अब ये हमारा इसमें दिया गया है, हमारा देख लेते हैं हम। इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन स्टेज, यानी इकाइनोडर्मेटा जो होता है हमारा वो रेडियल सिमेट्री शो करता है और बाइलेटरल सिमेट्री भी शो करता है डिपेंडिंग ऑन स्टेज, यानी जो हमारा उसकी एज की स्टेज होगी उस पर डिपेंड करता है, यानी हमारा जो लार्वा होगा वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करेगा, जो हमारा एडल्ट होगा वो रेडियल सिमेट्री शो करेगा। पोरी का मतलब होता है हमारा, पोरी का मतलब होता है हमारा पोर बियरिंग, ठीक है, पोरी का मतलब होता है पोर बियरिंग, पोर का मतलब होता है हमारे छिद्र, ठीक है, जिसकी बॉडी में छिद्र हो यानी होल हो, ठीक है। और फेरा का मतलब होता है हमारा बियरिंग, फेरा का मतलब होता है बियर किए हुए, मतलब धारण किए हुए, है ना, कि उसकी बॉडी में पोर बियर हैं, मतलब उसकी बॉडी में पोर हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं टेस्ट में क्या लिखा हुआ है। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंज, हमने आपको बताया था कि हमारे जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारे स्पंज होते हैं वो पोरीफेरा के मेंबर होते हैं, है ना, ये मैंने आपको अच्छे से बहुत बताया है पिछली वीडियो में। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके पिछली वीडियो देखें और अपना कॉन्सेप्ट बूस्ट करें, ठीक है। द मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस, मतलब पोरीफेरा में जो मेंबर्स होते हैं हम उनको कॉमनली स्पंज बोलते हैं। दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल, ये बोल रहा है कि हमारे इसमें जो हैं इनके एनिमल जो होते हैं वो जनरली मैराइन होते हैं, जनरली का मतलब होता है सामान्यतः, है ना, नॉर्मली वो जनरली मैराइन होते हैं, और मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल। एसिमेट्रिकल के बारे में मैंने आपको बताया था कि एसिमेट्रिकल उसको बोलते हैं जो हम उसकी बॉडी में कोई भी प्लेन डालें और उसकी बॉडी इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो तो उसको हम एसिमेट्रिकल एनिमल बोलते हैं, हमारे स्पंज जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल, और ये जो स्पंज होते हैं हमारे प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल होते हैं। प्रिमिटिव का मतलब होता है पहले, जो बहुत पहले पाए जाते थे, प्रिमिटिव टाइप के एनिमल, है ना, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल होते हैं, क्योंकि हमारा जो किंगडम एनिमिलिया उसमें सारे किंगडम एनिमिलिया में हमारे आल मल्टीसेलुलर एनिमल को रखा गया है, आल मल्टीसेलुलर एनिमल को रखा गया है। तो हमारे जो है किंगडम फाइलम पोरीफेरा है तो हमारा ये मल्टीसेलुलर एनिमल होंगे इसमें, है ना। एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने आपको ये बताया था कि स्पंज में जो होता है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, लेवल ऑफ डिवीजन होती है इसमें, है ना, अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन होता है ना, इसमें डिवीजन ऑफ एक्टिविटी पाई जाती है बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है। तो इसका जो होता है मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्पंज है ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, जो स्पंज में एक होता है, एक डिस्टिंक्ट फीचर होता है ना, बहुत फीचर जो है जो कि स्पंज में ही पाया जाता है, स्पंज है वे वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब वाटर को ले जाने वाला, है ना, कैनाल, उसी को हम कैनाल सिस्टम बोलते हैं। अब हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो हमारा किस में हेल्प करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से हमारा क्या क्या बेनिफिट है स्पंज में, है ना। तो उसका एक बेनिफिट होता है, मैं आपको बताता हूँ उसके बेनिफिट के बारे में, वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है हमारा वो किस में हेल्प करता है तो हम देख लेते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होगा हमारा, फर्स्ट फूड गैदरिंग, है ना, फूड को इकट्ठा करेगा, फूड गैदरिंग में हेल्प करेगा हमारा। और रिस्पायरेटरी एक्सचेंजेज में, मतलब हमारी जो रिस्पायरेटरी एक्सचेंजेज होगा उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। और हमारा जो होगा रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो हमारा वेस्ट मटेरियल बनेगा उसको वो रिमूव करेगा। तो रिस्पायरेटरी वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा इसमें हेल्प करता है, फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, रिस्पायरेटरी एक्सचेंजेज में हेल्प करता है, और हमारे रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प करता है, है ना। तो हम टेस्ट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्पंज हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, स्पंज में वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट किस में हेल्प करता है, फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, ना, रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प करता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, यानी रिस्पायरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। वाटर इंटर थ्रू माइन्यूट पोर, जो हमारा वाटर होता है वो हमारे माइन्यूट पोर से इंटर होता है। माइन्यूट पोर का मतलब होते हैं हमारे छोटे छोटे छिद्र, मतलब जैसे इसके बॉडी में छोटे छोटे छिद्र हैं, इनको माइन्यूट पोर बोलते हैं, है ना। वाटर इंटर थ्रू माइन्यूट पोर, जिनको हम माइन्यूट पोर को हम बोलते हैं ऑस्ट्रिया। माइन्यूट का मतलब होता है छोटे छोटे, और माइन्यूट पोर को हम बोलते हैं ऑस्ट्रिया। इन द बॉडी वॉल इनटू ए कैविटी, है ना, सेंट्रल कैविटी, इनकी बॉडी वॉल में एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं स्पंजोसिल, है ना। सेंट्रल कैविटी जो होती है स्पंजोसिल होता है हमारा,
हमारी स्पंजोसील होती है ये अनएक्सेप्शनल 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 फीचर है स्पंज का, ठीक है जी, अनएक्सेप्शनल फीचर्स है स्पंज का, क्योंकि ये स्पंजोसील जो कैविटी होगी ये सारे स्पंज में पाई जाएगी, स्पंज वो कोई भी हो उसमें स्पंजोसील कैविटी पाई जाएगी, ये अनएक्सेप्शनल फीचर ऑफ स्पंज का है। अगर ये क्वेश्चन में आता है कि अनएक्सेप्शनल फीचर ऑफ स्पंज क्या है, तो हम ये बोलेंगे कि अनएक्सेप्शनल फीचर ऑफ स्पंज जो है कि स्पंजोसील कैविटी उसमें पाई जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो होता है माइन्यूट पोर, तो हमारे ऑस्टिया हो गए, है ना, जो सेंट्रल की कैविटी होगी इसको हम स्पंजोसील बोलते हैं, है ना। स्पंजो मतलब स्पंज से रिलेटेड है, सील मतलब गुहा, हमने आपको बताया था सीलों वगैरह के बारे में, तो उसी तरह का है, उसी से रिलेट करके पढ़ लेंगे तो हमको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। स्पंज मतलब स्पंज से रिलेटेड और सील मतलब गुहा, मतलब उसकी कैविटी के बारे में, ठीक है। फ्रॉम स्पंजो सील फ्रॉम वेयर इट्स गोट आउट थ्रू ऑस्कुलम, ठीक है। तो इसमें क्या क्या लिखा है आपको सही से बताते हैं अच्छे से। वाटर इंटर मतलब जो वाटर होता है वो हमारे माइन्यूट पोर ऑस्टिया से इंटर करता है स्पंज की बॉडी में, है ना, और बॉडी वॉल इनटू ए सेंट्रल कैविटी, उनकी जो सेंट्रल कैविटी होती है उसको हम स्पंजोसील बोलते हैं। स्पंजोसील से हमारा ब्लड कहाँ जाता है, हमारा ऑस्कुलम, स्पंजोसील से हमारा वाटर ऑस्कुलम से निकल जाता है। तो देखो ये मान लो स्पंज की बॉडी है हमारी, ठीक है, ये हमारा ऑस्टिया हो गया, ठीक है, ये स्पंजोसील हो गया, ये हमारा ऑस्कुलम हो गया। तो ऑस्टिया हमारा एज ए माउथ काम करेगा, ठीक है, और जो हमारा ये होगा, ये हमारा ऑस्टिया ऑस्कुलम जो होगा एज ए एनस काम करेगा, ठीक है। तो हमारा ऑस्टिया से हमारे माइन्यूट पोर से वाटर इंटर होता है, स्पंजोसील कैविटी में जाता है, स्पंजोसील में जाता है, ठीक है, और उसके बाद हमारा ऑस्कुलम से वो निकल जाता है। तो दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, ये जो होता है वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारा किस में हेल्प करता है, ये हमारा फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प करता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है ना। इसमें एक सेल पाई जाती है जिसको कॉनोसाइट्स बोलते हैं, है ना, कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल बोलते हैं इनको, जो कि स्पंजोसील में लाइन होती है, स्पंजोसील से जुड़ी हुई होती है, स्पंजोसील उसकी जो बॉडी की कैविटी होती है उससे लाइन होती है ना, जो कॉलर सेल और कॉनोसाइट सेल होती है स्पंजोसील से लाइन होती हैं, एंड और उसकी जो कैनाल होती है उससे लैंड होती है, स्पंजोसील और उसकी कैनाल से वो लैंड होती हैं, मतलब जुड़ी हुई होती हैं, उसी में पाई जाती है, ठीक है। इसमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, जो स्पंजोज में डाइजेशन होगा वो हमारे उनके बॉडी के अंदर होगा, यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाई, इनकी जो बॉडी में बॉडी इज सपोर्टेड बाई ए स्केलेटल मेड अप ऑफ स्पाइकल्स और स्पंजियन फाइबर्स, है ना, जो स्पंजेज की स्केलेटल होता है, स्केलेटल स्पंजेज में स्केलेटल होता है, जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटल होता है बोन्स का बना होता है, जो स्पंजेज में स्केलेटल बना होता है वो हमारा बना होता है स्पाइकुल और स्पंजिन फाइबर का बना होता है, ना। और इसमें जो होते हैं सेक्सेस होते हैं, सेक्स मतलब सेक्स या मेल है या फीमेल है, तो उसमें ये सेपरेट नहीं होते हैं, सेक्स जो होते हैं हमारे वो सेपरेट नहीं होते हैं। सेक्स सेपरेट ना होने का मतलब उसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, है ना, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। जैसे हमने आपको बताया था एच एम बी है ना, HMB को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, यस से हर्माफ्रोडाइट, यम से मोनोसियस यानी मेल और फीमेल एक ही में, और बी से मतलब बाइसेक्सुअल, है ना, ये होता है। जब इसमें दिया गया हर्माफ्रोडाइट का मतलब भी हमको बताया गया है, एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाई द सेम इंडिविजुअल, मतलब जो एग होगा और स्पर्म होगा वो हमारे सेम इंडिविजुअल से प्रोड्यूस होगा, मतलब इसमें जो होगा मोनोसियस होगा, एक ही होगा, एक ही बॉडी होगी, उसी में एग और स्पर्म बनेगा। एक जो होता है हमारा फीमेल पार्ट प्रोड्यूस करता है, और जो स्पर्म होता है हमारा वो मेल पार्ट प्रोड्यूस करता है, है ना। स्पंज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, जो हमारे स्पंजेस होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ये जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा, तो हम कहीं पे भी अगर हमको क्वेश्चन दिया एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन है, तो मोस्ट कॉमन जो होता है हमारा फ्रेगमेंटेशन होता है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा तो हमारा मोस्ट कॉमन क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन से ही होगा हमारा। और जो हमारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय जो होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मतलब उसमें गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट से मेल गैमेट बनेगा, है ना, मेल गैमेट से हमारा
मेल गैमेट बनेगा और हमारा फीमेल गैमेट से फीमेल गैमेट बनेगा, यानी हमारा मेल से स्पर्म बनेगा और फीमेल से ओवा बनेगा, है ना, दोनों फ्यूज करेंगे, उसके बाद हमारा आगे का फर्दर प्रोसेस होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इसमें बता रहा है फर्टिलाइजेशन जो होता है हमारा इंटरनल होता है ना, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, हैविंग ए लार्वर स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंग फ्रॉम एडल्ट, है ना। जिसका मतलब ये है कि जो हमारे स्पंज में होता है फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है ना, इनडायरेक्ट होता है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। वहाँ पे हम अगर जैसे हमसे क्वेश्चन में पूछ गया किसमें किसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, अगर हमको पता है कि उसकी लाइफ स्टेज में लार्वा लार्वा की स्टेज आती है तो उस जिसमें लार्वा की स्टेज आएगी तो हमारा उसमें डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट ही होगा, है ना। लार्वा जो होगा वो एडल्ट से डिफरेंट होगा कि उसकी मॉर्फोलॉजी जो होगी उसको देखकर हम पहचानेंगे कि जो एडल्ट है उसका रंग रूप मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस मतलब मॉर्फोलॉजी वो अलग होगी और जो लार्वा होगा उसकी अलग होगी। एडल्ट लार्वा दोनों अलग अलग होते हैं, डिस्टिंक होते हैं, ठीक है। तो हमको कुछ एग्जांपल दिए गए हैं स्पंजेस के, तो हम देख लेते हैं। पहला हमारा एग्जांपल दिया गया है साइकॉन, ये हमारा जो पहला एग्जांपल है हमारा ये साइकॉन का है। साइकॉन को हम स्काईफाई भी बोलते थे, स्काईफाई भी बोलते थे, जो कि हमारा एक एक्सेप्शन था। इसमें हमारी पाई जाती थी रेडियल सिमेट्री, हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वॉच करिए आपको, ठीक है। ये हमारा साइकॉन को मिसकाइफा भी बोलते थे। और भी जो हमारा स्पंजिया है ना, भी जो हमारा है स्पंजिया, भी जो हमारा स्पंजिया है, भी जो हमारा है, ये क्या है हमारा स्पंजिया, स्पंजिया स्पंजिया को हम बोलते थे बात स्पंज बोलते हैं। स्पंजिया को हम बात स्पंज बोलते हैं, जो कि हम नहाने में यूज करते हैं, जो हम अपनी बॉडी को रगड़ते हैं नहाते हुए, तो वो हमारा स्पंज होता है, बात स्पंज बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और जो हमारा फिर सी जो हमारा दिया गया है, सी जो हमारा दिया गया है वो स्पंजिला है ना, सी जो हमारा दिया गया है स्पंजिला बोल स्पंजिला जो हमारा जो सी है स्पंजिला है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम फ्रेश वाटर स्पंज, इसको स्पंजिला को हम फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं, है ना। और जो हमारे साइकॉन होते हैं, साइकॉन को हम स्काइफा बोलते हैं, उसमें हमारी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, हमारा एक्सेप्शन था। और हमारा एक और था ल्यूकोसोलिनिया था, वो भी हमारा रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, ये भी हमारा एक एक्सेप्शन था। हमको एग्जांपल दिए गए हैं, हमने आपको बताया है ना, ये एग्जांपल जो हमारा दिया गया है स्पंजेस के एग्जांपल हैं। साइकॉन को हम स्काइफा बोलते हैं, है ना, स्पंजिला को हम फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं, और हमारे जो स्पंजिया है स्पंजिया को हम बात स्पंज बोलते हैं, जो स्पंज हम नहाने में यूज करते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है हमारा, इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना, स्पंजेज में होता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि हमारा जिसको हम वाटर कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं, है ना, कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं, और जो कि हमारा होता है, और जो हमारे इकाइनोडर्मेटा होते हैं उसमें भी एक टाइप का सिस्टम होता है जिसको हम वाटर वास्कुलर सिस्टम बोलते हैं, वो उसका एक फीचर्स होता है, इकाइनोडर्मेटा का एक फीचर्स होता है कि जिसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है, वो आगे चल के हम आपको बताएंगे, है ना। और जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और कनाल सिस्टम होता है, ये हमारा पोरीफेरा में पाया जाता है, ये हम याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिली मिस्टेक में हमसे गलत भी हो जाते हैं, तो प्लीज़ इसको हम याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। अब हमारा जो सेकेंड फाइलम हमारा है सिलेंट्रेटा, ठीक है। सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी बोलते हैं, निडेरिया, इसमें जो सी होता है वो साइलेंट होता है, ठीक है, निडेरिया बोलते हैं इसको, सिनेडेरिया नहीं बोलते, निडेरिया बोलते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, टेस्ट में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम ईच मैकेनिज्म को अच्छे से एलिबोरेट करेंगे। तो हम इसमें देखते हैं टेस्ट में क्या लिखा हुआ है। दे आर एक्वाटिक, मतलब ये जो होते हैं एक्वाटिक होते हैं, ये मोस्टली मतलब ज़्यादातर, है ना, मोस्टली मतलब मोस्टली का होता है ज़्यादातर, ये होते हैं मराइन होते हैं, मतलब ये समुद्री वाटर में रहेंगे, है ना, सी वाटर में रहेंगे। सेसाइल हो सकते हैं, सेसाइल का मतलब होता है एक ही जगह पे अपना जीवन यापन कर दें, मतलब एक ही जगह पड़े रहें, एक ही जगह पड़े रहें, ठीक है, एक ही जगह पड़े रहें, मतलब वो अपनी जगह से इधर उधर ना जा सकें, ठीक है। और ये हमारे फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं,
ये हमारे फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं कि मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जा भी सकते हैं, है ना। ये हमारा होता है सिलेंट टेटाउ, जो होता है हमारा सिलेंट टेटाउ निडेरिया जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे रेडियल सिमेट्री होते हैं। और इसका एक भाई है टीनोफोरा, वो भी हमारा रेडियल सिमेट्री होता है, है ना। बायलेटरल सिमेट्री हमारी प्लेटल हेमिनथेस से आती है, जो कि मोस्ट एडवांस सिमेट्री होती है, ये मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में, है ना। द नेम निडेरिया इज ड्राइव फ्रॉम द सिनोडोब्लास्ट और सिनोडोसाइट्स। जो हमारा निडेरिया है, निडेरिया वर्ड हमारा कहाँ से ड्राइव हुआ है, जो निडेरिया वर्ड हमारा है ये हमारा सिनोडोब्लास्ट और सिनोडोसाइट से ड्राइव हुआ है। विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल, स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट, है ना। ये हमारा जो होता है निडोब्लास्ट सेल होती हैं, जो हमारी निडोब्लास्ट होती हैं और निडोसाइट्स होती हैं, वो हमारी क्या कंटेन करती हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल कंटेन करती हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट्स कंटेन करती हैं, मतलब उसमें निमेटोसिस्ट होता है, निमेटोसिस्ट। और जो हमारा होता है निमेटोसिस्ट होता है हमारा, इसको हम निमेटोसिस्ट बोलते हैं, वो हमारा क्या कंटेन करता है, उसमें एक हिप्नोटॉक्सिन होता है, है ना। निमेटोसिस्ट में हमारा क्या होता है, निमेटोसिस्ट में हमारा निमेटोसिस्ट एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारा हिप्नोटॉक्सिन होता है। और हिप्नोटॉक्सिन में क्या होता है, हिप्नोटॉक्सिन का जो कंपोजिशन होता है वो क्या क्या होता है देखते हैं उसको भी। इसमें जो होता है हिप्नोटॉक्सिन का जो कंटेंट होता है उसमें होता है हमारा प्रोटीन प्लस फिनॉल, प्रोटीन प्लस फिनॉल होता है हमारा उसमें मिक्सचर, ठीक है। हिप्नोटॉक्सिन का जो मिक्सचर होता है उसमें प्रोटीन प्लस फिनॉल होता है, है ना। आगे हम देखते हैं जो निडेरिया वर्ड हमारा ड्राइव हुआ था, वो निडोब्लास्ट सेल से ड्राइव हुआ था और निडोसाइट सेल से, ठीक है। विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट एक सैकलाइक स्ट्रक्चर होता है, सिस्ट से मतलब भी पता चल रहा है, सिस्ट का मतलब होता है गांठ, है ना, एक मतलब थैलीनुमा स्ट्रक्चर। और जिसमें निमेटोसिस्ट में हमारा क्या था, हिप्नोटॉक्सिन था, हिप्नोटॉक्सिन का जो मिक्सचर था वो हमारा था प्रोटीन और फिनॉल, है ना। अब आगे देखते हैं इनकी जो बॉडी में होता है टेंटिकल्स पाए जाते हैं। निडोब्लास्ट आर यूज फॉर एनकोरस, मतलब निडोब्लास्ट जो होते हैं, एनकरेज का मतलब होता है सहारा प्रदान करना या किसी चीज़ को पकड़ना, है ना, किसी चीज़ को अपना बेस बना के पकड़ना, वो एनकरेज बोलते हैं उसको, है ना। इनका जो हमारा निडोब्लास्ट होते हैं एनकरेज में हेल्प करती हैं, डिफेंस में हेल्प करती हैं, मतलब अपने बचाव में हेल्प करती हैं, है ना, डिफेंस में हेल्प करेंगी। एंड फॉर कैप्चर प्रे, है ना, और ये प्रे को कैप्चर करने में भी हेल्प करती हैं, है ना। ये हमारी जो निडोब्लास्ट सेल होती हैं किस में हेल्प करती हैं, इनकरेज में हेल्प करती हैं मतलब सारा प्रदान कराती हैं, डिफेंस पे हेल्प करती हैं यानी दूसरे से बचाव के लिए, और भी हेल्प करती हैं जिसको वे कैप्चर ऑफ प्रे मतलब प्रे को शिकार को पकड़ने में हेल्प करती हैं। निडेरियन एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने देखा था कि हमारा स्पंज में था, पॉलीफेरा में था, वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, और हमारे जो निडेरिया थे और सिलेंटेटा थे, है ना, और निडेरिया को ही सिलेंटेटा बोलते हैं, उसमें हमारे जो और आगे टीनोफोर आते हैं उनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। तो हमारा इसमें क्या, निडेरिया में हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। एंड और ये होते हैं जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, है ना। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, इनमें सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, विच ए सिंगल ओपनिंग, जिसमें कि एक सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम, है ना, इनके माउथ में एक सिंगल ओपनिंग होती है, इसमें इनको हाइपोस्टोम बोलते हैं, है ना। स्टोम, स्टोम से मतलब होता है माउथ, है ना, स्टोम से ही माउथ होता है। इसमें जो डाइजेशन,
निडेरिया में हमारा जो डाइजेशन होता है, इसमें हमारा डाइजेशन जो दिया गया हमको, इसमें जो होता है डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, इसमें जो हमारा डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। जो हमारा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, ये अलग अलग जगह होता है, एक ही जगह हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन नहीं होता है। जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है वो हमारा गैस्ट्रो वास्कुलर कैविटी में होता है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होता है हमारा गैस्ट्रो वास्कुलर कैविटी में होता है, जो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है वो गैस्ट्रो डर्मा सेल में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताता हूँ। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होता है हमारा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हमारा गैस्ट्रो वास्कुलर कैविटी में होता है, कैविटी में होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन गैस्ट्रो वास्कुलर कैविटी में होगा, और जो हमारा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, जो हमारा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है वो होता है गैस्ट्रोडर्मल सेल्स में होता है। जो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है वो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स में होता है ना। सम ऑफ निडेरिया एग्जाम्पल, कुछ निडेरिया का एग्जाम्पल दिया गया है जिसका नाम है कोरल्स, ठीक है। ये कोरल्स होता है, ये निडेरिया हैव स्केलेटन, जो इसका स्केलेटन होता है कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो कोरल्स होता है इसका जो स्केलेटन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का हमारा फार्मूला होता है CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल होता है CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का मिलकर बना होता है ना। निडेरिया की बॉडी होती है उसमें टू फॉर्म होती हैं, उसमें निडेरिया की बॉडी टू बेसिस फॉर्म होती हैं, जिसको हम पॉलिप और मेडुसा बोलते हैं, है ना। पॉलिप से मतलब हम पॉलिप को पढ़ेंगे हम पाइप। पाइप से मतलब है कि पाइप जो होता है हमारा वो पड़ा रहता है ऐसे, है ना। पाइप एक जगह पे पड़ा रहता है जब तक उसको हम उठा के इधर उधर ना रखें, है ना। और मेडुसा होती है हमारी, एक मेडुसा फॉर्म होती है। जो पॉलिप फॉर्म होती है हमारी वो किस में पाई जाती है, हमारी हाइड्रा में पाई जाती है। जो हाइड्रा होता है हमारा वो सेसाइल होता है, वो एक स्थान पर ही मतलब अपना उसके बेस से चिपका रहेगा और वो एक स्थान पर ही रहता है, ठीक है। और जो हमारा मेडुसा होती है, इसके एग्जांपल हम कहते हैं द फॉर्मर इज सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल। जो हमारी पॉली फॉर्म होती है वो सेसाइल होती है, और जो हमारी सिलिंड्रिकल फॉर्म, जो पॉली फॉर्म वहीं पाई जाएगी वो हाइड्रा में पाई जाएगी। जो हमारी है पॉली फॉर्म जो हमारी है सेसाइल फॉर्म पॉली फॉर्म वो हाइड्रा में पाई जाएगी, और जो हमारी सिलिंड्रिकल होती है जिसको मेडुसा बोलते हैं वो एडेमसिया में पाई जाएगी, है ना। वेयर इज द लेटर अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश। जो हमारी एक अम्ब्रेला शेप होती है वो फ्री स्विमिंग होती है, वो हमारी ऑरेलिया और जेलीफिश होती है, है ना। दोज निडेरियन विच एग्जिट इन बोथ फॉर्म, जो निडेरियन दोनों फॉर्म में एग्जिट होते हैं, तो बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं। जो दोनों फॉर्म तो करते हैं उसको हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं। जो पॉलिफ होता है वो प्रोड्यूस मेडिसी, जो पॉलिप होता है वो मेडिसी से प्रोड्यूस होता है ए सेक्सुअली, है ना। और जो मेडिसी फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, है ना। तो अब इसको हम याद करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है, सिंपल वर्ड है, याद कर लेना, है ना। यम पी, ठीक है। यम पी से मतलब यम से पी बनेगा, यानी मेडिसी से पॉलिप बनेगा, तो ये बनेगा हमारा सेक्सुअली, ठीक है। और जो हमारा पॉलिप से मेडिसी बनेगा वो बनेगा हमारा ए सेक्सुअली, ठीक है। इसका एग्जांपल ये मेटाजेनेसिस का एग्जांपल हमारा, अगर पूछा जाए क्वेश्चन पेपर में कि मेटाजेनेसिस का एग्जांपल क्या है, अगर हमको ऑप्शन में ओवेलिया दिया गया है तो हमारा वही ऑप्शन राइट होगा। मेटाजेनेसिस का एग्जांपल जो होगा हमारा ओवेलिया होगा, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल दिए गए हमको, जो हमको एग्जांपल दिए गए हैं वो हमारे एग्जांपल हैं फाइशेलिया को हम बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, है ना। जो फाइशेलिया होता है हमारा पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं इसको हम, और एडेमसिया को बोलते हैं हम सी एनिमोन, तो इसको हम ए डी और सी एनिमोन इसे याद कर लेंगे। और पिनेटुला को बोलते हैं पिनेटुला से इसमें भी आ रहा है सी पेन, पिनेटुला स्टार्टिंग में पेन है, इसमें भी पेन है, तो यानी सी पेन, ठीक है। गॉर्गोनिया को सी फैन बोलते हैं, समुद्री पंखा, ठीक है, सी फैन समुद्री पंखा होता है। एंड
मिंड्रीना, मिंड्रीना का मतलब मिंड्रीना, तो ऐसे हमको पता चला है ना, मिंड्रीना ब्रेन कोरल है ना, मेनिनजाइटिस जो हमारी ब्रेन में होती है ना, मेनिनजाइटिस होती है, तो हमारा ये उसी से रिलेटेड कर लेंगे हम, मिंड्रीना मतलब ब्रेन कोरल है ना। और इसके जो हमको फिगर दिया गया डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द निडोब्लास्ट सेल का, हमको ये फिगर दिया गया है, ये हमारा निडोब्लास्ट सेल का फिगर दिया गया है। और ये जो हमारी फॉर्म दी है, एग्जाम्पल ऑफ सिलेंटेटा इंडिकेट आउटलाइन ऑफ देयर बॉडी फॉर्म, ऑरिलिया जो हमारा ए है ये ऑरिलिया है, ऑरिलिया जो होती है हमारी मेडुसी होती है ना। और जो एडेंसिया भी हमका जो दिया गया है हमको, एडेंसिया है, एडेंसिया को हम पॉलिफ बोलते हैं, ठीक है, ये पॉली फॉर्म है हमारी। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा आ गया टीनोफोरा है ना। टीनोफोरा जो हमारा नेडेरिया का सिलेंटेटा का भाई था, इसमें भी टूसिलो वाला ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी है ना। इसमें कुछ अलग फीचर्स होते हैं वो हम आपको बताएंगे क्या क्या होते हैं। जो हमारा होता है जो फाइलम टीनोफोरा होता है, टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट, जो हमारा होता है टीनोफोरा को हम कॉमनली सी वॉलनट के नाम से जानते हैं, सी वॉलनट के नाम से जानते हैं, सी वॉलनट के नाम से जानते हैं, और कॉम्ब जेली, और कॉम्ब जेली बोलते हैं इनको। एक्सक्लूसिवली मराइन, एक्सक्लूसिवली मराइन जो होता है हमारा, एक्सक्लूसिवली मराइन का मतलब जो होगा हमारा सिर्फ केवल केवल ये केवल समुद्री होंगे, ओनली केवल समुद्री होंगे, समुद्र के अलावा ये कहीं नहीं पाए जाएंगे, एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं हमारे, ये हमारे टीनोफोरा जो होता है एक्सक्लूसिवली मराइन होता है। और इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, मैंने आपको बताया इसमें रेडियल सिमेट्री होगी, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे यानी इक्टोडर्म और इंडोडर्म होगी है ना, और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होगी, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये भी मैंने आपको बताया था, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। द बॉडी बियर एट एक्सटर्नल रो ऑफ द सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, इनकी जो बॉडी में होती है एट एक्सटर्नल रो, ये जो हमको दी दिखा रही हैं ये आठ एक्सटर्नल रो होती हैं जिसमें कि सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स होती हैं। सीलिएटेड का मतलब होगी इसमें सीलिया लगे होंगे, सीलिया जो होंगे हमारे स्विमिंग में हेल्प करेंगे है ना, विच हेल्प इन द लोकोमोशन है ना, सिलिया जो होंगे हमारे वो लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। सिलिया का काम ही होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना किसी बॉडी को है ना। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, इसमें भी डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर होगा। और इनमें जो एक प्रॉपर्टी होती है बायोलुमिनेसेंस, बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी होती है, ये जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लेते हैं ये बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी जो होती है वो किसमें पाई जाती है, तो हमारा जो आंसर होगा वो टीनोफोरा होगा है ना। जनरली एग्जाम में पूछ लेते हैं बायोलुमिनेंस ये क्या है, इसको हम देखते हैं। बायोलुमिनेसेंस जो हमारा है, द प्रॉपर्टी ऑफ बायो मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड है यानी वो जीवित मतलब लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इमिट लाइट, बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कि लाइट इमिट करता है। इमिट करने का मतलब होता है लाइट को उत्पन्न करना है ना, लाइट को बनाना, लाइट इमिट करना या प्रदान करना या बनाना है, ठीक है। इज वेल मार्क इन टीनोफोरा, ठीक है ना, जो हमारा होता है बायोलुमिनेंस प्रॉपर्टी होती है वो टीनोफोरा मार्क की जाती है, मतलब वो देखी जाती है कि टीनोफोरा की ये प्रॉपर्टी है बायोलुमिनेसेंस, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, जो हमारे इनमें सेक्सेस होते हैं वो सेपरेटेड नहीं होते हैं है ना, हमने आपको बताया था इसका जो सिलेंटेटा था उसमें भी सेक्सेस सेपरेटेड नहीं थे यानी मेल फीमेल डिस्टिंक्ट नहीं थे, यानी वो हर्माफ्रोडाइट थे, मोनोसियस थे है ना, और बाई सेक्सुअल थे। बाई का मतलब दो, सेक्सेस रिलेटेड मतलब सेक्स और एक ही इंडिविजुअल में पाए जाएंगे, ठीक है। इसमें रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाई सेक्सुअल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन टीनोफोरा और सिलेंटेटा। तो हम क्या आंसर करेंगे कि जो हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली फाउंड इन टीनोफोरा, इसका आंसर है ये हमारा क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है, तो हम बोलेंगे टीनोफोरा में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है ना। फर्टिलाइजेशन इन एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा यानी इसमें लार्वा स्टेज पाई जाएगी, जहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो तो वहाँ पे लार्वा स्टेज पाई जाएगी, ठीक
ठीक है। इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल इसके दो एग्जांपल दिए गए एनसीईआरटी में हमको, प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोफ्लेना, ठीक है। इससे एक एग्जांपल तो हमको अपने मन से याद हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि टीनोफोरा हम पढ़ रहे हैं तो इसमें टीनोफ्लेना है ना, टीनोफ्लेना से हमको रिलेट कर लेंगे, और प्लूरोब्रैकिया हमको एक याद करना पड़ेगा। तो इसको हम एक सिंपल ट्रिक से याद कर सकते हैं, पीसी है ना, पीसी द एग्जांपल ऑफ टीनोफोरा, यानी प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोफ्लेना, ठीक है। इसमें जो हमको दिया गया है, इसका ये फिगर दिया गया है, एग्जांपल ऑफ टीनोफोरा यानी प्लूरोब्रैकिया का हमको ये फिगर दिया गया है। इसमें 8 सीलिएटेड कॉम्बो प्लेट्स हैं है ना, जिसमें कि सीलिया पाए जा रहे हैं। जो सीलिया होते हैं वो हमारे हेल्प इन लोकोमोशन में काम करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने का काम करेंगे और ऑर्गेनिज्म को, है ना। नेक्स्ट जो फाइलम है हमारा प्लैटा हेलमिंथेज, प्लैटा हेलमिंथेज के बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्लेटे से पता चल रहे हैं, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, प्लेट को हम पढ़ेंगे प्लेट, प्लेट को हम पढ़ेंगे प्लेट को हम पढ़ेंगे फ्लैट, ठीक है, प्लेट को हम पढ़ेंगे फ्लैट, यानी कोई ये एक बेलन है ना, ये कोई पाइप है, इसको हम ऐसे प्रेस कर दें तो ये चपटा हो जाएगा, है ना, ये चपटा हो जाएगा, यानी वो फ्लैट हो जाएगा। तो हम आगे देख लेते हैं, जो फ्लैटल एलिमेंट्स होते हैं हमारे, प्लेटल एलिमेंट्स जो होते हैं, दे आर डॉर्सली वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी, यानी इनकी जो डॉर्सी वेंट्रल, यानी हमारा ये वेंट्रल साइड हो गया और ये हमारा जो डॉर्सल साइड हो गया, तो डॉर्सी वेंट्रल जो होगी हमारी, उनकी बॉडी फ्लैटल एलिमेंट्स की फ्लैटेड होगी, यानी वो चपटी होगी, है ना, चपटी होगी, चपटी यानी फीताक्रम, फीताक्रम यानी टेप, जो टेप होता है उसकी तरीके होगी चपटी, ठीक है। तो हमारा फ्लैटल एलिमेंट्स है, डॉर्सली वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी होगी, है ना, यानी डॉर्सली वेंट्रल उसकी चपटी बॉडी होगी, हिन्स कॉल्ड फ्लैट बम, इसलिए इनको हम फ्लैट बम बोलते हैं, फ्लैट बम को हिंदी में बोलते हैं चपटा क्रमी, है ना, यानी चपटे चपटे आकार के होते हैं। दे आर मोस्टली इंडोपैरासाइट्स, ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारे प्लेटल हेलमिंथीज होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली इंडोपैरासाइट्स, यानी ज़्यादातर जो होते हैं हमारे वो इंडोपैरासाइट होते हैं। इंडोपैरासाइट का मतलब होगा कि हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे, हमारी बॉडी के अंदर रह के अपना वो लाइफ सर्वाइव करेंगे और अपनी संख्या में, बहुत संख्या में रिप्रोड्यूस करेंगे और हमारे जो होस्ट होगा उसको वो हार्म पहुंचाएंगे। दे आर मोस्टली इंडो पैरासाइट फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, जो प्लेटल एलिमेंट्स होते हैं हमारे ह्यूमन बींग में भी पाए जाते हैं, जो हमारा टीनिया होता है, टीनिया सोलियम, ये हमारा पाया जाता है ह्यूमन बींग में, फेसिकोला होता है जिसको हम लीवर फ्लू बोलते हैं, ये सब पाए जाते हैं। मोस्टली इंडो पैरासाइट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग में भी पाए जाते हैं। फ्लैट बम आर बायलेटरल सिमेट्री, मैंने आपको बताया था जो हमारा बायलेटरल सिमेट्री की स्टार्टिंग होती है वो हमारी प्लेटल हेलमिंथेज से होती है। मोस्ट एडवांस सिमेट्री हमारी है बायलेटरल सिमेट्री, है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर, बायलेटरल सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर, और ये हमारा स्टार्ट होता है हमारा प्लेटल हेलमिंथेज से, है ना, और ये हमारी प्लेटल हेलमिंथेज होते हैं बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और एसीलोमेट एनिमल होते हैं, यानी इसमें कोई सीलोम नहीं पाई जाती है, है ना, ए सिलोमेट एनिमल होते हैं, और जो हमारा सीडो सिलोमेट एनिमल होता है वो हमारा एसके हेलमिंथेज होता है, जो इसके बाद आएगा, ठीक है। ये ए सिलोमेट एनिमल होते हैं विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो हमारा सिलेंटेटा और टीनोफोरा में पाया जा रहा था, बट हमारा जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा प्लेटल हेलमिंथेज में पाया गया। प्लेटल हेलमिंथेज से हमारा क्या क्या स्टार्ट हुआ, प्लेटल हेलमिंथेज में हमारा क्या क्या स्टार्ट हुआ, बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री हमारी फर्स्ट पहली बार कहाँ पे देखी गई, हमारी बायलेटरल सिमेट्री पहली बार हमारी देखी गई प्लेटल हेलमिंथेज में। ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर हमारा देखा गया प्लेटल हेलमिंथेज में, है ना, और लेवल ऑफ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा प्लेटल हेलमिंथेज में देखा गया। अभी हमारे इंडो पैरासाइट्स हैं, इंडो पैरासाइट्स हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे, कोई इंटेस्टाइन में रहेगा, है ना, तो उसके इंटेस्टाइन में जो हमारा पेरिस्टेलेसिस होती है, क्रमाकुंचन की गत होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पेरिस्टेलेसिस, क्रमाकुंचन बोलते हैं, तो वो इतनी बिगोरस होती है, इसमें बिगोरस कॉन्ट्रैक्शन होता है कि जो हमारा फूड पार्टिकल होता है वो आगे मूव करता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होता है वो फूड पार्टिकल आगे मूव करता है। तो अगर ये हमारे इंडो पैरासाइट हैं, इंटेस्टाइन में रह रहे हैं, तो इनके पास हुक और सकर होंगे कि मतलब वो इतनी अपनी अच्छे से उसमें पकड़ बना के रखें कि वो पेरिस्टाइलिसिस हो उसके बावजूद भी वो बाहर ना निकलें, है ना, वहाँ पे बहुत अच्छे से अपनी को पकड़ के रखें, है ना, उसमें सपोर्ट बना के रखें और वो बाहर ना निकलें। इसमें जो होते हैं हुक एंड सकर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारा अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, है ना, हुक एंड सकर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म, जो पैरासिटिक फॉर्म होंगे उसमें हुक और सकर पाए जाएंगे, है ना। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली, इसमें जो होते हैं कुछ होते हैं जो डायरेक्टली होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं,
और डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सर्फेस, उनकी बॉडी सर्फेस से वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल, ये हमारा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत बहुत बहुत, जिसको हम 5 स्टार देंगे। इसमें होते हैं स्पेशलाइज सेल कॉल्ड फ्लेम सेल। फ्लेम सेल हमारी कहाँ पाई जाती हैं? फ्लेम सेल हमारी फ्लैट बम में पाई जाती हैं, ये हम देख लेंगे। फ्लेम सेल से पता चल रहा है फ्लैट बम, फ्लैट बम, फ्लैट बम हम किसको बोलते हैं? फ्लैट बम हम प्लेटेल मेथीज को बोलते हैं। हमने आपको बताया फ्लैट को फ्लैट पढ़ेंगे हम, है ना, फ्लैट तो हमको अच्छे से याद हो जाएगा। प्लेटेल मेथीज यानी फ्लैट, फ्लेम सेल हमारी पाई जाती हैं वो प्लेटेल मेथीज में पाई जाती हैं। फ्लेम सेल का काम क्या होता है? फ्लेम सेल हमारी किस में हेल्प करती हैं? तो फ्लेम सेल हमारी जो होती हैं ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन, है ना, जो हमारी बॉडी ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन, जो सेल हमारी ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करेगी वो हमारी एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है हमारी बॉडी में ऑस्मोलिटी बनाए रखना, ऑस्मोलिटी हमारी बनाए रखना। और एक्सक्रीशन में मतलब हेल्प करेगा कि मतलब हमारी रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट मटेरियल को हमारा एक्सक्रीट करे बॉडी से, है ना, तो उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ये हम सब आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे अपने, है ना। जो फ्लेम सेल होती हैं हमारी प्लेटेल मेथीज में पाई जाती हैं, वो हेल्प करती हैं हमारी ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। सक्सेस इसके भी जो सक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, मेल और फीमेल को हम डिस्ट्रिक नहीं कर पाते हैं, मेल फीमेल को हम अलग पहचान नहीं सकते हैं। इसमें मेल फीमेल पार्ट पार्ट एक ही इंडिविजुअल में होगा। तो इसमें है सक्सेस और नॉट सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल होगा और डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेज। इसमें जो होगा फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इसमें इंटरनल होगा और इनका जो डेवलपमेंट होगा बहुत सारी लार्वल स्टेजेज पाई जाएंगी, उसके थ्रू इनका डेवलपमेंट होता है। सम मेंबर लाइक, इनमें सम मेंबर्स होते हैं प्लेटेल में जिसके कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिसमें कि बहुत रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। प्लेनेरिया होता है जिसमें, प्लेनेरिया जिसमें कि पोसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। रीजनरेशन का मतलब होता है कोई चीज़, मान लो कोई इंडिविजुअल है, मान लो ये कोई इंडिविजुअल है, इसकी बॉडी का ये पार्ट कट गया, कैसे भी बाय एक्सीडेंट कुछ भी हुआ कैसे भी कट गया, तो ये पार्ट रीजनरेट कर जाएगा। रीजनरेट मतलब वो पुनः ग्रोथ कर लेगा, है ना, पुनः अपने आप को फिर से वो पार्ट बना लेगा, इसको बोलते हैं रीजनरेशन, है ना। तो इसका एग्जांपल जो हमको दिया गया है, टीनिया दिया गया है, टीनिया, टीनिया को हम बोलते हैं टेप वम, है ना, टीनिया सोलियम टेप वम होता है, इसको हम बोलते हैं टेप वम। और फैशिकोला को बोलते हैं हम लीवर फ्लूक, है ना, फैशिकोला को हम बोलते हैं लीवर फ्लूक, टीनिया को बोलते हैं हम टेप वम। इसको एग्जांपल में दिखाया भी गया है, इसका फिगर दिखाया गया है प्लेटेल में जिसका, जो हमारा टेप वम, ये जो हमारा टेप वम टेप की तरीके इसका आकार है, जिस वजह से टेप वम बोलते हैं इसको, है ना, टीनिया सोलियम भी बोलते हैं इसको, और लीवर फ्लूक, है ना, लीवर फ्लूक फैशिकोला बोलते हैं इसको, लीवर फ्लूक बोलते हैं। अब हम देखते हैं एस्केल मेंथीज के बारे में, एस्केल मेंथीज, फाइलम एस्केल मेंथीज हम देखते हैं। प्लेटेल मेंथीज हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एस्केल मेंथीज, है ना। प्लेटेल मेंथीज को हम फ्लैट बम बोलते थे, बट एस्केल मेंथीज को हम कुछ और बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। प्लेट एस्केल मेंथीज, फाइलम एस्केल मेंथीज, द बॉडी ऑफ एस्केल मेंथीज इज सर्कुलर, है ना, एस्केल मेंथीज को सर्कुलर बोला, सर्कुलर बोला तो यानी राउंड, ठीक है, तो यानी एस्केल मेंथीज को हम राउंड वर्म बोलेंगे, है ना। प्लेटेल मेंथीज को हम फ्लैट बम बोल लेते हैं क्योंकि वो चपटे थे, और ये हमारे एस्केल मेंथीज हैं हमारे, ये राउंड हैं, तो इसको हम राउंड वर्म बोलेंगे, ठीक है। द बॉडी ऑफ एस्केल मेंथीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, यानी जब हम उसका क्रॉस सेक्शन करेंगे, यानी मान लो ये है, जब हम इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये इस टाइप की बॉडी मिलेगी, ये काट के हमने हटाया क्रॉस सेक्शन, तो हमको सर्कुलर बॉडी मिली, है ना, हेंस नेम राउंड वर्म, तो इसलिए इसको हम राउंड वर्म बोलते हैं। दे मे बी फ्री लिविंग, ये हमारे जो होते हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और फ्री लिविंग होंगे तो कहाँ होंगे, एक्वाटिक हो सकते हैं, मतलब ये जल में भी रह सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल यानी थल में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे, है ना, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं, और पैरासिटिक, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक वो प्लांट में भी हो सकते हैं और एनिमल में भी हो सकते हैं, है ना, जो हमारे प्लांट में होते हैं वो भी पैरासिटिक होते हैं, उसमें एनिमल में भी होते हैं वो भी हमारे पैरासिटिक होते हैं। राउंड बम हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था हमारा वो प्लेटेल मेंथीज से स्टार्ट हुआ था,
ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था हमारा वो प्लेट एलिमेंसी से स्टार्ट हुआ था, बट यहाँ पे हमारा जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है एस्केल हेमेंथी से स्टार्ट हुआ है ना। ये हमारा इम्पोर्टेंट है, हमसे पूछ लेगा एग्जाम में कि हमारा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हम बोलेंगे प्लेट एलिमेंथी से। अगर हमसे पूछेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा किस में पाया जाता है या कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो बोलेंगे हम एस्केल हेमेंथी से। ठीक है, दे आर बायलेटरल सिमेट्री, ये हमारे जो होते हैं बायलेटरल सिमेट्री से होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री हमारी प्लेट एलिमेंट से स्टार्ट हो गई थी, तो प्लेट एलिमेंट टू कोऑर्डिनेट हमारी बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है ना। तो हमारे ये स्केल में भी होते हैं हमारे वो बायलेटरल सिमेट्री होते हैं और ये ट्रिपोब्लास्टिक होते हैं, है ना। इसमें इक्टोडर्म इंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म पाई जाएगी, जो मीजोडर्म होगी वो लास्ट में सबसे बाद में बनती है, है ना। ये ट्रिपोब्लास्टिक होते हैं और सीडोसिलोमेट होते हैं, मतलब सीडोसिलोमेट मतलब इसमें ट्रू सिलोमेट नहीं पाया जाएगा, ये आवासीय होगा, जो मतलब दिखता है स्कैटर्ड पाउच के रूप में पाई जाएगी, है ना। इसमें स्कैटर्ड पाउच के रूप में पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी, मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउच के रूप में पाई जाएगी, तो इसलिए हम इसको सीडोसिलोमेट बोलते हैं, है ना। इसमें एलिमेंट्री कैनाल इज कम्प्लीट, जो इसमें एलिमेंट्री कैनाल होता है जी, एलिमेंट्री कैनाल को हम बोलते हैं आहार नाल, है ना, जो खाने की नाल होती है, है ना। एलिमेंट्री कैनाल इज कम्प्लीट विथ वेल डेवलप मस्कुलर फेलिंग्स, इसमें वेल डेवलप मस्कुलर फेलिंग्स होगा। ये हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि वेल डेवलप मस्कुलर फेलिंग्स कहाँ पे पाया गया, किस फाइलम से पाया गया, तो हम बोलेंगे एस्केल हेमेंथीस से हमारा वेल डेवलप मस्कुलर फेलिंग पाया गया इसमें एलिमेंट्री कैनाल कम्प्लीट थी, वेल डेवलप मस्कुलर फेलिंग्स पाया गया। इन स्केलेटरी ट्यूब्स, जिनमें स्केलेटरी ट्यूब होती है, रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू स्केलेटरी पोर, जो इनकी जो स्केलेटरी ट्यूब होती है वो बॉडी के वेस्ट को एक बॉडी से बाहर करती है, स्केलेटरी पोर होता है उससे ये बाहर करती है। सेक्सेस आर सेपरेटेड, इसमें जो होते हैं सेक्सेस सेपरेटेड होते हैं, प्लेट एलिमेंथीज में हमारे सेक्सेस सेपरेटेड नहीं थे, मतलब उसमें मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल में पाया जा रहा था, है ना। बट इसमें हमारा स्केल एलिमेंथीज में क्या है कि हमारा मेल और फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल में पाए जाएंगे, मेल का अलग स्ट्रक्चर होगा, बॉडी अलग होगी, फीमेल की बॉडी अलग होगी ना। इसमें जो है सेक्सेस सेपरेट है, सेक्सेस सेपरेट का मतलब है डायोसियस, डायो का मतलब दो, सियस का मतलब हाउस, मतलब दो हाउस होंगे, मतलब अलग अलग घर होगा, मेल फीमेल अलग अलग होंगे, ठीक है। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। ऑफ्टन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, यहाँ पे कॉमन है, ये पकड़ने वाला पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है कि जो फीमेल होती है वो हमारी मेल से लंबी होती है, जो हमारे स्केल मेंथीज में फीमेल होती है वो मेल से लंबी होती है। और जो मेल क्या होता है, मेल का जो टेल होता है ना, मेल का जो टेल होता है वो कर्व होता है, कर्व होता है, ये देखो हमको ये मेल का जो टेल है वो कर्व होता है, मुड़ी होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो मतलब यंग वंश जो बनेगा, यानी जो यंग वंश बनेगा, मतलब जो नया बच्चा बनेगा, जो भी बनेगा, तो वो हमारा एडल्ट से रिजेंबल करेगा, मतलब कुछ में सिमिलरिटी पाई जाएगी। और इनडायरेक्ट है ना, या जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो हमारा जो यंग वंश बनेगा, है ना, जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो वो हमारा एडल्ट से रिजेंबल करेगा, कुछ उससे सिमिलरिटी दिखाएगा, है ना, कुछ सिमिलरिटी उससे दर्शाएगा, ठीक है। और अगर इनडायरेक्ट हुआ तो उसमें सिमिलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकते हैं, वो थोड़ा डिस्टिंक्ट होता है, मतलब अलग होगा, लार्वा स्टेज अलग होगी, उसकी एडल्ट स्टेज अलग होगी। अब हमको इसमें एग्जांपल दिया गया स्केल मेंथीज का, स्केल मेंथीज का एग्जांपल हमको दिया गया है, स्केल मेंथीज के हमको एग्जांपल एस्केरिस को, जिसको हम बोलते हैं राउंड बम, है ना, और हम जिसको टीनिया को बोल लेते हैं, हमको वहाँ पे प्लेट एलिमेंथीज में हम टीनिया को बोल लेते हैं टेप बम, एस्केरिस को यहाँ पे हम बोल रहे हैं राउंड बम, है ना। बुचिरेरिया वैंकोफाइटाइज होती है हमारी, फाइलेरिया कॉज करती है, फाइलेरियन बम होती है हमारा, ये हमारे बुचिरेरिया वैंकोफाइटाइज होती है हमारी, फाइलेरियन बम होती है। और एनसाइक्लोस्टोमेटा का मतलब होता है हुक बम, मतलब ये हुक की नुमा की स्ट्रक्चर होगी। अब हम इसमें देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ इसके हेलमेंथीज में, जो देखो ये हमको दिया गया है मेल, जो मेल है हमारा, मेल क्या है, छोटा है, मेल है हमारा छोटा है, मेल जो हमारा छोटा है, मेल जो हमारा स्मॉल है, और जो हमारा इसकी जो टेल है वो कर्व्ड है, टेल कर्व्ड है, और जो फीमेल है वो हमारी लार्ज है,
फीमेल जो हमारी लार्ज है ना, इसकी टेल कर्व नहीं है। जैसे हमारा प्लेटल मिनथेज में था कि हमारी फ्लेम सेल पाई जा रही थी, है ना, प्लेटल मिनथेज में हमारी ऑस्मो रेगुलेशन के लिए स्क्रीशन के लिए फ्लेम सेल पाई जा रही थी, बट हमारी जो इसमें होती हैं इसमें हमारी स्केल मिनथेज में भी सेल पाई जाती हैं जिसको हम रेनेट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेनेट सेल। रेनेट सेल जो होती हैं ये हमारी यच सेफ सेल होती हैं, यच सेफ होती हैं, यच सेफ सेल होती हैं। ये हमारी रेनेट सेल स्केल मिनथेज में पाई जाती हैं, यच सेफ सेल होती हैं, है ना। और इसमें जो होती हैं वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है। तो स्केल मिनथेज में हमने क्या क्या देखा? स्केल मिनथेज में हमने ये देखा कि जो हमारे होते हैं स्केल मिनथेज जो हमारे होते हैं जिनको हम राउंड वर्म बोलते हैं, है ना, ये इसमें एक्रीशन होता है रेनेट सेल के थ्रू। रेनेट सेल जो होती है हमारी, रेनेट सेल जो होती है हमारी, ये हेल्प करती हैं एक्रीशन में, एक्रीशन में हेल्प करती हैं हमारी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, है ना, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी इसमें ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, है ना, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये सीडोसिलोमेट होते हैं, यानी इसमें ट्रिडोसिलोम नहीं पाई जाएगी, यानी इक्टोडर्म और मीजोडर्म, इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में जो मीजोडर्म पाई जाएगी वो स्कैटर पाउच के रूप में पाई जाएगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं सीडोसिलोमेट बोलते हैं। और इसमें वेल डेवलप मस्कुलर फायरिंग होगा, है ना, एलिमेंट्री कैनाल जो होगी इसकी कंप्लीट होगी, वेल डेवलप मस्कुलर फायरिंग होगा और बायलेटरल सिमेट्री होगी जो कि मोस्ट एडवांस सिमेट्री है। जो इसमें मेल होगा वो फीमेल से छोटा होगा और जो मेल होगा उसकी टेल जो होगी वो कर्व्ड होगी। ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए बाद में, ये बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और यही बस इसके कॉमन फीचर्स के बारे में पूछते हैं कि मतलब इसमें क्या डिफरेंशिएशन है, क्या क्या इसमें डिसिमिलरिटीज हैं, यही सब पूछते हैं। अब हमको नेक्स्ट फाइलम हमारा है एनिलिडा। अब हम पढ़ेंगे एनिलिडा के बारे में। एनिलिडा क्या होता है? एनिलिडा में हमारा अर्थवर्म आता है, है ना, एनिलिडा हमारा अर्थवर्म आता है, एनिलिडा हमारा अर्थवर्म आता है। एनिलिडा से हमको पता चल रहा है इसमें रिंग वाले स्ट्रक्चर होंगे, है ना, एनुअल्स मतलब होता है लिटिल रिंग्स, ठीक है। लिटिल रिंग्स मतलब छोटे छोटे छिल्ले, ये जो इसमें दिख रहा है ना छिल्ले, ये सब दिख रहे हैं छोटे छोटे छिल्ले। आगे चल के हम बताते हैं आपको, इसमें जो फाइलम एनिलिडा होता है दे मे बी एक्वाटिक। ये फाइलम एनिलिडा में जो होगी हमारा ये एक्वाटिक हो सकते हैं। एक्वाटिक में भी क्या होगा? एक्वाटिक मतलब होता है जल, जल में भी टू टाइप का जल होता है, मैराइन होगा या फ्रेश वाटर होगा, यानी समुद्री जल होगा या फ्रेश वाटर जल होगा, है ना, फ्रेश वाटर होगा। और टेरेस्ट्रियल, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और ये हमारे फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। एंड सम पैरासाइट, सम टाइम जो होते हैं हमारे ये पैरासाइट भी हो सकते हैं। हमारे क्या एक्वाटिक होंगे तो मराइन फ्रेश दोनों होंगे और टेरेस्ट्रियल होंगे, टेरेस्ट्रियल में फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, समटाइम ये पैरासाइट होते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा वो प्लेटल मिनथेज से स्टार्ट हो गया तो हमारा क्वाड्रेटा तक जाएगा, ठीक है। और बायलेटरल सिमेट्री हमारी प्लेटल मिनथेज से स्टार्ट हुई तो हमारी क्वाड्रेटा तक जाएगी, तो हमारी यानी इसमें भी बायलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, इसमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल यानी इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म पाई जाएगी, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, और ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, इनकी बॉडी सेगमेंटेशन में डिवाइड होती हैं, मतलब इनकी बॉडी जो होंगी टुकड़ों में डिवाइड होगी, है ना। एंड सीलोमेट एनिमल, और ये सीलोमेट एनिमल होते हैं, है ना, ये इसमें सीलोम पाई जाएगी, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी पाई जाएगी जिसको हम सीलोम बोलते हैं, ठीक है। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्ट मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट और मेटामर्स, इनकी जो बॉडी होगी उसमें सेगमेंट और मेटामर्स आपको दिखेंगे। जैसे हमको ये दिखाया गया है ना, लीच का ये दिखाया गया है, इसमें हमको देखो सेगमेंट और मेटामर्स दिख रहे हैं, हमको इसमें भी दिख रहे हैं, है ना, नेरिस में सेगमेंट और मेटामर हमको दिख रहे हैं, तो इसी का मतलब ये सेगमेंट को हम मेटामर्स बोलते हैं। एंड हेंस फाइलम नेम एनिलिड्स, इसीलिए हमको फाइलम का नाम एनिलिड्स है। एनिलिड्स जो हमारा वर्ड आया कहाँ से आया? लैटिन वर्ड में एनुअल्स का मतलब होता है, एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग, मतलब छोटी छोटी रिंग यानी छोटी छोटी छल्ले, ठीक है। दे प्रोसेस लॉन्गिट्यूडनली एंड सर्कुलरी मसल,
मतलब इसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होंगी विच हेल्प इन लोकोमोशन, है ना। इसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होंगी जो कि लोकोमोशन में हेल्प करेंगी। तो इसमें क्या होगा, अब इनर लॉन्गिट्यूडनल जो इनमें इनर होंगी, इनर सेल होंगी वो लॉन्गिट्यूडनल होंगी और जो इसमें आउटर सेल जो होंगी वो सर्कुलर होंगी। ये हमारी लोकोमोशन में हेल्प करेंगी। लोकोमोशन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में हेल्प करेंगी, ठीक है। एक्वाटिक एनलिड्स लाइक नेरिस, जो एक्वाटिक एनलिड्स होता है, जो नेरिस है हमारा, वो एनलिडा का मेम्बर है, उसमें ये एक्वाटिक होता है, इसलिए इसमें क्या होते हैं, इसमें लेटरल पेरिपोडिया होते हैं, लेटरल अपेंडिजेज होते हैं ना। लेटरल अपेंडिजेज का मतलब जो होते हैं, लेटरल अपेंडिजेज का मतलब ये मान लो हमारी बॉडी है, तो इसके लेटरल मतलब अगल बगल जो हमारे अपेंडिजेज होंगे, हाथ के रूप के स्ट्रक्चर होंगे, अपेंडिजेज होंगे, तो उनको हम बोलेंगे पैरापोडिया, जो कि हमारे काम करते हैं। पैरापोडिया जो होते हैं हमारे, वो किस में मदद करते हैं, हेल्पिंग स्विमिंग, मतलब ये हमारे तैरने में, नेरिस के तैरने में मदद करते हैं। इसमें जो होता है एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग हुई हमारी एनेलिडा से। ये हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग हुई हमारी एनेलिडा से, है ना, एनेलिडा से हमारी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग हुई। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमारा एनेलिडा से स्टार्ट हुआ, है ना। इसमें जो होती हैं निफ्रेडिया होती हैं, है ना, जैसे हम प्लेटल में चेज में फ्लेम सेल देख रहे थे, स्केल में तेज में रेनेट सेल देख रहे थे, स्पंजेज में क्वेनोसाइट सेल थी हमारी, है ना। तो उसी तरीके हमारा जो इसमें है वो निफ्रेडिया होते हैं। ये हमारी निफ्रेडिया जो होता है प्लूरल वर्ड है, निफ्रेडिया जो हमारा प्लूरल वर्ड है, इसका जो सिंगुलर वर्ड है निफ्रेडियम है, है ना, ईएम लग जाता है जो हमारा सिंगुलर हो जाता है ना, जो कि हमारे निफ्रेडिया, जैसे हमारी फ्लेम सेल उसमें ऑस्मोरेगुलेशन और रिस्पिरेशन में हेल्प कर रही थी प्लेटल मेंथेज में, उसी तरह हमारी जो है निफ्रेडिया भी हेल्प करेंगी ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। आप ये बात एक याद रख लें, जो सेल ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करेगी वो हमारी एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगी, ठीक है, सीधा सा पॉइंट है। इसमें जो होते हैं न्यूरल सिस्टम होता है कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, इसमें जो न्यूरल सिस्टम में होता है इसमें पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं। गैंग्लिया को हम, गैंग्लिया हमारा पुलर है, इसका जो सिंगुलर होगा वो गैंग्लियन होगा, है ना, कनेक्टेड बाई लेटरल नर्व टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, जो कि लेटरल नर्व और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कनेक्ट होती हैं। जो हमारी नेरिस होती है इन एक्वाटिक फॉर्म, जो हमारी नेरिस की जो एक्वाटिक फॉर्म है इज डायोसियस, जो हमारी नेरिस है वो हमारी एक्वाटिक फॉर्म है जो कि हमारी डायोसियस है, हैं, जो यानी उसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे, है ना, सॉरी मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाएंगे, सॉरी जो हमारा नेरिस होगा उसमें मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाएंगे। और जो हमारा अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म में हमारा जो मोनोसियस होता है, मोनो का मतलब एक, सियस मतलब हाउस, यानी एक ही घर में मेल और फीमेल पाए जाएंगे। तो ये हमारा याद करने वाला पॉइंट है, ये हमारा जो है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जो नेरिस है हमारा, नेरिस जो हमारा वो है डायोसियस है, ठीक है, डायोसियस है। जो हमारा अर्थवर्म है हमारा ये मोनोसियस है, अर्थवर्म हमारा मोनोसियस है। अर्थवर्म जो हमारा है वो मोनोसियस है, हमने देख लिया यहाँ पे। अब हमको एग्जांपल दिया गया एनलिड्स के, नेरिस दिया गया हमको, ए वाला जो एग्जांपल है हमारा, ये एग्जांपल है हमारा नेरिस का, ये हमारे लेटलर पैरापोडिया है अपेंडिजेज, ठीक है। और जो हमारा ये सेकंड एग्जांपल दिया गया है हिरोडोनिया का है, हिरोडोनिया को ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं, हिरोडोनिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लड सकिंग लीच यानी जोंक, है ना। इसमें हमको दिया गया नेरिस, है ना, नेरिस हमारा जो आता है इसमें लेटरल पेरिपोडिया पाए जाते हैं। और जो पेरिटीमा होता है जिसको हम अर्थवर्म बोलते हैं, ये हमारा भी एनलिड्स का मेंबर है। जो हिरोडोनिया होता है हमारा, हिरोडोनेरिया होता है, ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं जिसको हम ब्लड सकिंग जोंक बोलते हैं, ठीक है। इसमें, इसके बारे में हम आपको दो चार चीज़ें और बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जो हमारा हीरोडोनिया होता है ना, यानी ब्लड सकिंग लीच होता है, तो हमारे इसको इससे हमें क्या मिलता था, इससे हम हीरोडिन एक होता है एंटीकोगुलेंट, हीरोडिन होता है एंटीकोगुलेंट होता है, ये हमको मिलता था हीरोडिन जो होता हमारा, हीरोडिन था हमारा, ये हमारा एंटीकोगुलेंट होता है, जो कि हम एंशियंट प्राचीन सर्जरी में हम इसको एंटीकोगुलेंट की तरीके यूज करते थे, बट अब मॉडर्न टाइम में हम हेपेरिन जो होता है हमारा वो एंटीकोगुलेंट की तरीके यूज होता है ना। इसमें होता है हमारा, इसमें जो हमारा होता है हीरोडिन में जो होता है हमारा, यानी लीच में जो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये हमारा एक्सेप्शन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये हमारा एक्सेप्शन है। दो चीज़ हम लीच के बारे में दो चीज़ याद रखेंगे, इसके बारे में हम क्या याद रखेंगे, दो चीज़ याद रखेंगे, कौन कौन सी, इसमें दो चीज़ याद रखेंगे, ये जो हमारा होता है ब्लड सकिंग लीच होता है, ये ब्लड सकिंग लीच होता है यानी हीरोडिन होता है, इसमें एनलिडा में तो हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट हमारे जो हीरोडिन में है इसमें हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और हीरोडिन से हमारा हीरोडिनेरिया से हमारा हीरोडिन निकलता था, जो कि हम एंटीकोगुलेंट के तरीके यूज करते थे एंशियंट टाइम में, है ना, एंशियंट टाइम में इसको एंटीकोगुलेंट तरीके यूज करते थे। अब हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा हमारा लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम जो हमारा है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा ही बोलते हैं उसको। क्यों बोलते हैं इसके बारे में देखते हैं हम लोग, इसको हम फाइलम लार्जेस्ट फाइलम क्यों बोलते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। जो है हमारा आर्थ्रोपोडा, आर्थो का मतलब ही होता है हमारा जॉइंट, पोडा का मतलब होता है अपेंडिजेज, ठीक है। आर्थ्रोपोडा जो होते हैं हमारे इसमें जॉइंट अपेंडिजेज पाए जाते हैं, है ना, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट में इंसेक्ट जो होते हैं, आर्थ्रोपोडा में हम इंसेक्ट को रखें तो इंसेक्ट की संख्या हमारे एनवायरमेंट में बहुत ज़्यादा है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें वो हम बताएंगे आपको। जो हमारा दिस इज लार्जेस्ट फाइलम, ये हमारा जो है लार्जेस्ट फाइलम है ऑफ एनिमिलिया, एनिमल किंगडम का जो लार्जेस्ट फाइलम है ये हमारा आर्थ्रोपोडा ही है। आर्थ्रोपोडा में क्या हमारा आर्थ्रोपोडा में हमने जो रखा है वो किसको रखा है, इंसेक्ट को रखा है, आर्थ्रोपोडा में हमने इंसेक्ट को रखा है, जो ओवर टू थर्ड यानी 2/3 ऑल नेम्ड स्पीसीज, यानी जितनी भी स्पीसीज हैं, जितनी भी हमारी स्पीसीज अभी तक अर्थ में खोजी जा चुकी हैं उसमें 2/3 पार्ट जो है वो हमारे आर्थ्रोपोड्स ही हैं, हमारे इंसेक्ट ही हैं, है ना। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे होते हैं आर्थ्रोपोड में होते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसमें हमारा एनिलिड्स में था वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा था, बट हमारे जो आर्थ्रोपोड में है विदाउट एक्सेप्शन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है भाई, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम विदाउट एक्सेप्शन आर्थ्रोपोड्स में होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दे आर बायलैटरल सिमेट्री, ये हमारे बायलैटरल सिमेट्री होते हैं, ट्रिपलोब्लास्टिक होते हैं और सेगमेंटेड होते हैं, यानी इसमें मेटामर्स होते हैं, है ना। जो हमारे सेगमेंटेशन हमारे आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा और हमारे वर्टिब्रेटा में पाया जा रहा था, है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन जो हमारा था एनिलिड्स में पाया जा रहा था, आर्थ्रोपोड्स में पाया जा रहा था, बट हमारा जो ओनली इंटरनल सेगमेंटेशन था वो वर्टिब्रेटा में पाया जा रहा था। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल किंगडम वाली वीडियो में बताया, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वो वीडियो वॉच करें और अपना कॉन्सेप्ट बूस्ट करें वहाँ से। सो हम ये देखते हैं ये हमारे जो होते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरल सिमेट्री होते हैं, ट्रिपलोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, है ना, ये फिलोमेट एनिमल होते हैं, इसमें फिलोम पाई जाएगी, है ना। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्डेड बाई, आर्थ्रोपोड की जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन मतलब इनके बॉडी के बाहर एक काइटिन का एक्सोस्केलेटन, मतलब एक्सो का मतलब होता है बाहर, इंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है। तो यानी बाहर एक कवर पाया जाएगा जो कि काइटिन का बना होगा, है ना। काइटिन जो होता है हमारा होमोपॉलीमर होता है, होमोपॉलीमर NaM, म्यूरोमिक एसिड NaAg,
नाग एन नाम यानी एन एस्टिल म्यूरामिक एसिड और एन एस्टिल ग्लूकोसामिन से हमारा मिलके ये बना होता है, ये जो कि हमारे ये दोनों हैं होमोपॉलीमर हैं, हमारे होमोपॉलीमर हैं जो हमारे नाग नाम है, हमारे नाग और नाम हमारे हैं, ये हमारे होमोपॉलीमर हैं। होमोपॉलीमर यानी एक चीज़ से ही मिलके बने होंगे, है ना, इनकी जो पॉलीमेरिक यूनिट्स होगी वो एक चीज़ से ही मिलके बनी होंगी, है ना, इसलिए इसको हम बोलते हैं होमोपॉलीमर। जो काइटिन होता है ये एनवायरनमेंट में जल्दी डिग्रेड नहीं होता है, यानी इसको कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर पाता है, है ना। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स कवर्ड बाय काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, यानी काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से आर्थ्रोपोड्स की बॉडी कवर्ड होगी। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, यानी इनकी जो बॉडी में होगा हेड होगा मतलब सर होगा, थोरैक्स मतलब ये थोरैक्स का हिस्सा होगा, और हमारा थोरैक्स बोलते हैं सीने को, छाती टाइप को, है ना, और जो एब्डोमेन होता है हमारा वो पेट वाला हिस्सा होता है ना। ये देखो इसमें हेड हो गया, ये हमारा हेड हो गया, इनका आर्थ्रोपोड का हेड हो गया, ये थोरैक्स हो गया, और ये इनका एब्डोमेन हो गया, एब्डोमेन पार्ट हो गया इनका, ठीक है। और दे हैव जॉइंट अपेंडिजेज, इनका नाम ही है आर्थ्रोपोड का जो नाम है जॉइंट अपेंडिजेज होता है ना, जॉइंट मतलब जुड़े हुए, है ना, जॉइंट अपेंडिजेज, आर्थोस मतलब जॉइंट, पोडस मतलब अपेंडिजेज, है ना, इनका जॉइंट अपेंडिजेज जो होता है ये हमारा आर्थ्रोपोड का नाम होता है। अब इसमें हमको ये दिया गया है, सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि हमारे जो इंसेक्ट होते हैं क्या सभी इंसेक्ट आर्थ्रोपोड हैं या सभी आर्थ्रोपोड इंसेक्ट हैं, तो हम ये बोल देंगे कि ऑल इंसेक्ट आर नॉट आर्थ्रोपोड, मतलब जो जितने भी इंसेक्ट हैं वो आर्थ्रोपोड नहीं हैं, बट सभी आर्थ्रोपोड हैं वो इंसेक्ट हैं, है ना। ऑल इंसेक्ट आर नॉट आर्थ्रोपोड बट ऑल आर्थ्रोपोड आर इंसेक्ट, मतलब जितने भी आर्थ्रोपोड हैं वो इंसेक्ट हैं बट सभी इंसेक्ट आर्थ्रोपोड नहीं हैं। ये हम पॉइंट याद रखेंगे, ये हमको स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में दे सकता है। इसमें जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इसमें जॉइंट अपेंडिजेज होते हैं, आर्थ्रोस मतलब होता है जॉइंट, पोडस मतलब होते हैं अपेंडिजेज, है ना। इसमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो होते हैं, इसमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो होते हैं ये गिल्स के थ्रू अपना रिस्पायरेशन कर सकते हैं, बुक गिल्स के थ्रू आप रिस्पायरेशन कर सकते हैं, बुक लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन कर सकते हैं, और ट्रेकियल सिस्टम इसमें ट्रेकियल सिस्टम हो गया उसके थ्रू भी रिस्पायरेशन कर सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है विदाउट एक्सेप्शन, है ना, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि किसी में क्लोज टाइप आ जाएगा इसमें एक्सेप्शन, बट इसमें एक्सेप्शन नहीं है, इसमें सारे मेम्बर्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स के ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं। इसमें सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटनी, इनमें जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं मतलब, और सेंसरी ऑर्गन मतलब वो सेंस करेंगे किसी चीज़ को, इसलिए उनको सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं, वो एंटनी होती हैं, है ना, एंटनी होती हैं जो आगे ऐसे ऐसे लगी होती हैं, काक्रोच में देखा होगा हमने, है ना, वो एंटनी होती हैं। कंपाउंड आई होती हैं, आई सिंपल भी हो सकती हैं कंपाउंड भी हो सकती हैं, आई सिंपल भी हो सकती हैं कंपाउंड भी हो सकती हैं। कंपाउंड आइज में हमारा मोजाइक विजन वगैरह भी होते हैं जो कि हमारा काक्रोच में होता है, है ना, मोजाइक विजन मतलब एक ही चीज़ की कई कई इमेज दिखाएगा वो, है ना, इसकी रेजोल्यूशन पावर बहुत ही हाई होती है। इसमें जो होता है स्टेटोसाइट्स को हम बैलेंसिंग ऑर्गन बोलते हैं, ये बैलेंसिंग ऑर्गन जो होता है हमारे आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है, इसमें बोलेगा स्टेटोसाइट इसमें पाई जाएगी, तो स्टेटोसाइट जो होंगी बैलेंसिंग ऑर्गन होती है वो हमारी आर्थ्रोपोड्स में पाई जाती हैं। एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मैलपिगियन ट्यूबल्स, ये हमारा इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो था इसमें आर्थ्रोपोड्स में जो एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा, मैलपिगियन ट्यूबल्स के थ्रू एक्सक्रीशन होगा, है ना, एक्सक्रीशन थ्रू मैलपिगियन ट्यूबल्स। दे आर मोस्टली डायोशियस, मतलब ये होंगे डायोशियस होंगे, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होगा, ठीक है, डायोशियस होंगे। फर्टिलाइजेशन इज यूजली इंटरनल, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा, है ना। दे आर मोस्टली ओवीपैरस, मतलब ये ज़्यादातर जो होते हैं ओवीपैरस और वीवीपैरस का मतलब होता है, जो ओवीपैरस का मतलब होता है, ओवीपैरस का मतलब क्या होता है हमारा, ओवी का मतलब होगा ओवी का मतलब पता चल रहा है एक, है ना, जो ओवीपैरस होंगे हमारे वो एक प्रोड्यूस करेंगे, है ना, ओवीपैरस यानी एक प्रोड्यूस करेंगे। और जो बीबी पैरस होते हैं हमारे बीबी से मतलब चल रहा है बीबी का मतलब बेबी, है ना, वो यानी वो बच्चे को जन्म देंगे, अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, एक फॉर्म में एक नहीं बनेगा,
है ना, मतलब वो जो जन्म देंगे उनका जो ऑफस्प्रिंग बाहर आएगा तो वो बच्चा आएगा, है ना, बेबी आएगा। और जो हमारे बेबी पैरस होते हैं उसमें जो आएगा, जो चीज़ बाहर आएगा, है ना, तो वो हमारा क्या आएगा, अंडा आएगा, ठीक है, एग। तो इसके एग्जांपल इसमें जो होती है, एक्सक्रीशन होता है जो हमारा मेलपेगियन ट्यूबल्स के थ्रू होता है, है ना, एक्सक्रीशन मेलपेगियन ट्यूबल्स के थ्रू होता है। ये मोस्टली होते हैं, मोस्टली यानी ज़्यादातर होते हैं डायोसियस होते हैं, यानी इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन यूजली इंटरनल होता है, है ना, इसमें फर्टिलाइजेशन यूजली इंटरनल होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस, यानी ये ज़्यादातर होते हैं वो अंडे देते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इसके जो हमको एग्जांपल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो आर्थ्रोपोड्स के एग्जांपल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो एग्जांपल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इसमें दिया गया है, हमारा जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक मतलब जो हमारी ह्यूमन की इनकम को बढ़ाएं, है ना, इकोनॉमिक इनकम को बढ़ाएं, इकोनॉमिक को बढ़ाएं, तो हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट आएंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट में हमारा एपिक्स, एपिस को जिसको बोलते हैं हनी बी, हनी बी से हमारा क्या मिलता है, हनी बी से हमको बी वैक्स भी मिलता है, हनी मिलता है, मतलब शहद मिलता है, है ना, तो हम उससे हमारी इनकम ही बढ़ेगी अगर हम एपिकल्चर वगैरह करेंगे, हनी को पालेंगे और हम बी वैक्स को बेचेंगे, मतलब हनी के मोप को बेचेंगे, है ना, उसके हनी को बेचेंगे तो हमारी इकोनॉमी ही बढ़ेगी, ठीक है। बॉम्बैक्स, बॉम्बैक्स का, बॉम्बैक्स को बोलते हैं सिल्क वर्म, जिससे हमारा सिल्क मिलता है, सिल्क मिलता है हमारा बॉम्बैक्स मोराई, है ना, बॉम्बैक्स इसका नाम है, बॉम्बैक्स मोराई, इससे हमको सिल्क, इसको हम सिल्क वर्म बोलते हैं, इसको हमको सिल्क मिलता है, ठीक है। और हमको क्या दिया गया है, लेसीफर, लेसीफर, लेसीफर जिसको बोलते हैं लार्क इंसेक्ट, मतलब इससे हमको लार्क मिलता है, लार्क, लार्क इंसेक्ट मिलता है। ये हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट थे। अब हमको देखेंगे वेक्टर, वेक्टर का मतलब जो हमारे वाहक, किसी चीज़ के हमारे जो वेक्टर हों, वेक्टर का मतलब होता है वाहक, वाहक मतलब कैरियर, वाहक मतलब कैरियर, मतलब किसी चीज़ को वो ले जाएंगे, किसी चीज़ को वो फैलाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे। तो हमारा एनाफिलीज होता है, है ना, एनाफिलीज होते हैं हमारे, ट्यूलक्स होते हैं, एडीज मॉस्किटो होते हैं, ये हमारे सब वेक्टर हैं ये डिजीज कॉज करते हैं, है ना। अब इसके बाद होता है ग्रीगेरियस पेस्ट, ग्रीगेरियस पेस्ट का मतलब होता है जो झुंड पे रहें, ग्रीगेरियस का मतलब ही होता है झुंड पे रहने वाले कीड़े मकोड़े, ग्रीगेरियस का मतलब होता है झुंड पे, झुंड पर रहने वाले, रहने वाले कीड़े मकोड़े, यानी कीट, पेस्ट का मतलब होता है कीट बोलते हैं उसको, ठीक है, कीड़े मकोड़े ना बोल के कीट बोल दूँ वो ज़्यादा बेटर होते हैं, ठीक है। तो हमारा ग्रीगेरियस पेस्ट होते हैं वो लोकस्टा होते हैं, लोकस्टा जिसको लाग इंस्ट, लोकस्टा जो होते हैं हमारे वो होते हैं कि जो टिड्डा जिसको बोलते हैं कि पूरे खेती पे आए, खेत पे आए और पूरी फसल की फसल को नष्ट करके, टिड्डा बोलते हैं इसको, लोकस्टा को टिड्डा बोलते हैं, टिड्डा, ठीक है। ये हमारे जो होते हैं ग्रीगेरियस पेस्ट यानी झुंड में आते हैं ये, है ना। और जो हमारा लिविंग फसल, लास्ट जो हमारा लिविंग फॉसिल दिया गया है लिमलस किंग, लिमलस को बोलते हैं किंग क्रैब। जो लिविंग फॉसिल का मतलब है जब से वो अर्थ में ये बना हुआ है, जब से मतलब वो उत्पत्ति हुई उसकी, मतलब जब से वो बना और वो प्रेजेंट टाइम तक भी जीवित है, है ना, तो उसको बोलते हैं लिविंग, लिविंग का मतलब जीवित, फॉसिल का मतलब जीवाश्म, यानी जीवित जीवाश्म, मतलब जब से वो बना अभी तक भी वो जीवित है, अर्थ में पाया जा रहा है, तो उसको हम लिविंग फॉसिल बोलेंगे। अब हमको इसके एग्जांपल दिखाए गए यहाँ पे, आर्थ्रोपोडस के एग्जांपल हमारे, ये जो हमारा ए वाला है वो लोकस्टा यानी टिड्डा का एग्जांपल है, बी वाला हमारा बटरफ्लाई का एग्जांपल है, और सी वाला जो स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन को हम बोलते हैं, स्कॉर्पियन को हम बोलते हैं बिच्छू, बिच्छू, ठीक है, स्कॉर्पियन। और जो हमारा ये प्रॉन, ये केकड़ा, केकड़ा बोलते हैं इसको, केकड़ी, केकड़ी या झींगा, सॉरी केकड़ा या झींगा बोलते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, बट प्रॉन जो होता है वो ये है, ठीक है। और उसके बाद हम ये आते हैं लास्ट में, देखते हैं हमारा जो है अभी फाइलम मोलस्का है, इसको हम चिकन लॉडेज फाइलम बोलते हैं। तो फिलहाल आर्थ्रोपोडा में तुमने सारी चीज़ें देख ली हैं, कुछ बचा नहीं है हमसे, बट अब हम देखते हैं फाइलम मोलस्का, ठीक है। फाइलम मोलस्का जो होता है हमारा, दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, ठीक है, जो हमारा मोलस्का होता है, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम जो था हमारा आर्थ्रोपोडा था, जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है वो हमारा मोलस्का होता है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो होता है हमारा मोलस्का होता है,
ये एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, वो मोलस्का होता है। मोलस्कन मोलस्क जो होते हैं आर टेरेस्ट्रियल, जो मोलस्क होते हैं वो टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं हमारे और एक्वाटिक हो सकते हैं। एक्वाटिक में भी वो फ्रेश वाटर हो सकते हैं और वो मराइन वाटर हो सकते हैं, है ना। हैविंग इन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है, ये तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, ये कोई नई बात थोड़ी ना हम लोग के लिए। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है। बायलैटरल सिमेट्री, इसमें जो बायलैटरल सिमेट्री पाई जा रही थी, है ना, कि मतलब इसकी बॉडी को एक पर्टिकुलर प्लेन से काटो तो राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर ले, जैसे हमारी बॉडी को राइट लेफ्ट हाफ में लेटरल में डिवाइड कर ले, है ना, तो इसको बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, है ना, इक्टोडर्म मीजोडर्म और एंडोडर्म पाया जाएगा इसमें। सिलोमेट होते हैं, है ना, इसमें गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में स्पेस पाया जाएगा, तो यानी सिलोमेट होते हैं। बॉडी कवर्ड बाय कैल्सेरियस, यानी कैल्सेरियस सेल से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्सेरियस सेल का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट से इनकी बॉडी मिलकर बनी होगी। कैल्सेरियस सेल्स का मतलब उनके कैल्शियम कार्बोनेट का सेल होगा, यानी उसका कवर होगा, खोल होगा, ठीक है। एंड अनसेगमेंटेड, और इनकी जो बॉडी हो रही अनसेगमेंटेड होगी, यानी सेगमेंटेशन नहीं पाया जाएगा। सेगमेंटेशन सिर्फ तीन पाया जा रहा था, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और वर्टिब्रेटा, ठीक है। बट जो हमारी इनकी मोलस्कन की बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। विथ ए डिस्टिनिक, इनकी जो बॉडी होती है अनसेगमेंटेड होती है, उसमें होते हैं हेड होता है, मस्कुलर फीट होता है, मस्कुलर फुट होता है और विसरल हम्प होता है। जो आर्थ्रोपोड की बॉडी थी हमारी, वो हेड थोड़ा से एब्डोमेन में डिवाइड थी, बट इसकी जो मोलस्कन की बॉडी है वो हेड और मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में डिवाइड होती है, है ना। ए सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प, इनके एक सॉफ्ट और स्पंजी लेयर होती है, इनके सॉफ्ट और स्पंजी लेयर होती है जो मेंटल बनाती है विसरल हम्प के ऊपर, विसरल हम्प के ऊपर एक मेंटल बनाती है, है ना, तो उसको हम बोलते हैं विसरल हम्प के ऊपर मेंटल बनाती है। द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, जो हमारे स्पेस होता है मेंटल और हम्प के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम मेंटल कैविटी बोलते हैं। इन विच फीदर लाइक गिल्स, इसमें कि फीदर लाइक गिल पाए जाते हैं, इसमें कि फीदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं, जो होता है इसमें फीदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं, फीदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एस्केरेटरी फंक्शन, जिनमें फीदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं उनमें रेस्पिरेटरी और एस्केरेटरी फंक्शंस होता है, है ना, क्योंकि गिल्स जो होते हैं हमारे वो रेस्पिरेटरी में और एस्पिरेटरी में हेल्प करते हैं, है ना, और एस्केरेटरी में भी हेल्प करते हैं। द इंटीरियर हेड रीजन है वे सेंसरी टेंटिकल, जिनके इंटीरियर हेड रीजन, इंटीरियर मतलब सामने टाइप इधर पे, उनमें हेड रीजन में सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाएंगे। एंड माउथ कंटेन, और इनके माउथ में जो होता है एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जिसको जो रेस्पिंग ऑर्गन जो होगा फीडिंग का मतलब खाने पीने में हेल्प करेगा, खाना खाने में हेल्प, खाने में मदद, हेल्प, ठीक है, खाने में हेल्प करेगा। ये रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडुला, ये हमारा रेस्पिंग ऑर्गन होता है मोलस्का में, जो कि फीडिंग में हेल्प करता है। इसका जो हमका एग्जांपल दिया गया है, हमको दो एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे, हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा फाइला, फाइला हमको एग्जांपल दिया गया है फिगर में, और जो हमारा ये जो हमारी फाइला में ये आपको लाइन्स दिखाई दे रही हैं, ये तो ये हमारी ग्रोथ को शो करती हैं, जो हमारी ये लाइन्स हैं ये हमारी फाइला ग्रोथ को शो करती हैं, है ना। और ये ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो हमारा टेबल फिश जिसको बोलते हैं ऑक्टोपस, ऑक्टोपस ये इसमें इसका जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है, ड्यू टू कॉपर कंटेनिंग, कॉपर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, इस वजह से ये इसका जो ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो नीला होता है ना। अब इसमें हम देखते हैं और भी, इसके दे आर यूजली डायोसियस, ये मतलब डायोसियस होते हैं, डायोसियस का मतलब होता है मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, ओविपैरस होंगे, यानी ये अंडे देंगे। एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और इनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, है ना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। और इसके जो एग्जाम्पल हमको दिए गए हैं, हमने पाइला देखा, पाइला को हम एप्पल स्नेल बोलते हैं, है ना, एप्पल स्नेल बोलते हैं। और जो हम पिनेक्टेडा को हम बोलते हैं पल ओएस्टर, मोती बनाने वाला ओएस्टर, ठीक है, पल ओएस्टर। सीपिया को हम बोलते हैं कटल फिश, सीपिया को हम बोलते हैं कटल फिश, है ना। जो लोलिगो है, लोलिगो को हम स्क्विड बोलते हैं, लोलिगो को क्या बोलते हैं, हम स्क्विड बोलते हैं। और ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को बोलते हैं हम डेविल फिश, ऑक्टोपस को बोलते हैं हम डेविल फिश। और एप्लाइशिया, एप्लाइशिया को बोलते हैं सी हेयर,
एप्लाइशिया, एप्लाइशिया को हमको याद करने में सिंपल है, लास्ट में सी आ रहा है यानी सी, ठीक है, एप्लाइशिया मतलब लास्ट में सी आ रहा है, सी आई ए आ रहा है, तो इसको सी हेयर, इसका जो सेकंड नेम है सी हेयर है। और डेंटुलियम, डेंटुलियम, डेंटुलियम जो होता है टस्क, डेंटुलम मतलब होता है दांत, डेंट है ना, डेंटिस्ट जो होते हैं वो दांत के डॉक्टर होते हैं, तो उसी से रिलेट करके पढ़ लेंगे हम लोग, जो होते हैं डेंटुलियम यानी टस्क सेल, टस्क सेल यानी हाथी के जो दांत होते हैं उसको भी टस्क बोलते हैं, है ना, तो उसी से रिलेट करके पढ़ लेंगे टस्क सेल। और जो होता है चिटोप्लूरा, चिटोप्लूरा होता है चाइटोन बोलते हैं हमको, चिटोन बोलते हैं, है ना, चिटोप्लूरा को हम चिटोन बोलते हैं, ये हमको दिया गया है, ठीक है, ये हमने देख लिया। इसमें पाइला का एग्जांपल दिया गया है, पाइला में जो हमारी लाइंस होती हैं वो ग्रोथ को शो करती हैं, और जो ऑक्टोपस होता है इसका कलर जो होता है ब्लड का कलर ब्लू होता है, है ना, क्योंकि इसमें कापर कंटेनिंग, कापर कंटेनिंग होता है, कापर जो होता है ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है हमारा फिश का जो पाइला को एप्पल स्नेल बोलते हैं, पिनेक्टिडा को हम बोलते हैं, पॉलिएस्टर बोलते हैं, सीपिया को हम बोलते हैं, कटल फिश बोलते हैं, और जो हमारा लोलियो है इसको हम स्क्वेड बोलते हैं, और जो ऑक्टोपस को हम टेबल फिश बोलते हैं, एप्लाइशिया को हम सी हेयर बोलते हैं, डेनेटुलियम को हम बोलते हैं टस्क सेल बोलते हैं, और जो होता है चेटोप्लूरा को हम चाइटोन बोलते हैं, है ना। जो हमारा मोलस्का होता है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम होता है, जो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है वो हमारा आर्थ्रोपोडा है, है ना। इसमें जो मोलस्कन में कैल्सेरियस की सेल्स पाई जाती है, यानी उसकी कैल्सियम, कैल्सियम कार्बोनेट का उनका फूल पाया जाएगा उनकी बॉडी में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इकाइनोडर्मेटा, जो इकाइनोडर्मेटा में हमारा, इकाइनोडर्मेटा में एक वाटर वास्कुलर सिस्टम पाया जाएगा, जो कि हमारा पोरीफेरा में क्या पाया जा रहा था, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जा रहा था। तो हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ते हैं। जो दीज एनिमल हैव एंडोस्केलेटन, जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के एनिमल होंगे इनमें जो एंडोस्केलेटन होगा वो कैल्सेरियस ऑस्किल्स का बना होगा, कैल्सेरियस यानी कैल्शियम कार्बोनेट का भी बना होगा ये इनके ऑस्किल्स, ठीक है। हेंस नेम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी बॉडी, स्पाइनी बॉडी, इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है स्पाइनी बॉडी। इनमें फिगर हमको दिया गया है 4.4 में, स्टेरियसिस और एफ्यूरा का एग्जाम्पल हमको दिया गया है, हमको स्टेरिस इनकी स्पाइनी बॉडी, ये हमको जो है ये बॉडी स्पाइनी टाइप की दिख रही है, स्पाइनी बॉडी दिख रही है ना, ये देखते हैं। हेंस इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी बॉडी, फिगर 4.14 पे हमको दिया गया, आल आर मैराइन, जो होते हैं सारे के सारे मैराइन होते हैं, विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे होते हैं इकाइनोडर्मेटा सारे के सारे मैराइन होते हैं, और इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, है ना। द अडल्ट इकाइनोडर्म आर रेडियल सिमेट्री, जो हमारा एडल्ट इकाइनोडर्म होता है ये हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ द एनिमल किंगडम चैप्टर उसमें वीडियो में, कि जो हमारा इकाइनोडर्म होता है उसमें एक्सेप्शन होता है, जो एडल्ट इकाइनोडर्म होता है वो हमारा रेडियल सिमेट्री शो करता है, मतलब रेडियल सिमेट्री शो करता है, और जो हमारा लार्वा होता है वो हमारा बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, यानी लार्वा जो होता है मोस्ट एडवांस सिमेट्री शो करता है देन अपने पेरेंट्स से, ठीक है। दे आर टिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ये हमारे जो होते हैं वो टिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, एंड फिलोमेट एनिमल होते हैं, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है विद माउथ ऑन लोअर साइड, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो कंप्लीट होगा, इनका जो माउथ होगा वो लोअर साइड होगा, लोअर साइड मतलब ऐसे इनकी जो बॉडी होगी वो इस टाइप की होगी, ऐसे हम करेंगे तो मेरा जो माउथ होगा वो वेंट्रल साइड हो जाएगा, तो यानी लोअर साइड, इसी तरह से इनके जो बॉडी का होता है माउथ होता है बॉडी में वो लोअर साइड होता है, वेंट्रल साइड होता है। एंड एनस अपर, अपर एनस जो होगा वो इनका जो होगा अपर साइड यानी डॉर्सल साइड होगा, डॉर्सल यानी बैक साइड, ठीक है, इनका एनस जो होगा डॉर्सल साइड होगा। द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ इकाइनोडर्मी इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम, ये जो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इकाइनोडर्म का मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर्स क्या, डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या, जो जिसको अलग करते हैं वो, तो ये है कि हमारा वाटर वास्कुलर सिस्टम का पाया जाना इकाइनोडर्म का डिस्टिंक्ट फीचर्स है। विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो हमारा वाटर वास्कुलर सिस्टम हेल्प किस में करेगा, हेल्प करेगा हमारा ये हमारा लोकोमोशन में हेल्प करेगा, है ना, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड को पकड़ने में और फूड को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने में, है ना, एंड रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में हेल्प करेगा। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ये हमारा एब्सेंट होता है इकाइनोडर्मेट में, इकाइनोडर्मेट में हमारा जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है ना,
सेक्सेस आर सेपरेटेड, यानी इसमें जो होते हैं सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन इज यूजली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन यूजली मतलब ज़्यादातर इसमें होता है एक्सटर्नल होता है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है ना, सेक्रेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल को हम डिस्टिंग कर सकते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब इनका जो डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट होगा, यानी लार्वा स्टेज पाई जाएगी इसमें है ना, विद फ्री स्विमिंग लार्वा, यानी जिसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट दिया तो उसमें लार्वा स्टेज जरूर पाई जाएगी है ना, जिसमें दिया गया डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। इसका एग्जाम्पल दिया गया हमको एस्टेरियस को हम बोलते हैं स्टारफिश, हमको पता चल रहा है एस्टेरियस से स्टारफिश हो गया। इकाइनस को हम बोलते हैं, इकाइनस को सी अर्चिन बोलते हैं और एंटीडॉन को हम सी लिली बोलते हैं, और कुकुमेरिया से हमको पता चल रहा है कुकुम्बर से हम सी कुकुम्बर बोलते हैं, और अफ्यूरा को हम ब्रेटल स्टार बोलते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं, जो हमारा एस्टेरियसिस होता है, एस्टेरियसिस से हमको पता चला है एस्टेरियसिस या स्टार ना, एस्टेरियसिस से हम स्टारफिश बोलते हैं, और इकाइनस हमको पता चल रहा है इकाइनस यानी हमारा इकाइनोडर्मेटा का मेम्बर है तो हम सी अर्चिन बोलेंगे इसको है ना। एंटेडॉन को हम सी लिली बोलते हैं, कुकुमेरिया को हम सी कुकुम्बर बोलते हैं, एंड अफ्यूरा को हम ब्रिटिल स्टार बोलते हैं। तो हमको फिगर में जो दिया गया है हम देख लेते हैं, जो हमको एग्जाम्पल इकाइनोडर्मेटा का ए वाला जो हमारा ये एस्टेरियसिस का है यानी स्टारफिश का है, और जो हमारा अफ्यूरा को बी वाला जो हमारा अफ्यूरा का यानी ब्रिटिल स्टार का है, ठीक है, अफ्यूरा का हमारा ब्रिटिल स्टार का है। अब नेक्स्ट फाइलम हम देख लेते हैं, नेक्स्ट फाइलम हमारा हेमिकॉर्डेटा। हेमी का मतलब ही होता है आधा, जैसे नहीं हम पढ़ते हैं हेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, ये हुआ हमारा आधा सर्कल। तो इसी तरह के हमारा जो हेमी मतलब आधा कॉर्डेटा, यानी इसमें जो होंगे आधा ये कॉर्डेटा है हम मानते हैं ऐसा, पर इसमें लिखा क्या है वो हम देख लेते हैं। हेमी कॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसाइडर एज सम फाइलम अंडर कॉर्डेटा, जो हमारा हेमी कॉर्डेटा है इसको हम पहले अर्लियर मतलब पहले हम पढ़ते थे सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, बट ये हम यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हेमी कॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसाइडर एज सब फाइलम अंडर द कॉर्डेटा, जो हेमी कॉर्डेटा था उसको हम पहले अंडर सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा पढ़ते थे, बट नाउ यहाँ से इम्पोर्टेंट है इसको अच्छे से देख लेंगे, बट नाउ इज प्लेस एज सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा, अब हम इसको नॉन कॉर्डेट्स में पढ़ते हैं ना कि कॉर्डेट में, अब हम इसको नॉन कॉर्डेट्स की कैटेगरी में रख दिए हैं, इसको हम कॉर्डेट नहीं मानते हैं, सब फाइलम ऑफ कॉर्डेट नहीं मानते हैं। हेमी कॉर्डेट हैव ए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन, जो हेमी कॉर्डेट में था एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर था जो कि कॉलर रीजन में पाया जा रहा था, इसको हम स्टोमोकॉर्ड बोलते थे है ना, जो कि रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर था जो कि स्टोमोकॉर्ड बोलते थे, और ये हमारा जो सिमिलर था वो नोटोकॉर्ड के तरीके सिमिलर था, वो दिखने में है ना वो नोटोकॉर्ड के तरीके सिमिलर था, इसको हम स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। दीज फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मैराइन एनिमल, इस जो हेमिकार्ड्स में होते हैं हेमिकार्डेट्स होते हैं है ना, हेमिकार्डेट्स में होते हैं, इसमें वॉर्म लाइक है ना कीड़े मकोड़े के तरीके छोटे छोटे मैराइन एनिमल होते हैं, विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के रूप में मैराइन एनिमल होते हैं जिसमें कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, दे बायलेटरल सिमेट्री, इसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है क्योंकि हमारी बायलेटरल सिमेट्री प्लेटल में जीटू कोऑर्डिनेट तक चलेगी है ना, इसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी इक्टोडर्म इंडोडर्म और मेसोडर्म जर्म लेयर पाई जाएंगी है ना, सीलोमेट होते हैं बॉडी वॉल और गडवाट के बीच में स्पेस पाया जाएगा इसलिए इसको सीलोमेट बोलते हैं। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज ऑफ एन इंटीरियर प्रोबोसिस, इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है और इंटीरियर मतलब आगे के पार्ट में प्रोबोसिस होगा है ना, और एक कॉलर होगी और एक लॉन्ग जो ट्रंक होगी, ट्रंक का मतलब धड़ वाला जो हिस्सा होता है वो
लॉन्ग होगा है ना, तो इसमें प्रोबोसिस होगी और कॉलर होगा, ट्रंक होगा, इनकी जो बॉडी होगी सिलेंड्रिकल होगी, और इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ही जो ओपन टाइप, इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है, और जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप स्टार्टिंग हुई थी हमारी वो एनिलिड्स में हुई थी और उसी में था, ठीक है। उसके बाद हमारे आर्थ्रोपोड्स भी थे, अनएक्सेप्शनली जो था उसमें बिना एक्सेप्शन के ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम था, आगे हमारा सभी में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट हमारे कार्डेट्स में आगे हम पढ़ेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी रिस्पायरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स, इसमें जो होता है रिस्पायरेशन जो होता है वो गिल्स के थ्रू होता है, और एक्सक्रीशन जो होगा, एक्सक्रीशन होगा यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ऑर्गन जो होगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा, प्रोबोसिस ग्लैंड होगी जो कि हमारी इंटीरियर रीजन में पाई जा रही थी, ठीक है, प्रोबोसिस ग्लैंड। सेक्सेस आर सेपरेटेड यानी इसमें सेक्सेस सेपरेट होंगी, मेल फीमेल अलग अलग होगा। फर्टिलाइजेशन जो होगा एक्सटर्नल होगा है ना, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट होगा। और इसका जो हमको एग्जांपल दिया गया है, इसके एग्जांपल में दोनों में ग्लॉसस है ना, बोथ ग्लॉसस, अगर दो ग्लॉस सॉरी अगर ग्लॉसस है तो यानी वो हमारे हेमिकार्डियस के एग्जांपल हैं, यानी बेलेनोग्लॉसस एंड साइकोग्लॉसस, बेलेनोग्लॉसस एंड साइकोग्लॉसस जो हमारे एग्जांपल है वो हेमिकार्डेट्स के एग्जांपल हैं, हेमिकार्डेटा के एग्जांपल हैं। अब इसमें हमको ये जो फिगर दिया गया है बेलेनोग्लॉसस का एग्जांपल फिगर दिया गया हमको है ना, ये हमको जो दिया गया है बेलेनोग्लॉसस का एग्जांपल दिया गया है फिगर में, ये जो हमारी है ये हमारी प्रोबोसिस ग्लैंड है जो कि हमारी क्या कर रही थी एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीटरी ऑर्गन थी। ये हमारा जो हो गया कॉलर रीजन हो गया, ये हमारा कॉलर रीजन हो गया, ये हमारा ट्रंक रीजन हो गया, ये बेलेनोग्लॉसस का फिगर दिया गया हमको। फाइलम कॉर्डेटा, एनिमल बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में बताया था कि हम कॉर्डेट को नॉन कॉर्डेट से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं है ना, कि कॉर्डेट के फीचर्स क्या क्या होते हैं, उसको हम कॉर्डेट क्यों बोलते हैं। कॉर्डेट हम उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि नोटोकॉर्ड होती है, जो है ना डॉर्सल साइड में हमारी बनती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम है ना, तो उसी से हम बताते हैं ये कॉर्डेट है या नॉन कॉर्डेट है। तो टेस्ट में क्या लिखा है वो हम देख लेते हैं। तो एनिमल बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टरिस्टिक बाय प्रेजेंस ऑफ ए नोटोकॉर्ड, जो एक नोटोकॉर्ड होती है जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम बनती है ना, जो कि एक डॉर्सल साइड में बनती है, और हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर फेरेंजियल गिल्सलेट, ये जो फीचर्स होते हैं ये हमको बताते हैं कि ये हमारा कॉर्डेट है या नॉन कॉर्डेट है, यानी क्या क्या फीचर्स बताएंगे। जो हमारी जो होगी नर्व सॉरी नोटोकॉर्ड होगी, नोटोकॉर्ड हो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, और जो हमारी होगी उसमें फेरेंजियल गिल्सलेट पाए जाएंगे। नोटोकॉर्ड जो बनेगी हमारी डॉर्सल साइड बनेगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम बनेगी है ना, और वो होगी हॉलो होगी, हॉलो नर्व कॉर्ड होगी है ना। तो हम देखते हैं इसमें, यानी हमको इसमें जो फीचर्स हैं कॉर्डेट के क्या क्या हैं। एनिमल बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेट है फंडामेंटली कैरेक्टरिस्टिक या प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होगा, ए डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होगा, फेरेंजियल गिल्सलेट होंगे है ना, दे आर बायलेटरल सिमेट्री, यानी जो हमारी कॉर्डेट्स होते हैं ये हमारे बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, क्योंकि हमारी जो बायलेटरल सिमेट्री स्टार्टिंग थी वो प्लेटरमिन थी स्टार्टिंग थी, जो कि हमारी कॉर्डेटा तक चलती है, ये हमारी मोस्ट एडवांस सिमेट्री होती है बायलेटरल सिमेट्री। हम इसको अच्छे से याद कर लेंगे यार, इतना कन्फ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही ईजी है, अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए और आपको अच्छे से याद हो जाएगा है ना। ये बायलेटरल सिमेट्री होती हैं, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल मैंने आपको बहुत बार बताया, बहुत बार स्टार्टिंग से पोरीफेरा से आपको बताया क्या है एसिमेट्रिकल है क्या है, मतलब डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक बहुत बार बताया हमने है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी तीन ब्लास्ट लेयर पाई जाएंगी, तीन जर्म लेयर पाई जाएंगी, इक्टोडर्म इंडोडर्म के बीच में म्यूजोडर्म पाई जाएगी है ना। उसके बाद सीलोम, सीलोमेट, सीलोमेट मतलब इसमें टू सीलोम पाई जाएगी, यानी इसमें जो बॉडी वॉल गटवाल के बीच में स्पेस पाया जाएगा, इसको हम सीलोमेट बोलते हैं। विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था हमारा एस्केलेमेंथी से स्टार्ट हो गया। तो पहले हमारा जो था स्पंजेज में था, पोरीफेरा में जो था हमारा टिश्यू सॉरी सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, सेलुलर लेवल था। उसके बाद हमारा सिलेंटेटा ट्यूनोफोरा में आया, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आया। फिर हमारा प्लेटेलमेंथीज में आया, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एस्केलेमेंथी टू हमारा कॉर्डेटा आया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो ऑर्गन मिलके एक
ग्रुप में सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, तो उसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं, है ना, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जो कि हमारे गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया हमारा जो ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड में हेल्प करेगा, सर्कुलेशन में हेल्प करेगा, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, और जो बहुत सारे सिस्टम हमारे, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, यानी एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, इट्स कॉल्ड एक्सक्रीशन, है ना, उसमें हेल्प करेगा। बहुत सारे सिस्टम हैं, तो हम आगे देखते हैं। दे आर बायलेटरल सिमेट्री डिप्लोब्लास्टिक एनिमल सीरोमेट एनिमल ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे प्रोसेस पोस्ट एनल टेल, ये प्रोसेस दे प्रोसेस पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके पोस्ट एनल टेल होती है ना, पोस्ट एनल टेल होती है, वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जो हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा में पाया जा रहा था, उसके बाद हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो गया, उसके बाद हमारा कहाँ पे आया हमारा, उसके बाद आया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा कॉर्डेड में आया, जो कि मैंने आपको बताया था, आगे चल के बताऊंगा, तो वो यही है, ठीक है। हमको ये कॉर्डेड का कैरेक्टर दिया, हमको फीचर्स दिया गया है, जिसमें नर्व कॉर्ड, ये हमारी जो ये है हमारी, ये नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड यानी हमारी ऊपर बनती है और नोटो कॉर्ड हमारी नीचे बनती है, है ना, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें जो हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, नोटो कॉर्ड हमारी डॉर्सल साइड बनती है, है ना, ये गिल स्लिट फेरेंजियल गिल स्लिट पाए जा रहे हैं इसमें, और इसमें पोस्ट एनल टेल पाई जा रही है। ये चार कैरेक्टर हमारे क्वाड्रेट्स के, है ना, क्या क्या, नोटो कॉर्ड का पाया जाना, नोटो कॉर्ड डॉर्सल साइड में पाई जाएगी, नर्व कॉर्ड होगी डॉर्सल, हॉलो नर्व कॉर्ड होगी, फेरेंजियल गिल स्लिट होंगे, पोस्ट एनल टेल होगी, है ना, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बायलेटरल सिमेट्री होगा, डिप्लोब्लास्टिक होगा, सिलोमेट होगा, ये सारे फीचर्स जो हमारे कॉर्डेट को बताते हैं, ठीक है। प्रेजेंट ए कंपैरिजन ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, यानी हमको टेबल 4.1 में हमको कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, है ना, कंपैरिजन करा रहा है, तो हम देख लेते हैं, करा रहा है तो कर लेते हैं कंपैरिजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ द कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, हमको लेफ्ट साइड में कॉर्डेट दिया है, राइट साइड में नॉन कॉर्डेट दिया है, तो कॉर्डेट में नोटो कार्ड प्रेजेंट होगी, मैंने आपको पहले बताया था, है ना, नोटो कार्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम डॉर्सल साइड पे बनती है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है डॉर्सल साइड में होता है, यानी डॉर्सल साइड में हमारी बैक साइड में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, हॉलो होगा, सिंगल होगा, ठीक है, याद रखेंगे, हॉलो होगा, सिंगल होगा, और जो हमारा इसमें जो फेरिंग्स जो होंगे परफोरेटेड होंगे, परफोरेटेड बाई गिल स्लिट, इसके जो फेरिंग्स होंगे परफोरेटेड बाई गिल स्लिट के द्वारा परफोरेटेड होंगे। हार्ट इज वेंट्रल, और जो इनका जो हार्ट होगा हमारा वेंट्रल होगा, कॉर्डेट में जो हार्ट होता है वेंट्रल मतलब हमारा उधर, मतलब वेंट्रल साइड सामने की तरफ छाती की तरफ, इधर ही हमारा हार्ट होता है, ठीक है, कॉर्डेट्स का। पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, पोस्ट एनल पार्ट मतलब जो हमारी हम वर्टिब्रा के लास्ट में देखते हैं, पोस्ट एनल लास्ट में देखते हैं, छोटी सी हमारी टेल टाइप की होती है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट एनल। कभी हम अपने बैक साइड पे बिल्कुल लास्ट में टच करेंगे तो हमको ऐसे एक टेल की तरीके फील होता है ना, तो हमारे उसको बोलते हैं पोस्ट एनल टेल, ठीक है। और जो हमको नॉन कॉर्डेट के कैरेक्टर क्या दिए हैं, नॉन कॉर्डेट में हमारा जो होगा नोटो कार्ड नहीं होगा, तो उसको हम नॉन कॉर्डेट बोलेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, बट हमारे कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम था वो डॉर्सल साइड था, बट हमारे नॉन कॉर्डेट में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा वो वेंट्रल साइड होगा, है ना, और कॉर्डेट में हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो था वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हॉलो था, तो यहाँ पे हॉलो की जगह क्या होगा, सॉलिड होगा, और यहाँ पे सिंगल था, सिंगल की जगह ये डुअल होगा, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन कॉर्डेट का, यानी नॉन कॉर्डेट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल साइड होता है, सॉलिड होता है और डुअल होता है, ठीक है। इसमें जो गिल स्लिट होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, यानी गिल स्लिट की अब्सेंट होंगे, है ना, गिल स्लिट जो होंगे वो अब्सेंट होंगे। हार्ट इज डॉर्सल, अगर हार्ट प्रेजेंट है नॉन कॉर्डेट्स में, अगर हार्ट प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल साइड होगा, यानी कॉर्डेट्स में तो होता है हार्ट वेंट्रल साइड होता है ना, अगर नॉन कॉर्डेट्स में अगर हार्ट प्रेजेंट है, जरूरी नहीं कि हार्ट प्रेजेंट हो, अगर प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल साइड होगा, यानी पीठ के साइड होगा, यानी बैक साइड होगा। अब पोस्ट एनल टेल एब्सेंट, यानी उसमें पोस्ट एनल टेल जो होती है वो एब्सेंट होती है, पोस्ट एनल टेल हमारी जो नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट होती है, तो हम देख लेते हैं। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इंटू थ्री सब फाइलम, जो फाइलम कॉर्डेटा था हमारा उसको तीन फाइलम में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से तीन फाइलम है हमारे, यूरो कॉर्डेटा,
यूरो कॉर्डेटा मतलब हमारे पहले प्रिमिटिव कॉर्डेटा, जो पहले कॉर्डेट्स थे हमारे उनको यूरो कॉर्डेटा बोलते थे, और यूरो कॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा बोलते हैं। यूरो कॉर्डेटा को हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेटा, है ना। यूरो कॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा बोलते हैं। और उसके बाद बनते हैं सिफेलो कॉर्डेटा। सिफेलो कॉर्डेटा के बाद हम आता है वर्टिब्रेटा। यानी यूरो कॉर्डेटा के तीन सब फाइलम थे, सब तीन सब फाइलम थे। यूरो कॉर्डेटा को हम बोलते थे ट्यूनिकेटा, है ना। और उसके बाद हमारा सिफेलो कॉर्डेटा, है ना। और उसके बाद हमारा वर्टिब्रेटा, है ना। इसमें वर्टिब्रा कॉलम पाई जाएगी, तो उसको वर्टिब्रेटा बोलते हैं। सब फाइलम यूरोकार्डेटा एंड सिफेलोकार्डेटा आर ऑफ्टन रिफर टू एज ए प्रोटोकार्डेटा। मतलब जो हमारा सब फाइलम होता है यूरोकार्डेटा एंड सिफेलोकार्डेटा है, तो उसको हम पहले क्या बोलते थे? ऑफ्टन रिफर एज प्रोटोकार्डेटा। प्रोटो मतलब अग्रिम कॉर्डेटा, मतलब जो पहले कॉर्डेटा थे, प्रिमिटिव टाइप के कॉर्डेटा थे, उसको हम प्रोटोकार्डेटा बोलते हैं। एंड आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, जो केवल मैराइन होते थे, जो हमारे प्रोटोकार्डेट थे वो हमारे एक्सक्लूसिवली मैराइन थे, यानी केवल सिर्फ वो मैराइन ही थे, ठीक है। केवल मैराइन फॉर्म में रहते थे वो, ठीक है। इन यूरोकॉर्डेटा, जो यूरोकॉर्डेटा था हमारा, उनमें जो नोटोकार्ड पाई जा रही थी, जो नोटोकार्ड हमारी डॉर्सल साइड पाई जा रही थी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम बन रही थी, वो हमारी सिर्फ ओनली लार्वल टेल, जो हमारी सिर्फ लार्वल टेल थी उसी में ही पाई जा रही थी। यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकार्ड पाई जा रही थी ओनली सिर्फ लार्वल टेल में ही पाई जा रही थी, वाइल सिफेलोकॉर्डेटा, है ना, यानी यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकार्ड पाई जा रही थी वो सिर्फ लार्वा में पाई जा रही थी, एडल्ट में नहीं पाई जा रही थी। नोटोकार्ड एडल्ट में अब्सेंट थी इन यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। बट सिफेलोकॉर्डेटा थे तो वो हेड टू टेल, मतलब सर से लगा के पूंछ तक, टेल तक, सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकार्ड पाई जा रही थी, परसिस्टेड थ्रू आउट देयर लाइफ, है ना। मतलब वो उनकी पूरी लाइफ, सिफेलोकॉर्डेट की पूरी लाइफ में, वो चाहे वो लार्वल स्टेज हो या एडल्ट स्टेज हो, जो हमारी नोटोकार्ड पाई जा रही थी वो हमारी सिफेलोकॉर्ड में हेड टू टेल रीजन में पूरी लाइफ पाई जा रही थी। बट यूरोकॉर्डेट में जो हमारी नोटोकार्ड पाई जा रही थी ओनली लार्वा में पाई जा रही थी, लार्वा स्टेज में ही हमारी नोटोकार्ड पाई जा रही थी यूरोकॉर्डेट के केस में। पर सिफेलोकॉर्डेट के केस में नोटोकार्ड जो पाई जा रही थी वो हमारी लार्वा टू एडल्ट पाई जा रही थी पूरी लाइफ, ठीक है। इसके जो एग्जांपल थे हमारे यूरोकॉर्डेट के एग्जांपल, क्या क्या हमको दिया गया है यहाँ पे, हमको दिया गया है एस्किडिया, सल्पा, है ना, और डोलियोलम। तीन हमको यूरोकॉर्डेट के एग्जांपल दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं यूरोकॉर्डेट के एग्जांपल के? एस्किडा, सल्पा, डोलियोलम। तो इसके लिए हमने आपको ट्रिक बनाई है, इसके लिए हम देख लेते हैं यूरोकॉर्डेटा की जो हम याद करने के लिए हम एक सिंपल ट्रिक बना लेते हैं। यू सैड, भाई तुम सैड क्यों हो, आप सैड क्यों हो। यू से मतलब यूरोकॉर्डेटा, यस से मतलब सल्पा, यस यू से मतलब यूरोकॉर्डेटा, यस से मतलब सल्पा, ए से मतलब एस्किडा, है ना, डी से मतलब डोलियोलम, ठीक है। यू सेट का मतलब हो गया यूरोकॉर्डेटा की ट्रिक हो गई, ए से मतलब हो गया एस्किडा, यस से मतलब हो गया सल्पा, डी से मतलब हो गया डोलियोलम। डोलियोलम जो होता है हमारा, उसको हम और नाम से जानते हैं, डोलियोलम को हम हार्डमानिया भी बोलते हैं, डोलियोलम को हम हार्डमानिया बोलते हैं, हार्डमानिया बोलते हैं। हार्डमानिया को हम सी पोटैटो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सी पोटैटो, समुद्री आलू, ठीक है, सी पोटैटो बोलते हैं। तो हमने याद कर लिया यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल विथ ट्रिक से, यू सैड, ठीक है, आप सैड क्यों हैं भाई। तो यानी यूरोकॉर्डेटा, यानी यस से सल्फा, सल्फा को हम डोलियोलम बोलते हैं, है ना, सल्फा के बाद हमारा एस्किडा आ गया, एस्किडा के बाद हमारा आ गया डोलियोलम, डोलियोलम को हार्डमानिया बोलते हैं, हार्डमानिया को हम सी पोटैटो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जांपल हमको क्या दिए गए हैं। सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जांपल हम देख लेते हैं ब्रोंकियोस्टोमा। सिफेलोकॉर्डेटा का एक ही एग्जांपल दिया गया हमको, ब्रोंकियोस्टोमा में एम्फियोक्सक्स और लेंसलेट, जो ब्रोंकियोस्टोमा को हम एम्फियोक्सक्स और लेंसलेट बोल सकते हैं, ठीक है।
ये जो हमको एग्जांपल दिया है एस्किडा को एग्जांपल दिया गया है ना, एस्किडा का एग्जांपल दिया गया है। इसमें यूरोकॉर्डेट की जो बॉडी होती है वो पर्स लाइक बॉडी होती है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं पर्स लाइक ऑर्गेनिज्म या बॉडी पूछ लेते हैं हमसे कि किसकी है, तो हम यूरोकॉर्डेट को बोलेंगे पर्स लाइक बॉडी। ठीक है, सो द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जो मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा प्रोसेस नोटोकार्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, जो हमारे सब फाइलम वर्टिब्रेटा के मेंबर थे, यानी हमने देख लिया यूरोकॉर्डेटा देख लिया, यूरोकॉर्डेटा में जो था हमारा नोटोकार्ड सिर्फ लार्वर स्टेज में पाई जा रही थी, एडल्ट स्टेज में नहीं पाई जा रही थी, बट जो सिफेलोकार्ड में थी उसमें जो नोटोकार्ड पाई जा रही थी वो थ्रू अब लाइव पाई जा रही थी, लार्वा स्टेज हो या फिर वो एडल्ट स्टेज हो। अब जो हमारे वर्टिब्रेटा हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेटा हमारे हैं, तो उसमें क्या है, जो नोटोकार्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड है ना, जो मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा प्रोसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, यानी जो वर्टिब्रेटा के मेंबर है वो नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान उनमें होती है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय ए कार्टिलेजिनस, नोटोकॉर्ड जो होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम होती है, और वो फिर नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है कार्टिलेजिनस, मतलब वो कार्टिलेज से बना हुआ है ना, जो बोन से सॉफ्ट होता है, कार्टिलेज जो होता है हमारा पैलिएबल होता है ना, कॉन्ट्रिन है ना, तो ये पैलिएबल होता है मतलब वो लचीला होता है, इसको मोड़ सकते हैं, ला सकते हैं थोड़ा है ना, और बोनी, वो जब बोनी होगा तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम बना देगा है ना, नोटोकार्ड हमारा रिप्लेस हो जाता है, कार्टिलेजिनस हो जाएगा या बोनी हो जाएगा तो हमारा बोनी होगा तो वो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है। इन एडल्ट, जब हमारे एडल्ट होते हैं तो हमारा वो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है। दस ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट, ये हमारी लाइन जो है स्टेटमेंट के क्वेश्चन में आती है, दस ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट, मतलब सारे वर्टिब्रेट जो हैं वो कॉर्डेट हैं, बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, ये हम याद रखेंगे, दस ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन में आता है, तो हम इसको इंपॉर्टेंट मानेंगे। जैसे हमारे ऑल आर्थ्रोपोड आर इंसेक्ट है ना, ऑल आर्थोपोड आर इंसेक्ट बट ऑल इंसेक्ट आर नॉट आर्थोपोड, मतलब सारे आर्थोपोड इंसेक्ट हैं बट हमारे सभी इंसेक्ट आर्थोपोड नहीं है, उसी तरह हमारे ये क्या है, जो सारे ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट, मतलब सारे वर्टिब्रेट जो हैं वो कॉर्डेट हैं बट सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हैं। ठीक है, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में बहुत आते हैं। बिसाइड बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर वर्टिब्रेट हैव ए वेंट्रल मस्कुलर आर्ट, मतलब ये कुछ कैरेक्टर कॉर्डेट्स के वर्टिब्रेट में क्या होते हैं, वेंट्रल में मस्कुलर हार्ट होगा, जो हार्ट होगा हमारा वर्टिब्रेट में 2 चैम्बर हो सकता है, 3 चैम्बर हो सकता है और हमारा 4 चैम्बर हो सकता है। 2 चैम्बर हमारा हार्ट जो होता है इसमें पाया जाता है, फिशेज में पाया जाता है, 4 चैम्बर हार्ट हमारा, 3 चैम्बर हार्ट एम्फीबियंस में पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा 3 चैम्बर हार्ट होता है हमारा, 2 चैम्बर हार्ट तो हमारा फिश में पाया जाता है, जो हमारा 2 चैम्बर हार्ट है हमारा, टू चैम्बर हार्ट हमारा वो फिश में पाया जाता है, और 3 चैम्बर हार्ट जो हमारा 3 चैम्बर हार्ट है हमारा वो एम्फीबिया और रेप्टाइल में पाया जाता है ना, और हमारा एक क्रोकोडाइल होता है वो एक्सेप्शन होता है, इसमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है और है ना, और 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है फिर हमारा किडनी फॉर एक्सक्रीशन, किडनी हमारी जो होती है वो एक्सक्रीशन का काम करती है एंड ऑस्मोरेगुलेशन, मैंने आपको बताया था जो एक्सक्रीशन का काम करेगा वो ऑस्मोरेगुलेशन का भी काम करेगा, जो ऑस्मोरेगुलेशन का काम करेगा वो एक्सक्रीशन का भी काम करेगा, एंड ए पेयर अपेंडिजेज विच मे बी फिन्स और लिम्स, और हमारे पेयर अपेंडिजेज जो होते हैं, पेयर अपेंडिजेज में मतलब वो पंख भी हो सकते हैं, फिन्स भी हो सकते हैं और लिम्फ हो सकते हैं, यानी हमारे वो हाथ पैर हो सकते हैं, है ना, जो हमारे सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलो, मतलब सब फाइलम वर्टिब्रेटा था हमारा वो डिवाइडेड हुआ है, ये वर्टिब्रेटा इसका डिवीजन हुआ है ना, इसको 2 में डिवाइड किया गया, एक नेथा मतलब लैक जॉ जिसमें जॉ नहीं था, जबड़ा नहीं था है ना, और ग्नेथोस्टोमेटा मतलब जॉ बियर्स, मतलब जिसमें जॉ था, मतलब इसमें जबड़ा पाया जा रहा था। ठीक है, एक नेथा मतलब ए मतलब ऑब्सेंट, ग्नेथा मतलब जॉ, ठीक है, एक नेथा में मतलब जॉ ऑब्सेंट होगा, तो इसकी जो वर्टिब्रेटा का डिवीजन हुआ तो हमारे ग्नेथा और एक नेथोस्टोमेटा हुए। ठीक है, जब
फिर एक नेथा का जो क्लास हुई इसको क्लास में डिवाइड किया गया तो साइक्लोस्टोमेटा है ना, साइक्लोस्टोमेटा आया। साइक्लो मतलब सर्कुलर है ना, सर्कुलर, स्टोमेटा मतलब माउथ, यानी इसमें होगी जो भी होगा सर्कुलर माउथ होगा उसका, ठीक है। जो गनेथोस्टोमेटा होते हैं बियर्स जॉ, मतलब इसमें जॉ होगा मतलब जबड़ा होगा। इसकी जो सुपर क्लास, इसको सुपर क्लास में डिवाइड किया गया। हमको ये फिलिंग्स ब्लैंक्स में दे देता है, हमको ये पूरा चार्ट बना के दे देगा यहाँ पे कौन सा है कि क्लास कहाँ पे, यहाँ पे यहाँ इसको इरेज कर देगा, यहाँ पे क्लास नहीं होगा तो इसको हमको क्लास फिल करना होगा सही से, है ना। यहाँ पे अब गनेथोस्टोमेटा में सुपर क्लास नहीं देगा, यहाँ पे और कुछ दे देगा तो उसको हमको सही से फिल करना होता है ना, ऐसे होते हैं। और जैसे अब जो हमारी सुपर क्लास गनेथोस्टोमेटा को हम टू टाइप में फिर डिवाइड करते हैं, पीसेस में, पीसेस यानी मछली है ना, मत्स्य वर्ग इसको बोलते हैं, मत्स्य वर्ग है ना, पीसेस जिसमें जो हमारी फिंस, सॉरी फिश होती है उसमें फिंस होते हैं, है ना, जिसको फिर हम क्लास में डिवाइड करते हैं, इसको कॉन्डको साइज मतलब कॉटलेजिनस फिशेज और ऑस्ट्रियो साइज मतलब बोनी फिशेज है ना। और जो इसमें टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब चार होते हैं, टेट्रापोडा मतलब जिसमें लिम्स होंगे चार होंगे, चार पैर वाले है ना, तो इसकी हम क्लास में डिवाइड करते हैं। तो इसकी क्लास जो होती है एम्फीबिया, एम्फीबियन होते हैं हमारे, इसमें हम फ्रॉग को रखते हैं, रेप्टाइल होते हैं हमारे है ना, एफ्स होते हैं, एफ्स मतलब जिसको हम बर्ड बोलते हैं, और जो मेमल्स होते हैं हमारे वो मेमल्स होते हैं हमारे, एफ मंकी, प्राइमेट वगैरह, मेमल्स वगैरह, ये हम सब आगे चल के देखेंगे है ना इंटरेस्टिंग मैनर में। हम देख लेते हैं जो हमारी एग्नेथोस्टोमेटा का था, एग्नेथा का जो था लैक जॉ वाला, इसकी क्लास जो थी साइक्लोस्टोमेटा था जिसका सर्कुलर माउथ था, इसमें हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे देखते हैं। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमेटा मतलब माउथ, ठीक है। ऑल लिविंग मेंबर ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर इक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, जो साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स होते हैं वो इक्टो पैरासाइट होते हैं। इक्टो का मतलब होता है बाहर, मतलब किसी की बॉडी के बाहर, वो बॉडी के बाहर रहेंगे। इक्टो पैरासाइट ऑफ सम फिशेस, सम फिशेस पे इक्टो पैरासाइट होते हैं मतलब उसके बाहर रहते हैं। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी, इनकी जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है, इलोंगेटेड मतलब नुकीली, सॉरी इलोंगेटेड का मतलब लंबी लंबी बॉडी, ठीक है। एंड बियर सिक्स, एंड बॉडी बियर सिक्स टू 15 पेयर गिल स्लिट, ये इंपॉर्टेंट है कि साइक्लोस्टोमेटा में गिल स्लिट कितने पेयर पाए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, क्योंकि वो कभी कभी बच्चे का नॉलेज देखता है कि वो किस तरीके से एनसीईआरटी को उसने रीड किया है, ऐसे रीड किया है कि ऐसे नॉर्मली ऐसे रीड कर लिया है, इतने अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा में जो होते हैं गिल स्लिट पाए जाते हैं वो 6 से 6 से 15 पेयर पाए जाते हैं, यानी 6 से 15 पेयर गिल स्लिट पाए जाते हैं। गिल स्लिट का काम होता है वो हमारे रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, इस परेशन में हमारे गिल स्लिट हेल्प करते हैं। साइक्लोस्टोमेटा हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, मैंने आपको बताया था साइक्लो का मतलब होता है राउंडेड और स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ। तो साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं उनमें सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जा, मतलब उनमें एक नहीं था, स्टोमेटा की कैटेगरी में थी तो मतलब उसमें जा तो होगा नहीं, और वो साइक्लोस्टोमेटा थी, साइक्लोस्टोमेटा मतलब साइक्लो मतलब राउंड और स्टोमेटा मतलब माउथ, यानी इसमें जा नहीं होगा, सर्कुलर माउथ होगा, ठीक है। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स, इनकी जो बॉडी, डिवाइड का मतलब होता है ना पाया जाना, डिवाइड का मतलब होता है अब्सेंट, अब्सेंट डिवाइड का मतलब होता है अब्सेंट, मतलब वो चीज़ नहीं पाई जा रही है। इसमें स्केल्स, इसमें स्केल्स नहीं होते हैं, डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर फिंस, और इसके पेयर फिंस नहीं पाए जाते हैं, इसमें स्केल्स और पेयर फिंस नहीं पाए जाते हैं। इनमें क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, जिनमें क्रेनियम होता है, यानी क्रेनियम जो होता है हमारा ब्रेन बॉक्स जिसको बोलते हैं, ब्रेन जो हमारा ब्रेन होता है उसको हम क्रेनियम बोलते हैं, तो उसके अंदर ब्रेन बॉक्स को हम क्रेनियम बोलते हैं, वो हमारे कार्टिलेजिनस होता है, क्योंकि क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं वो कार्टिलेजिनस होते हैं, ठीक है, मतलब कार्टिलेज का बना होगा है ना, कॉन्ड्रिन का बना होगा, कॉन्ड्रिन, कार्टिलेज जो होता है हमारा कॉन्ड्रिन से बनता है, जो कि पैलिएबल होता है, मतलब वो उसको लचीला होता है थोड़ा, उसको हम लचा सकते हैं, बट जो हमारा बोन्स होता है वो हमारी हार्ड हो जाती हैं, है ना, हार्ड होती हैं, ऑस्टिन की बनती है हमारी, आगे चल के हम पढ़ेंगे, है ना। जिसमें हमारा होता है क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप, इनमें जो हमारा होता है साइक्लोस्टोमेटा में सर्कुलेशन जो होता है हमारा क्लोज टाइप होता है, क्योंकि ये कॉर्डेट्स में है, कॉर्डेट्स में तो सर्कुलेशन क्लोज टाइप था ही भाई, इसमें नई बात कोई थोड़ी ना है। साइक्लोस्टोमेट आर मैराइन,
ये साइक्लोस्टोमेट होते हैं जो मराइन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। साइक्लोस्टोमेट आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्वैम्पिंग, मतलब अपने अंडे को माइग्रेट फॉर स्वैम्पिंग फॉर, इसमें क्या है, साइक्लोस्टोमेटा आर मराइन, साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं मराइन होते हैं, बट ये माइग्रेट फॉर स्वैम्पिंग टू फ्रेश वाटर, मतलब ये अपने बच्चे को पालने वालने के लिए ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। आफ्टर स्वैम्पिंग, मतलब जब इनका बच्चा मतलब पल जाता है, बड़ा हो जाता है, तो ये विद इन फ्यू डे दे डाई, ये कुछ दिन में मर जाते हैं। देयर लार्वर, इनका जो लार्वा होता है आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, है ना, मेटामॉर्फोसिस करेगा, अपने चेंजेज होंगे इसमें, मेटामॉर्फोसिस चेंज होगा और वो ओशियन में फिर और वापस आ जाता है। तो आपको मैं एक बेसिक बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो माइग्रेशन होता है टू टाइप का होता है, एनाड्रोमस जो माइग्रेशन होता है, मतलब कोई चीज, एना मतलब ए आ रहा है, ये मतलब अच्छी चीज, कोई खराब चीज अच्छी चीज में जा रही है। जो मराइन वाटर होता है वो तो साल्टी होता है, वो किसी मतलब का नहीं है यार, ठीक है। जो फ्रेश वाटर होता है वो अच्छा होता है, है ना। तो हमारी मराइन टू फ्रेश अगर कोई चीज़ जा रही है तो उसमें एनाड्रोमस होगा, तो इस माइग्रेशन को हम एनाड्रोमस माइग्रेशन बोलेंगे, है ना। और जो कोई चीज़ हमारी फ्रेश वाटर टू मराइन जा रही है, कोई फ्रेश वाटर टू मराइन जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे अच्छे से ख़राब जा रही है। अगर हमारी कोई चीज़ अच्छे से ख़राब जा रही है, यानी फ्रेश वाटर टू मराइन जा रही है, तो हम इसको बोलेंगे कैटाड्रोमस माइग्रेशन, है ना। ये टू टाइप का माइग्रेशन होता है, एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस माइग्रेशन। जो हमारी यहाँ पे जो हमारा साइक्लोस्टोमेट जो हमारी माइग्रेशन शो करती है वो हमारा होता है, जो साइक्लोस्टोमेट माइग्रेशन शो करती है वो हमारा होता है। ये कहाँ से जाती है हमारी, ये मराइन होती बट माइग्रेट फॉर स्वैम्पिंग फ्रेश वाटर, यानी फ्रेश वाटर में जाती है, यानी एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करती है। या पॉइंट लिख लेंगे, ये एनसीईआरटी में नहीं, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं, ठीक है। जो आफ्टर स्वैम्पिंग, जब इसकी स्वैम्पिंग हो जाती है ना, तो इसका जो लार्वा होता है मेटामॉर्फोसिस होने के बाद ही फिर अपना रिटर्न हो जाता है इसमें मराइन वाटर में, है ना। उसके बाद अब हम देखेंगे, इसका एग्जाम्पल दिया गया हमको, एग्जाम्पल दिया गया पेट्रोमाइजोन, इसके एग्जाम्पल है हमारे, एग्जाम्पल दिया गया हमसे पूछते हैं इसमें कि मेटामॉर्फोसिस होती है, उसके बाद क्वेश्चन घुमा सकते हैं, ऐसे बोल देगा कि हमारा जो एनाड्रोमस माइग्रेशन कौन करता है ना, और आफ्टर स्वैम्पिंग कुछ दिन बाद जो हमारा होता है वो मर जाती है, और या फिर हमारी उसके जो लार्वा होता है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद ओशियन में वापस जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई टाइप से बना सकते हैं एग्जामिनर। तो इसके एग्जाम्पल जो हमारे हैं पेट्रोमाइजन, है ना, पेट्रोमाइजन को हम लैम्प्रे बोलते हैं और मैगजीन को हम हैगफिश बोलते हैं। तो इसके लिए हमने ट्रिक बताई है आपको, ट्रिक पेट्रोल, ठीक है, यानी पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल मतलब पी से पेट्रोमाइजन, है ना। अब ये किसका है भाई, अब हमको याद तो पेट्रोमाइजन का दूसरा नाम क्या होगा, तो यल यानी लैम्प्रे, ठीक है, अच्छा है, याद कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। मैगजीन को होते हैं हैगफिश, मैगजीन को बोलते हैं हैगफिश। जब एक याद हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक हम चार ऑप्शन में एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट करके उसको हटा देंगे, जो हमारा करेक्ट होगा उसको हम टिक कर देंगे और अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा, है ना। ऐसे हम बेसिक तरीके से एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमको क्लियर हो जाता है, वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ, तो प्लीज़ आप अच्छे से इसको समझें। अब जो हमको इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, अब हमको जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें जॉलेस वर्टिब्रेट का एग्जाम्पल दिया गया है, पेट्रोमाइजन का ये एग्जाम्पल है, है ना, पेट्रोमाइजन का ये एग्जाम्पल है। जो हमारे हैं ये फिन्स दिए गए हैं, ये हमारे डॉर्सल फिन हैं, डॉर्सल फिन्स हैं, और इनको हम कॉडल बोलते हैं, कॉडल फिन्स बोलते हैं, है ना। ये हमारी जो होती हैं सेंगीबोरस होती हैं, सेंगीबोरस मतलब खून चूसती हैं, ये हमारी खून चूसती हैं,
इसको हम सेंगिवोरस बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट होती हैं, है ना जी। अब हम देखते हैं सेकेंड क्लास जो थी हमारी कॉन्ट्रिथिस, कॉन्ट्रिथिस मतलब हमारी कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में बात होगी हमारी, है ना, कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में बात होगी। ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं हमारे, ये मैराइन एनिमल होते हैं एंड स्ट्रीम लाइन बॉडी, मतलब इनकी जो धारावाही बॉडी होती है, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, और इनका जो कार्टिलेजिनस का एंडोस्केलेटन बना होता है, इनका जो कार्टिलेजिनस का एंडोस्केलेटन बना होता है, फिगर 4.19 में हमको दिया गया है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, जो हम इनका जो माउथ होता है हमारा वो वेंट्रली लोकेटेड होता है, माउथ हमारा जो होता है वेंट्रली लोकेटेड होता है, यानी हमारा वेंट्रल यानी नीचे की तरफ वेंट्रली लोकेटेड होता है। नोटोकार्ड इज परसिस्टेंट थ्रू लाइफ, इनमें जो नोटोकार्ड होगी थ्रू लाइफ, पूरी लाइफ में नोटोकार्ड इनमें पाई जाएगी, पूरी लाइफ में नोटोकार्ड पाई जाएगी। गिल स्लिट आर सेपरेटेड एंड विदाउट अपरकुलम, इनमें गिल स्लिट होते हैं, गिल स्लिट सेपरेट होते हैं और विदाउट अपरकुलम, अपरकुलम यानी गिल स्लिट की कवरिंग को हम अपरकुलम बोलते हैं, जो कि हमारी इसमें नहीं पाई जाएगी, अपरकुलम नहीं पाया जाएगा, यानी कार्टिलेजिनस फिशेस में हमारे अपरकुलम नहीं पाया जाएगा, ठीक है। द स्किन इज टफ, इनकी जो स्किन होगी वो कड़ी होगी, है ना, टफ होगी। एंड कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स, इनमें कार्टिलेजिनस फिशेस में हमारे कौन से स्केल पाए जाते हैं, प्लेकॉइड स्केल पाए जाते हैं, इनमें विदाउट अपरकुलम होंगे, है ना, गिल स्लिट होंगे बट वो अपर कुलम उसमें कवरिंग नहीं होगी। नोटोकार्ड जो होगा इसका ये पूरी लाइफ इनमें पाया जाएगा और माउथ जो होगा हमारा वो वेंट्रली लोकेटेड होगा, ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस में। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड, जो हमारे टीथ होते हैं इनके जो टीथ होंगे वो कार्टिलेजिनस फिशेस के जो टीथ होंगे वो प्लेकॉइड स्केल्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, विच इज बैकवर्डली डायरेक्टेड, जो कि बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं, मतलब ये बैकवर्ड डायरेक्टेड का मतलब जो इनके टीथ होंगे वो ऐसे पीछे को मुड़े होंगे, बैकवर्डली डायरेक्टेड को होंगे, ठीक है। देयर जॉ आर वेरी पावरफुल, इनके जो जॉ होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं, है ना, जॉ वेरी पावरफुल। दीज एनिमल आर प्रेडेसियस, मतलब ये एनिमल होते हैं प्रेडेसियस हो सकते हैं, प्रेडेसियस होते हैं, ठीक है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एयर ब्लेडर, इनमें एयर ब्लेडर नहीं पाया जाता है, एयर ब्लेडर नहीं पाया जाता है। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, इनमें एयर ब्लेडर जो होता है हमारा, जो एयर ब्लेडर होता है, एयर ब्लेडर जो होता है हमारा, एयर ब्लेडर होता है हमारा वो प्रोवाइड कराता है हमको बॉयंसी, बॉयंसी प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है, बॉयंसी प्रोवाइड कराता है। अब जब एयर ब्लेडर है नहीं तो भाई बॉयंसी यानी इसको डूबने से बचाएगा नहीं, है ना, तो अब ये डूब, अब इनको तो भाई बचना है तो ये डूबे ना, इसलिए ये लगातार क्या करती हैं, लगातार तैरती हैं, लगातार तैरती रहती हैं, है ना, एयर ब्लेडर, सॉरी हाँ, एयर ब्लेडर ना होने की वजह से ये लगातार तैरती रहती हैं, ड्यू टू अवॉइड सिंकिंग, मतलब कि वो डूबे ना, है ना, डूबने से बचने के लिए ये लगातार तैरती रहती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है। इनमें जो होते हैं अपर कुलम नहीं होते हैं, स्किल स्लिट होते हैं बट अपर कुलम नहीं होता है, प्लेकॉइड स्किल होते हैं, टीथ जो होती है मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्किल के बने होते हैं, बैकवर्ड्री डायरेक्टर होती हैं, इनके जो जॉ होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, है ना, इसमें एयर ब्लेडर नहीं होता तभी ये लगातार तैरती रहती हैं। इनके जो एग्जांपल दिए गए हमको, दो एग्जांपल दिए गए हैं, स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन और प्रेस्टिस, है ना, स्कोलियोडॉन और प्रेस्टिस जो इसके जो इसमें हैं, स्कोलियोडॉन और प्रेस्टिस, और इसमें जो हार्ट होता है टू चैम्बर होता है हार्ट, मैंने आपको बताया था फिशेस में टू चैम्बर हार्ट होता है, थ्री चैम्बर एम्फीबियन और रेप्टाइल में होता है, है ना, रेप्टाइल का एक एक्सेप्शन है जो कि क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। जो हमारा हार्ट इज टू चैम्बर होता है, हार्ट टू चैम्बर होता है, वन ऑर्किल वन वेंटिकल, यानी एक ऑर्किल होगा और एक वेंटिकल होगा। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिकल ऑर्गन, सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ये क्वेश्चन आता है और अच्छा खासा आता है, ठीक है। कुछ में जो होते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, जिस इलेक्ट्रिक ऑर्गन जिसमें होते हैं उसका नाम है टारपीडो। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजिंग है, अभी अभी आगे आपको हम बताते हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं टारपीडो बोलते हैं, एंड सम प्रोसेस पॉइजनिंग स्टिंग, पॉइजन स्टिंग जिसको बोलते हैं ट्राइगॉन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जिसमें पॉइजन स्टिंग होता है वो ट्राइगॉन होता है, है ना। अब इसके लिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता दें, इलेक्ट्रिक ऑर्गन
किसमें पाया जाता है, टॉर्पिडो में, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारी कहाँ से जाती है, तार से। तार जो होता है हमारा बत्ती का तार होता है ना, तार। तो हम इलेक्ट्रिक ऑर्गन समझ लेंगे टॉर्पिडो से, टॉर्पिडो को हम पढ़ेंगे टॉर्पिडो, ठीक है ना, टॉर्पिडो हिंदी में उसको समझेंगे ऐसे। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होगी वो टॉर्पिडो पे होगी, और जो पॉइजनस स्टिंग होगा एक याद हो गया तुमको, दूसरा तो याद हो ही जाएगा भाई, अगर ऑप्शन में दिए तो हम इलिमिनेट कर देंगे, अगर हमको चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन हमको सही से पता है तो हम एक इलिमिनेट करके वो अगर वो सही होगा तो हम उसको सही कर देंगे, है ना। जो पॉइजनस स्टिंग होता है वो ट्राइगोन होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं हमारे उनको हम पोक्लोथर्मस बोलते हैं, जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं हमारे पोक्लोथर्मस बोलते हैं, जो वार्म ब्लडेड होते हैं उसको होम्योथर्म बोलते हैं और इंडोथर्म बोलते हैं। और जो आपको बताते हैं कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं, कोल्ड ब्लडेड को हम बोलते हैं पोक्लोथर्म बोलते हैं और इक्टोथर्म बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे होते हैं वार्म ब्लडेड को हम होम्योथर्म बोलते हैं और हम इंडोथर्म बोलते हैं। तो हमारे जो होते हैं ये कार्टिलेजिनस फिशेस होती है हमारी, ये फिशेस हमारी पोक्लियोथर्म होती हैं। जो हमारे बर्ड्स और जो हमारे ह्यूमन होते हैं ये हमारे होम्योथर्म आते हैं, यानी वार्म ब्लडेड में आते हैं, ठीक है। फिर हमारे होते हैं दे आर पोक्लियोथर्म यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल, दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, यानी ये हमारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनका मतलब होता है कि ये अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, ये जैसा इनका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट ये अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, पर इनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो होता है, जैसे हमारे ह्यूमन में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर, वो हमारा कांस्टेंट रहता है, वो मेंटेन रहता है। उसको मेंटेन करने के लिए सर्दियों में एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम होता है तो हम अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो वूलन के कपड़े पहनते हैं, वार्म कपड़े पहनते हैं, इससे हमारा वो कि सो होता है। इनमें तो इनके जो पोक्लोथर्म का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड, यानी ये अपने बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, और होम्योथर्म का मतलब होता है जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है उनका 37 डिग्री, जैसे हमारे ह्यूमन में होता है वो हम उसको मेंटेन रखते हैं कैसे भी, मतलब ठंडियों में अपने हम गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में हम जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है हम स्वेट आउट करके मतलब पसीना निकाल के अपने बॉडी का टेम्परेचर कम करते हैं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं सेक्सेस आर सेपरेटेड, सेक्सेस जो होते हैं इनमें सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होता है। इन मेल पेल्विक फिंस बियर क्लेस्पर, इनमें मेल की पेल्विक में होता है वो एक फिंस होता है बियर क्लेस्पर होते हैं, इसमें क्लेस्पर होते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम वीवीपैरस, मतलब इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और बहुत सारे इसमें जो होते हैं वो वीवीपैरस होते हैं। वीवीपैरस का मतलब वो बच्चे को जन्म देंगे, अंडे को जन्म नहीं देंगे। ओवीपैरस का मतलब होता है अंडे को जन्म देना, वीवीपैरस का मतलब होता है वो बच्चे को जन्म देंगे, है ना। इसमें जो मेल पेल्विक होता है उसके इसमें क्या होता है, कार्टिलेजिनस फिशेस में एक क्वेश्चन आता है कि इसमें जो मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएशन करिए तो क्या होगा, इसमें जो मेल में होगा उसमें क्लेस्पर पाए जाएंगे, क्लेस्पर पाया जाएगा। तो ये हमारा डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं मेल और फीमेल में, ठीक है। इसके जो एग्जांपल दिए गए हमको, इस्कलोडियन को हम बोलते हैं डॉग फिश, और प्रेस्टिस को बोलते हैं सॉ फिश, है ना। सॉ मतलब आरी के तरीके उसकी नुकीली होती है, इस्कलोडियन को डॉग फिश बोलते हैं क्योंकि ये ट्रू फिशेस नहीं है, ठीक है। और जो होते हैं कैरकेडॉन को ग्राइट वाइट शार्क बोलते हैं, है ना। और जो होता है ट्राइगोन को स्टिंग रेस बोलते हैं, जो कि हमारी पॉइजनस स्टिंग बनाती है ना। तो हम इसका फिगर देख लेते हैं, ये हमारा जो है ए वाला है स्क्लोडियन को बोलते हैं स्क्लोडियन, और जो प्रेस्टिस हमारा सरफिस बोलते हैं, जो हमारा स्क्लोडियन था उसको डॉगफिस बोलते हैं, प्रेस्टिस को हम सरफिस बोलते हैं, मतलब आरी के आकार का उसका जो माउथ था।
कैरोडॉन को हम बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हैं, है ना, और टाइगोन को हम स्टिंग रेस बोलते हैं जो कि हमारा पॉइजनस स्टिंग बनाता है, है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्लास ऑस्ट्रकोसाइस, है ना, ऑस्ट्रकोसाइस के बारे में हम देखते हैं। ऑस्ट्रकोसाइस का मतलब बोनी फिशेस, ये हमारी बोनी फिशेस होंगी, ये बोनी फिशेस के बारे में हम देखते हैं। जो इट इंक्लूड बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर, जो हमारी बोनी फिशेस होती हैं इनमें हमारा मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों होता है, विद बोनो बोनी इंडोस्केलेटन, जो इनका इंडोस्केलेटन होगा वो बोनी होगा, कार्टिलेजिनस फिशेस का जो इंडोस्केलेटन था वो हमारा कार्टिलेज का बना हुआ था। देयर बॉडी इज स्ट्रीम लाइन, इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइन होती है, मतलब धारावाही टाइप की होती है, है ना, नुकीली टाइप की। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, इसमें जो है जो हमारी कार्टिलेजिनस फिशेस थी उनमें जो माउथ था वो वेंट्रली था, बट इसमें जो माउथ है वो हमारा टर्मिनल है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं ट्रिलोस्टर्मी, है ना, इसीलिए हम इनको बोलते हैं टर्मिनल माउथ है इनमें, तो ट्रिलोस्टर्मी बोलते हैं इनको, ट्रिलोस्टोमी मतलब टर्मिनल, स्टोमी मतलब माउथ, ठीक है, ट्रिलोस्टोमी बोलते हैं। दे हैव फोर पेयर ऑफ गिल्स, जो इनमें फोर पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, विच कवर्ड बाई द अपर कुलम, जो कि गिल्स की कवरिंग होती है, फोर पेयर ऑफ गिल्स गिल्स होते हैं जो कि अपर कुलम से कवर होते हैं दोनों तरफ, ईच साइड, ठीक है, अपर कुलम होता है गिल्स की कवरिंग को हम अपर कुलम बोलते हैं। स्किन इज कवर्डेड बाई साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स, जो इसकी स्किन होती है कवर्डेड विद स्किन इज कवर्डेड विद साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स, है ना, टीनॉइड स्केल्स, इनकी जो स्किन होती है वो कवर्ड होती है साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स। इसमें एयर ब्लेडर इज प्रेजेंट, इसमें जो एयर ब्लेडर होंगे वो प्रेजेंट होंगे, बट हमारे जो कार्टिलेजिनस पिसों में थे हमारे एयर ब्लेडर नहीं पाए जा रहे थे, इसीलिए वो कंटिन्यूस तैर रही थी ताकि वो डूबे ना, डूबने के डर की वजह से वो तैर रही थी, एयर ब्लेडर नहीं था तो बायोन्सी को नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, तो इसमें हमारा बायोन्सी प्रोवाइड होगा, एयर ब्लेडर होगा, ये प्रोवाइड बायोन्सी, ठीक है, एयर ब्लेडर प्रेजेंट तो प्रोवाइड बायोन्सी। हार्ट इज टू चैम्बर, हार्ट जो होगा टू चैम्बर होगा, हमारी कार्टिलेजिनस फिशेस का भी हार्ट टू चैम्बर था क्योंकि ऑल फिशेस का हार्ट टू चैम्बर होता है, एक आर्टिकल होगा एक वेंटिकल होगा। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये फिशेस हमारी कोल्ड ब्लडेड होती हैं क्योंकि वार्म ब्लडेड सिर्फ हमारा वार्म ब्लड जो होता है हमारे वो होते हैं सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स हमारे वार्म ब्लड होते हैं, बाकी सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है, दे कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो गया। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस भी सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल होगा। इसमें फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल, इसमें ज़्यादातर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। दे आर मोस्टली ओवीपैरस, ये ज़्यादातर ओवीपैरस होते हैं यानी अंडे देते हैं, एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट, और इनका जो डेवलपमेंट होगा वो डायरेक्ट होगा। तो बोनी फिशेस के हमको एग्जाम्पल दिए गए हैं तो हम देख लेते हैं, बोनो फिशेस में मराइन भी होती हैं और हमारी फ्रेश वाटर भी होती हैं, है ना। तो मैराइन में हमको क्या दिया गया है, मैराइन में जो हमारे एग्जोसीटस को हम बोलते हैं फ्लाइंग फिश और हिप्पोकैम्पस का मतलब होता है सी हॉर्स, है ना, हिप्पोकैम्पस को बोलते हैं हम सी हॉर्स और एग्जोसीटस को बोलते हैं फ्लाइंग फिश, है ना, ये हमारे जो मैराइन के एग्जाम्पल हैं, है ना, ये हमारे मैराइन के एग्जाम्पल हैं। तो हम हिप्पोकैम्पस का फिगर भी देख लेते हैं, ये हमारा जो है ये हिप्पोकैम्पस है, ये मैराइन का एग्जाम्पल है, मैराइन फिश का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये हमारा जो है ये कटला है, ये हमारी क्या है फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है। तो हमारी फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल में क्या है, लेबियो को हम बोलते हैं रोहू, फ्रेश वाटर फिशेज में हमारी आती है लेबियो को बोलते हैं रोहू मछली, है ना, और कटला को बोलते हैं और क्लेरियस को बोलते हैं मागुर, इसको मागुर बोलते हैं, मंगूर या मागुर, ठीक है, क्लेरियस को बोलते हैं मागुर। अब इसमें होता है फिर जो हमारी एक्वेरियम का मतलब होता है सजावट के रूप में, है ना, जो हम एक्वेरियम मतलब जिसमें वाटर भर के एक्वेरियम में लगाते हैं मछलियों को,
है ना, उसको हम एक्वेरियम बोलते हैं। तो उसके लिए जो होती हमारी मतलब मछली होती है एक्वेरियम को बोलते हैं बेटा, बेटा 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 या बेटा जो भी पढ़ो बट पढ़ो ठीक है, बेटा को बोलते हैं फाइटिंग फिश, फाइटिंग फिश है ना। और जो होते हैं टेरोफाइलम, टेरोफाइलम को हम बोलते हैं एंजल फिश, टेरोफाइलम को बोलते हैं एंजल फिश। तो हमने इसमें क्या क्या देखा, जो मराइन थी हमारी मराइन फिशेस में, यानी मराइन फिशेस में हमारी बोनी फिशेस में मराइन थी और फ्रेश वाटर थी, जो मराइन थी उनमें उनका एग्जाम्पल था इग्जोसीटस, इग्जोसीटस को हम फ्लाइंग फिश बोलते हैं यानी उड़ने वाली मछली। हिप्पोकैम्पस को हम सी हॉर्स बोलते हैं, दरिया मतलब समुद्री घोड़ा है ना। और फ्रेश वाटर फिशेज में हम बोलते हैं लोबियो, लेबियो सॉरी लेबियो को बोलते हैं रोहू, रोहू मछली जिसको बोलते हैं। कटला को हम कटला बोलते हैं, कटला का यहाँ सी ए टी एल ए वहाँ पे के ए टी एल ए कटला कटला इसको पढ़ते हैं ठीक है। और क्लेरियस को हम बोलते हैं मैगुर है ना। और इसमें जो हमारी एक्वेरियम में आती है जो हम सजावट के रूप में रखते हैं उसको जार में, तो बेटा, बेटा को हम बोलते हैं फाइटिंग फिश है ना। और जो टेरोफाइलम होता है इसको पी साइलेंट होता है इसलिए हम इसको टेरोफाइलम पढ़ते हैं, टेरोफाइलम पटेरोफाइलम नहीं टेरोफाइलम ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंजल फिश ठीक है, एंजल फिश। अब हमारा हो गया, अब हम आगे क्लास देखते हैं क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया में हम कौन कौन से रखे गए हैं हमारे है ना। एम्फीबियन का मतलब होता है एम्फी मतलब डुअल, बायोस मतलब लाइफ, वो ऐसे मतलब ऐसा इंडिविजुअल जो अपनी लाइफ दो जगह सर्वाइव करे, एक तो एम्फी मतलब वो लैंड में भी सर्वाइव करे, सॉरी लैंड में भी सर्वाइव करे और वो वाटर में भी सर्वाइव करे है ना, यानी मराइन सॉरी एक्वाटिक एनवायरनमेंट में और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में दोनों जगह वो अपनी लाइफ सर्वाइव करे। तो क्लास एम्फीबिया द सॉरी एज द नेम इंडिकेट, जैसे कि इसका नाम इंडिकेट करता है ग्रीक, ग्रीक वर्ड से हमारा लिया गया एम्फी, एम्फी का मतलब होता है डुअल है ना, डुअल, बायोस का मतलब होता है लाइफ मतलब दो लाइफ। एम्फी कैन लाइव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जो एम्फीबियंस होते हैं वो एक्वाटिक में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है थल में यानी वो जमीन में, और एक्वाटिक का मतलब होता है वो पानी में ठीक है, सिंपल है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर ऑफ लिम्स, इसमें बहुत सारों में से मतलब मोस्ट ऑफ देम ज़्यादातर में टू पेयर ऑफ लिम्ब, टू पेयर ऑफ लिम्ब का मतलब होता है वन पेयर यानी टू, वन पेयर यानी टू, यानी टू पेयर लिम्ब यानी फोर लिम्स ठीक है, फोर लिम्स। बॉडी इज डिवाइजेबल इंटू हेड एंड ट्रंक, इनकी जो बॉडी होती है हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है, ये हुआ हेड रीजन और ये हुआ इनका ट्रंक रीजन ठीक है, पीछे का धड़ और ये हेड रीजन यानी सर ठीक है, हेड एंड ट्रंक, इनकी जो बॉडी होती है वो हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होती है। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, किसी किसी में टेल प्रेजेंट होती है, जैसे हमारा सेलामेंडर होता है तो हमारा टेल्ड एम्फीबियन है ना, सेलामेंडर जो हमारा वो टेल्ड एम्फीबियन है, इसमें दिया है कि टेल अगर जिसमें प्रेजेंट है किसी किसी में प्रेजेंट होती है। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल, जो एम्फीबियन की स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है ना, उसमें म्यूकस होता है, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होती हैं, जैसे हमारा फ्रॉग होता है उसकी जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड है उनकी जो बॉडी है ना फ्रॉग की वो बहुत म्यूकस ही होती है, मतलब बहुत चिकनी होती है, उसको पकड़ो तो पड़ जाते हैं वो ठीक है, बट उसमें क्या है स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, उसमें स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, बट उसकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है। द आई हैव आईलिड्स, मतलब आई में जो होती हैं उनकी आँखों में जो होती हैं आईलिड्स का मतलब जो होता है हमारा पलकें, आईलिड्स का मतलब होता है पलकें ठीक है, वो हमारी पलकें पाई जाती हैं, आई में हमारी आईलिड्स पाई जाती हैं। ए टिम्पेनम, टिम्पेनम रिप्रेजेंटेड द ईयर, जो टिम्पेनम होता है इंटरनल ईयर होता है हमारा, यानी इसमें जो होते हैं फ्रॉग एम्फीबियंस में होते हैं हमारे किसी में होते हैं हमारे इंटरनल ईयर रिप्रेजेंट होता है ना, इसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, जैसे हमारे एक्सटर्नल ईयर होता है ईयर पिन्ना होते हैं है ना, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर में आते हैं, बट इसमें होता है टिम्पेनम होता है इंटरनल ईयर रिप्रेजेंट करते हैं है ना। टिम्पेनम रिप्रेजेंटेड इंटरनल ईयर, रिप्रेजेंटेड ईयर, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इन टू ए कॉमन चैम्बर कॉल्ड कुलेका। अब आपको मैं बताता हूँ, इनमें जो होती है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी है ना, यानी यूरिन वाला जितना सिस्टम होगा ठीक है, और जो इसका रिप्रोडक्टिव वाला सिस्टम होगा, ये तीनों एक चैम्बर में जाके खुलते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोएका है ना, क्लोएका, यानी तीनों एक चैम्बर में जाके खुलते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोएका ठीक है, विच ओपन टू एक्सटीरियर, जो कि बाहर खुलता है ना। क्लोएका जो होता है ये सब तीनों एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी
यूनरी वाला, यूनरी सिस्टम वाला और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये क्लोएका में खुलते हैं और जो क्लोएका है वो बाहर खुलता है, ठीक है। रिस्पायरेशन बाई गिल्स, जो हमारे एम्फीबियन होते हैं वो रिस्पायरेशन गिल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, लंग्स के थ्रू कर सकते हैं एंड थ्रू स्किन। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दें कि जो होता है फ्रॉग, फ्रॉग जो होता है वो कभी पानी नहीं पीता है, है ना, वो फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता है, वो अपने स्किन से इसको एब्जॉर्ब करता है। पहली बात तो ये होगी, ये हम आपको बताएंगे फ्रॉग जब पढ़ाएंगे आपको तो बहुत अच्छे से बताएंगे आपको, ठीक है। फ्रॉग जो होता है पानी नहीं पीता है, वो अपनी स्किन से एब्जॉर्ब करता है। अगर फ्रॉग हमारा स्किन के अंदर है, सॉरी अंडरग्राउंड है, अगर फ्रॉग हमारा अंडरग्राउंड है तो वो हमारा स्किन से, मतलब क्यूटोनियस रिस्पायरेशन फ्रॉग में हमेशा चलता रहता है। क्यूटोनियस रिस्पायरेशन जो होता है हम परमानेंट चलता रहता है, परमानेंट चलता रहता है फ्रॉग में, है ना, वो स्किन से वो रिस्पायरेशन हमेशा करता रहता है और वो हमारा जो होगा गिल्स से भी कर लेगा, है ना, और लंग्स से भी कर लेगा। द हार्ट इज थ्री चैम्बर, जो एम्फीबियन का होता है हार्ट थ्री चैम्बर होता है, इसमें कि टू ऑर्किल, अब इसमें टू चैम्बर में था तो एक ऑर्किल था एक वेंट्रिकल था, बट जब अब थ्री चैम्बर है तो इसमें टू ऑर्किल होंगे, यानी टू ऑर्किल होंगे वन वेंट्रिकल्स होगा, है ना। दीज आर कोल्ड ब्लडेड, ये हमारे एम्फीबियंस होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड तो ही होते हैं बर्ड और मैमल, है ना। सेक्सेस आर सेपरेटेड, इनमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। दे आर ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, ये होते हैं बच्चों, सॉरी अंडे को जन्म देते हैं, अंडे देते हैं, है ना, एक प्रोड्यूस करते हैं, है ना, और इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इसका जो एग्जांपल दिया गया हमको बुफो को बोलते हैं टोड, और राना जो होता है हमारा फ्रॉग होता है, राना टिग्रिना, है ना, फ्रॉग बोलते हैं इसको। और जो हाइला को बोलते हैं हम ट्रिली रिजार्ट, जो हमने देखा होगा पेड़ों में पतले पतले से मतलब उसके जो डिजिट जो होते हैं पैर के डिजिट होते हैं उसमें वेब पाई जाती हैं, मतलब जाला टाइप का पाया जाता है, वो बहुत पतले पतले बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं ट्री में, उसको हाइला बोलते हैं, ट्री रिजार्ट। और सेलामेंडरा को बोलते हैं हम सेलामेंडर बोलते हैं, है ना, जो हमारा टेल्ड एम्फीबियन है। और जो हमारा इस्थियोफिस जो हमारा है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है इस्थियोफिस क्या है, लिमलेस इस्थियोफिस जो हमारा है, इस्थियोफिस जो हमारा लिमलेस एम्फीबियन है, जो सेलामेंडर हमारा वो टेल्ड एम्फीबियन है। सेलामेंडर हमारा टेल्ड एम्फीबियन है, वो क्या है, टेल्ड एम्फीबियन है हमारा सेलामेंडर जो हमारा वो टेल्ड एम्फीबियन है, ठीक है। ये हमारा एम्फीबिया हो गया, ये हमारा सेलामेंडर, इसमें टेल्ड पाई जा रही है, तो ये हमारा सेलामेंडर जो हमारा ये टेल्ड एम्फीबियन है। और ये हमारा ये फ्रॉग का है, है ना, ये हमारा हेड हो गया, ये इसका ट्रंक रीजन हो गया, अब हम नेक्स्ट देखते हैं रेप्टाइल के बारे में, क्लास रेप्टाइल के बारे में पढ़ते हैं, क्लास रेप्टाइल के बारे में देख लेते हैं हम लोग। द क्लास नेम रिफर, जो जिस एक इस क्लास का नाम रेप्टाइल है तो ये रिफर टू देयर क्रीपिंग एंड कॉरलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। अब आपको बताते हैं हम, क्रीपिंग मतलब होता है रेंग के चलने वाले, है ना, जो क्रीपिंग का मतलब होता है रेंग कर चलने वाले, है ना, क्रीपिंग रेंग कर चलने वाले, है ना, कॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, है ना, रेंग कर चलेंगे। लैटिन वर्ड जो हमारा है रेपर और रेपम, रेप्टम जो हमारा रेप्टाइल जो है, ये लैटिन वर्ड से रेपर से लिया गया है और रेप्टम से लिया गया, टू क्रॉल और कॉल मूवमेंट, है ना, क्रीप और कॉल मूवमेंट, यानी रेंग के चलेंगे, है ना। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ये ज़्यादातर जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, एंड देयर बॉडी इज कवर्डेड बाई ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन, जो इनकी बॉडी होती है वो ड्राई होती है, बट जो हमारे जो एम्फीबियन थे उनकी बॉडी थी वो मॉइस्ट थी, स्किन थी वो विदाउट स्केल्स, उसमें स्केल्स नहीं थे, बट इसमें यह क्या है हमारा, इनकी जो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, देयर बॉडी कवर्डेड बाई ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन्स। इपिडर्मल स्किन्स हो सकते हैं, और इपिडर्मल स्केल्स को हम बोलते हैं स्क्यूट्स, है ना, इपिडर्मल स्केल को हम बोलते हैं, ये हमको दिया गया इपिडर्मल स्केल्स को हम बोलते हैं स्क्यूट, ठीक है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग,
इनमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, जैसे जैसे हमारे हैं एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग है ना, ये ईयर पिन्ना इसमें नहीं होता है, है ना। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, इनमें जो टिम्पैनम होता है इंटरनल ईयर होता है, वही ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा जो था एम्फीबियन और रेप्टाइल दोनों में टिम्पैनम रिप्रेजेंटेड ईयर। लिम्ब व्हेन प्रेजेंट, अगर लिम्ब प्रेजेंट होंगे तो टू पेयर हो सकते हैं यानी चार हो सकते हैं, है ना, टू पेयर यानी चार लिम्ब, ठीक है। हार्ट इज यूजली थ्री चैम्बर, ज़्यादातर हार्ट जो होता है हमारा रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर होता है, और हमारा एम्फीबियन में भी थ्री चैम्बर था, बट एक्सेप्शन आ गया भाई, ये याद कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, बट फोर चैम्बर इन क्रोकोडाइल, जो हमारा फोर चैम्बर होता है वो क्रोकोडाइल में होता है। रेप्टाइल आर पोइग्लोथर्म, जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं वो पोइग्लोथर्म होते हैं यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, रेप्टाइल्स हमारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और जो स्नेक और लिजार्ड होते हैं, हमारा स्नेक और लिजार्ड जो हमारे वो रेप्टाइल में आते हैं, तो सेट देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, जो हमारे स्नेक और लिजार्ड होते हैं वो अपने स्किन कास्ट की चमड़ी को वो निकालते हैं। स्किन कास्ट का मतलब होता है केंचुल, है ना, केंचुल स्किन कास्ट के रूप में वो अपनी चमड़ी को निकालते हैं, जिनकी चमड़ी जो ओल्ड हो जाती है, जैसे हम लोग देखें सांप की जो केंचुल होती है ना, वो स्किन कास्ट है उसकी, स्किन के जो है ये कवर टाइप का है, वो उसको अपना जब ओल्ड हो जाता है वो, तो उसको निकाल देती है, है ना, स्किन कास्ट हो गई। सेक्सेस आर सेपरेटेड, यानी इसमें जो होते हैं सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी मेल फीमेल को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी मेल फीमेल अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, यानी उसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा, है ना। दे आर ओवीपैरस, ये ओवीपैरस होते हैं यानी बच्चे को, सॉरी ओवीपैरस मतलब अंडे को जन्म देंगे। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, और इसमें डेवलपमेंट होगा डायरेक्ट होगा, इसमें कोई लार्वा स्टेज नहीं आ जाएगी, है ना। इसके जो एग्जांपल हो गए चिलोन, चिलोन को बोलते हैं टर्टल, चिलोन को बोलते हैं टर्टल और टेस्टुडो को बोलते हैं टर्टोइज, चिलोन को बोलते हैं टर्टल और टेस्टुडो को बोलते हैं टर्टोइज, और कैमिलियन को बोलते हैं टिली रिजार्ड, कैमिलियन जो होता है हमारा टिली रिजार्ड होता है, मतलब जो हमारी पेड़ में छिपकली रहती है उसको हम बोलते हैं कैमिलियन को टिली रिजार्ड, और कैलोटस को बोलते हैं गार्डन रिजार्ड, जो हमारे गार्डन में लिजार्ड रहती है, गार्डन वाली छिपकली को बोलते हैं कैलोटस, और क्रोकोडाइलस को हम क्रोकोडाइल ही बोलते हैं, और एलिगेटर को हम बोलते हैं घड़ियाल, इसको हम शायद घड़ियाल ही बोलते हैं, हाँ हिंदी में घड़ियाल होता है इसका, घड़ियाल एलिगेटर का मतलब होता है घड़ियाल, तो हम इसको एलिगेटर को एलिगेटर ही बोलते हैं। और हेमीडेक्टाइलस तो भैया इससे तो सभी परिचित हैं, हम लोग के घरों पे ही रहती है वॉल लिजार्ड, है ना, दीवालों में रहने वाली छिपकली हेमीडेक्टाइलस, है ना। और जो हमारे पॉइजनस स्नैक होते हैं, पॉइजनस स्नैक भी हमारे रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं, जो हमारा नाजा होता है, नाजा को हम कोबरा बोलते हैं, है ना, पॉइजनस इंजेक्शन स्नैक भी हमारे रेप्टाइल ही हैं, तो इसको नाजा को हम कोबरा बोलते हैं। और बैंगेरस को हम बोलते हैं करैत, बैंगेरस को क्या बोलते हैं हम करैत बोलते हैं, और वाइपरा को बोलते हैं वाइपर, है ना। ये सब पॉइजनस स्नैक में आते हैं, पॉइजनस स्नैक में कौन कौन आ गया, नाजा आ गया, नाजा को हम कोबरा बोलते हैं, और बैंगेरस को हम करैत बोलते हैं, और वाइपरा को हम वाइपर बोलते हैं। तो इसका हम फिगर दिखा दें आपको, फिगर जो दिए गए हैं रेप्टाइल के फिगर दिए गए हैं, ये हमारा कैमिलियन का एग्जांपल दिया गया है, हमारा ये कैमिलियन का एग्जांपल दिया गया है, ये हमारा क्रोकोडाइल हो गया, ये हमारा चिलियन हो गया, और ये हमारा नाजा हो गया भाई, पॉइजनस स्नैक है ये, बच के रहियो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं, जो हमारी क्लास है इफ को हम बोलते हैं बर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, एफ को हम बोलते हैं बर्ड, ठीक है। एवेरी जो होता है हमारा, यहाँ पे हमारी बर्ड को रखा जाता है, ठीक है। द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इफ मतलब बर्ड आर प्रेजेंस ऑफ फीदर, मतलब जो बर्ड्स का करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई ये बर्ड है, उसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स होगा उसमें क्या होगा, कि उसमें जो होंगे फीदर्स पाए जाएंगे, फीदर का मतलब होता है पंख, इसमें जो होता है पंख पाए जाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं भाई एफ्स है, बर्ड्स हैं, है ना। एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, ज़्यादातर बर्ड्स जो होती हैं वो उड़ लेती हैं, है ना, जो ज़्यादातर बर्ड्स होती हैं वो उड़ सकती हैं, बट एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, जो हमारी ऑस्ट्रिच, ये है हमारा ऑस्ट्रिच है जो हमारी, वो फ्लाइटलेस बर्ड है, क्योंकि उसका जो वेट होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उड़ नहीं पाती है,
दे पोसेस बीक, इसमें चोंच होती है ना, चोंच जो होती है ये हमारी वीक होती है चोंच, दे पोसेस बीक। द फोर लिम आर मॉडिफाइड इन टू विंग्स, जो इनके जो फोर लिम होते हैं, फोर लिम मतलब आगे वाले सॉरी इसके फोर लिम्स होते हैं, आगे वाले लिम्स होते हैं वो हमारे पंख में मॉडिफाइड हो जाते हैं। एंड हैंड लिम जनरली हैव स्केल्स, जो आगे वाले पंख हैं फोर लिम्स हैं वो पंख में मॉडिफाई हो गए, और जो हैंड लिम्स हैं, हैंड लिम्स में हम देखते हैं जनरली स्केल्स होते हैं, देखेंगे उसमें खांच टाइप की बनी होंगी, जो कभी हम बर्ड्स को पकड़ेंगे तो उसके पैर में स्केल्स टाइप के हम देखते हैं, पपड़ी टाइप की है ना, स्केल से इसको बोलते हैं पपड़ी, ठीक है, पपड़ी टाइप की देखते हैं उसको। हैंड लिम जनरली स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, जो हमारे हैंड लिम्स होते हैं वो हमारे चलने में मतलब बर्ड्स के चलने में हेल्प करते हैं, है ना, जो हैंड फोर लिम है तो वो पंख में बन गए, और हैंड लिम से हमारे वो वॉकिंग में हेल्प करते हैं, वो वॉकिंग में हेल्प करते हैं अच्छे से, बर्ड्स हमारी चलती हैं दौड़ती भागती हैं, ठीक है, चलने में, स्विमिंग में मतलब वो तैरने में, जैसे हमारी बतख हो गई, डक हो गई, तो वो पैर से अपने बैक हैंड लिम्ब से वो अपने पानी को स्विप करते हैं, ठीक है। एंड क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांच, और ट्री ब्रांच की मतलब पेड़ों की शाखाओं में चलने के लिए। स्किन इज ड्राई, स्किन तो बर्ड्स की ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड, उसमें कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती, बट एक्सेप्ट, यहाँ पे भी एक्सेप्शन आया भाई, स्किन तो ड्राई होती है बट एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड जो होती है कहाँ पे पाई जाती है, एट द बेस ऑफ टेल। स्किन जो होती है बर्ड्स की ड्राई होती है, बट उसमें एक ग्लैंड पाई जाती है जो ऑयल ग्लैंड होती है, जो कि बेस ऑफ टेल पे पाई जाती है, ठीक है। इंडोस्केलेटन इज फुली ऑक्सीफाइड, इंडोस्केलेटन जो होता है हमारा फुली ऑक्सीफाइड होता है, जो हमारी बर्ड्स होती हैं उनका इंडोस्केलेटन होता है फुली ऑक्सीफाइड होता है, यानी फुली बोनी होता है, बोन से मिलकर बना होता है। एंड लॉन्ग बोन्स, जो लंबी लंबी बोन्स होती हैं तो हॉलो होती हैं, विच कैविटी, जो लंबी जो इनका जो इंडोस्केलेटन होता है वो फुली बोनी होता है, मतलब उनमें पूरा बोन से बना होगा, पूरी बोनी होगा, और जो लॉन्ग बोन होगी वो हॉलो होंगी, मतलब अंदर खोखली होंगी, एयर कैविटी होगी, यानी न्यूमैटिक, न्यूमो मतलब नीमो का मतलब आ गया कहीं पे, न्यूमो, नीमो अगर आ गया तो हम उसको एयर समझते हैं, नीमो मतलब एयर, ठीक है, नीमो मतलब एयर, ठीक है, यानी इनका इंडोस्केलेटन होगा वो बोनी होगा, और लॉन्ग बोन होंगी वो हमारी हॉलो होंगी, है ना, उनमें एयर कैविटी होगी जिसको हम न्यूमैटिक बोलते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चैम्बर, डाइजेस्टिव ट्रैक में एक बर्ड के पास एडिशनल चैम्बर होता है, मतलब एडिशनल मतलब एक ज़्यादा, है ना, ज़्यादा चैम्बर होता है। द क्रॉप एंड गिजार्ड, क्रॉप और गिजार्ड, क्रॉप जिसके डाइजेस्टिव ट्रैक में क्रॉप और गिजार्ड पाया जाता है, जो क्रॉप का काम होता है हमारा, क्रॉप का काम होता है वो फूड को इकट्ठा करता है, फूड इकट्ठा करता है, फूड इकट्ठा करता है, फूड इकट्ठा करता है, फूड कलेक्ट करता है, ये क्रॉप का काम हो गया, और जो गिजार्ड का काम हो गया हमारा, गिजार्ड का काम हो गया वो ग्राइंड करता है, ग्राइंडिंग, वो फूड को ग्राइंडिंग करता है, फूड पार्टिकल को वो पीसता है, है ना, ये एडिशनल चैम्बर होते हैं इसमें। हार्ट इज कम्प्लीटली फोर चैम्बर, इसमें जो हार्ट होते हैं वो मतलब जो दिल के चैम्बर्स होते हैं वो चार होते हैं, है ना, दिल के चैम्बर चार होते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड, यानी ये वार्म ब्लडेड होते हैं, मैंने आपको बताया था वार्म ब्लडेड बर्ड और मैमल्स होते हैं, ठीक है, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, इसको हम होम्योथर्म बोलते हैं और इंडोथर्म बोलते हैं, ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। दे आर एबल टू मेंटेन ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट मेंटेन रखती हैं, है ना, तभी हमने देखा होगा ठंडियों में जो हमारी जो बर्ड्स होती हैं वो अपने पंख को फुला के बैठती हैं, वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होते हैं, कभी देखो पंख के ऐसे रोंगटे खड़े होंगे, फीदर्स जो होंगे उनके ऐसे फूले फूले देखेंगे, तो वो ऐसे करते हैं, सीवरिंग करते हैं, तो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट बनाए रखने के लिए, ठीक है, ऐसा करते हैं। रिस्पायरेशन इज बाई, इसमें रिस्पायरेशन होता है बाई लंग्स, इसमें रिस्पायरेशन जो होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, इस रिस्पायरेशन लंग्स के थ्रू होता है। एयर सेफ, एयर सैक्स जो होते हैं कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंटल रिस्पायरेशन जो हमारे होते हैं, इसमें जो रिस्पायरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, बट जो एयर सैक होते हैं वो एयर सैक, एक एयर मतलब हवा, सैक मतलब थैलियाँ, ठीक है, एयर सैक हवा की थैलियाँ जो होती हैं लंग्स से कनेक्ट होती हैं, एज सप्लीमेंट, सप्लीमेंट मतलब सहायक होता है,
सहायक सप्लीमेंट रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में एक सहायक सप्लीमेंट सहायक बनने के लिए एयर सैक्स उसको कनेक्ट रहती हैं लंग्स से, ठीक है। सक्सेस आर सेपरेटेड, यानी एयर सैक जो हमारी कनेक्ट रहती हैं लंग्स से या एज ए सप्लीमेंट, मतलब वो रिस्पायरेशन में सहायता करने के लिए। सक्सेस जो होते हैं में सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल को बता सकते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है। दे आर ओवीपैरस, ये जो होते हैं बच्चे देते हैं, सॉरी ओवीपैरस, ओवीपैरस मतलब अंडे देना, एग, ओवीपैरस मतलब एग, ओवीपैरस मतलब ये एग देंगे, ठीक है। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, और इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है, इसमें कोई लार्वा स्टेज नहीं होती है। लार्वा स्टेज जहाँ पे लार्वा स्टेज होगी वहाँ पे डेवलपमेंट जो होगा वो हमारा इनडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे ये होती हैं ओवीपैरस होती हैं, मतलब ये अंडे देती हैं, और डेवलपमेंट जो होता है इनका डायरेक्ट होता है। अब इनको सब कुछ बर्ड्स के हमको एग्जाम्पल दिए गए हैं, हम देख लेते हैं कुछ बर्ड्स के हमको एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ये हाँ सम बर्ड्स, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को वल्चर बोलते हैं। वल्चर का मतलब होता है गिद्ध होता है हमारा, है ना। और जो हमारा वल्चर मतलब होता है गिद्ध होता है। और स्टिचो मतलब ये हमारा ऑस्ट्रिच का एग्जाम्पल है, ये हमारा ऑस्ट्रिच है, ये हमारा गिद्ध है। और जो हमारा सिटेकुला, सिटेकुला को हम बोलते हैं पैरट, पैरट। और पीकॉक, पावो, पावो को बोलते हैं पीकॉक, पीकॉक यानी मोर। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्रो, कॉर्वस, कॉर्वस को तो बोलते हैं क्रो बोलते हैं, है ना। और कोलंबा को बोलते हैं पीजन बोलते हैं, कोलंबा को बोलते हैं पीजन। और जो हमारा होता है सिटेकुला, सिटेकुला को बोलते हैं पैरट, सिटेकुला को बोलते हैं पैरट। और स्ट्रिथो बोलते हैं, स्ट्रिथियो को बोलते हैं ऑस्ट्रिच, है ना। ये होती है फ्लाइटलेस बर्ड होती है हमारी ऑस्ट्रिच, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। और जो पावो को बोलते हैं पिकॉक, जो हमारी पावो होगी, पेवो होगी वो पिकॉक होगी। और अपेंडाइट्स, अपेंडाइट्स को बोलते हैं पेगुइन, पेगुइन जो हमारे तालाबों में कभी कभी हम देखते हैं, है ना, पेगुइन। और नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को बोलते हैं बल्चर, बल्चर मतलब गिद्ध, जो कि फिलहाल अभी नहीं देखते हम लोग को, पहले बहुत थे, अब धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। जो हम अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास मेमिलिया के बारे में। क्लास मेमिलिया में देखते हैं, दे आर फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ हैबिटेट। जो हमारा क्लास मेमिलिया है ये हमारे वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में पाए जाते हैं। जैसे पोलर आइस कैप, जो हमारे पोलर रीजन में आइस होते हैं वहाँ की, उसी कैप्स मतलब वहाँ पे खाचों में, है ना, कैप्स मतलब टोपी के रूप में स्ट्रक्चर, गुफा टाइप की, उसमें पाए जाते हैं। डिजर्ट में पाए जाते हैं, डिजर्ट यानी यहाँ पे रेगिस्तान होता है हमारा। और माउंटेन यानी हमारे पर्वत में, है ना, पहाड़ों पे। फॉरेस्ट मतलब जंगल पे, ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान पे, है ना। और डार्क केव मतलब अंधेरी गुफाओं में, केव का मतलब होता है गुफा, इसमें केव का मतलब होता है गुफा, केव का मतलब होता है गुफा। डार्क केव मतलब अंधेरी गुफाओं में, है ना। सम ऑफ देम हैव एडाप्टेड टू फ्लाई, इसमें तो कुछ होते हैं अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं उड़ने में लिए, और कुछ होते हैं लाइव इन वाटर, और जो कुछ जो होते हैं पानी के अंदर रहते हैं। द मोस्ट यूनिक मेमिलियन कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। जो मेमिलिया का मेन यूनिक कैरेक्टर्स है, यूनिक कैरेक्टर है जिससे मेमिलिया बताती है कि मैमल्स हैं, तो इसमें जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है मेमरी ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जो होती है मेमरी ग्लैंड जो हमारी पाई जाती हैं, ये मेमिलिया का यूनिक कैरेक्टर है, है ना। प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम भी हमारा जो है, ये भी कैरेक्टर्स हैं, बट हमारा जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, ये मेमरी ग्लैंड, ये यूनिक है, ठीक है। बाई विच ऑफ द यंग वंस आर नरिश्ड, जो हमारी मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड्स हैं उससे हमारे जो फीमेल्स हमारी यंग वंस को जन्म देती है, तो उसको वो नरिश कराती है, उसको वो नरिश कराती है। दे हैव टू पेयर ऑफ लिम्स, इसमें टू पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, टू पेयर लिम्स यानी यानी चार, है ना, टू पेयर लिम्स। एडाप्ट फॉर वॉकिंग, जो लिम्स जो होंगे वो एडाप्ट होंगे वॉकिंग पे, मतलब वो चलने पे एडाप्ट हो जाएंगे, है ना, रनिंग दौड़ने पे, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ने पे, बोरिंग मतलब गुफाओं में घुसने के लिए, गुफाओं में छेद करने के लिए, और स्विमिंग मतलब तैरने के लिए, फ्लाइक मतलब उड़ने के लिए। ये सब जो लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए। द स्किन ऑफ, स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक, जो स्किन होती है मैमल्स की वो भी यूनिक होती है, वो मैमल्स की स्किन जो होती है यूनिक होती है, वो किसमें यूनिक होती है, प्रोसेसिंग हेयर, क्योंकि जो मैमल्स की स्किन में होती हैं हेयर्स पाए जाते हैं, है ना, इसलिए वो यूनिक होती है।
जो मैमल्स की स्किन होती है उसमें हेयर्स होती हैं, इसलिए वो यूनिक होती हैं। एक्सटर्नल ईयर और पिन्नाएँ, जो एक्सटर्नल ईयर जो हम आपको बता रहे थे, ये हमारे एक्सटर्नल ईयर होते हैं, इनको हम ईयर पिन्ना बोलते हैं, है ना, आर प्रेजेंट, ये मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, जो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं तो हम बोलते हैं हेट्रोडोंट कंडीशन। ये हम आपको बताएंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे तरीके से। हेट्रोडोंट कंडीशन होते हैं। हार्ट इज फोर्थ चैम्बर, हार्ट जो होता है हमारा फोर्थ चैम्बर होता है, इसमें हार्ट जो होता है हमारा फोर्थ चैम्बर होता है। दे आर होम्योथर्म, मतलब ये कोल्ड सॉरी वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी इंडोथर्म होते हैं, यानी अपनी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बनाए रखते हैं, ठीक है। रेस्पायरेशन बाई लंग्स, इसमें जो रेस्पायरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, मतलब हमारे जो होते हैं लंग्स होते हैं वो फेफड़े होते हैं, हमारे रेस्पायरेशन में मदद करते हैं, यानी रेस्पायरेटरी सिस्टम हमारा जो होता है लंग्स मेन होता है, उसी में हमारी उसी के थ्रू हमारा रेस्पायरेशन होता है, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेटेड, इसमें सेक्सेस सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, इसमें मेल फीमेल अलग अलग पता चलता है भाई ये लड़का है ये लड़की है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है। और दे आर विवीपेरस, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक्सेप्शन भी है, ये दे आर विवीपेरस विथ फ्यू एक्सेप्शंस, इनमें जो होता है ये विवीपेरस होते हैं बट कुछ एक्सेप्शन है वो आगे देखेंगे, और इसमें जो होते हैं डेवलपमेंट जो होता है हमारा डायरेक्ट होता है। अब इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल हमको दिया गया है, एग्जाम्पल हम ओवीपेरस के एग्जाम्पल दिए गए हमको, वैसे तो इसमें विवीपेरस होते हैं बस एक्सेप्शन है ओवीपेरस, ओवीपेरस का एग्जाम्पल क्या है हमारा ऑर्निथोरेनकस जो होता है, जिसको हम प्लेटीपस बोलते हैं, और ऑर्निथोरेनकस जो होता है प्लेटीपस होता है हमारा, ये हमारा ओवीपेरस है, यानी ये बच्चा देता है सॉरी अंडा देता है, ओवीपेरस जो होता है हमारा ये अंडा देता है, और जो विवीपेरस होता है हमारा, विवीपेरस जो होता है वो हमारा बच्चा देता है, ठीक है, बच्चा देता है, सीधा सा मतलब ये है। जो ओवीपेरस है ऑर्निथोरिनकस, जिसको हम प्लेटीपस बोलते हैं, ये हमारा ओवीपेरस होता है, और जो हमारा विवीपेरस के एग्जांपल है मैक्रोपस को बोलते हैं कंगारू, है ना, मैक्रोपस को बोलते हैं कंगारू, टेरोपस को बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स, ये टेरोपस होता है फ्लाइंग फॉक्स होता है, कैमलस को बोलते हैं कैमिल, मकाका को बोलते हैं मंकी, मकाका से पता चल रहा है मंकी, और रेटस मतलब चूहे का नाम है, ठीक है। कैनिस मतलब होता है हमारा डॉग, फेलिस होता है हमारा कैट, और एलिफस होता है मतलब एलिफेंट, और इक्कोस मतलब होता है जो इक्कोस वर्ड लेते हैं हम हॉर्स से रिलेट करते हैं, और डॉल्फिनस होता है हमारा कॉमन डॉल्फिन, है ना, और बेलेनोप्टेरा को होता है ब्लू वेल बोलते हैं हम, ये हमारा बेलेनोप्टेरा है ना, और जो पैंथेरा टाइग्रिस होता है, पैंथेरा टाइग्रिस का मतलब टाइगर होता है, पैंथेरा लियो का मतलब होता है लायन, पैंथेरा लायन, ठीक है, लायन होता है। तो इसको हमको कुछ मेमल्स के फिगर्स दिए गए हैं हमको, सब मेमल्स जो हमारा ये ऑर्निथोरिनकस, जिसको हम प्लेटीपस बोलते हैं, ये हमारा ओवीपेरस होता है, और ये हमारा जो है मैक्रोपस, जिसको हम कंगारू बोलते हैं, है ना, और टेरोपस जो होता है हमारा चमगादड़ बोलते हैं जिसको हम, और डी हमारा बेलेनोप्टेरा जो हमारा ब्लू वेल बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। ये हमने देख लिया, सारे एग्जांपल भी देख लिए हैं। अब हमको साइलेंट फीचर ऑफ द डिफरेंट फाइला इन एनिमल किंगडम, अब हमको साइलेंट फीचर डिफरेंट फाइला मतलब अलग अलग फाइला के साइलेंट फीचर दिए गए हैं एनिमल किंगडम में। अगर हम ये टेबल भी अच्छे से याद कर लेंगे तो हमको चैप्टर पढ़ने में बहुत ईजी आसानी होगी, उसके हम सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। हमको ये दिया गया है साइलेंट फीचर, यहाँ पे हमको दिया गया है फाइलम के बारे में बताया गया है, यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है, यहाँ पे हमारा सिमेट्री वाले बताया गया है, यहाँ पे सीरोम बताया गया है, यहाँ पे सेगमेंटेशन बताया गया है, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, और यहाँ पे डिस्टिंक्ट फीचर, उसका डिस्टिंक्ट फीचर क्या है इस फाइलम का, ठीक है। तो हमारा पोरीफेरा जो होता है, ये फाइलम हमारा पोरीफेरा है, इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिवीजन ऑफ एक्टिविटी पाई जाती है हमारी, इसमें सिमेट्री होती है, वेरियस होती है, वेरियस का मतलब इसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि सभी तो एसिमेट्री बोलते हैं, तो उसमें स्पंज एसिमेट्री होते हैं, बट उसमें स्पंज होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं, बट हमारे जो स्काइफा था
इसका इफा जो था हमारा, इसका इफा और लिकोसोलिनिया जो था हमारा वो हमारा रेडियल सिमेट्री था, रेडियल सिमेट्री था, ठीक है, इसीलिए इसमें वेरियस सिमेट्री दिया गया है, ठीक है। और जो इसमें सीलोम थी, सीलोम अब्सेंट थी, है ना, ए सीलोमेट एनिमल बोलते थे पोरीफेरा को, और सेगमेंटेशन भी हमारा जो था अब्सेंट था इसमें, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम भी था वो भी अब्सेंट था, सर्कुलेटरी सिस्टम भी अब्सेंट था और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अब्सेंट था, और इसमें जो डिस्टिंक्टिव फीचर थे है ना, जिनमें बॉडी विथ पोर्स, तभी इसको हम पोरीफेरा बोलते थे ना, बॉडी विथ पोर्स एंड कैनाल इन्वॉल्व, है ना, इनकी बॉडी में पोर्स थी और स्पंजोसील्स पाई जा रही थी, तो इसलिए डिस्टिंक्ट फीचर थे हमारे। अभी हमारा सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को निडरिया बोलते थे, इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, और इसमें जो सिमेट्री थी वो भी रेडियल सिमेट्री थी, है ना। रेडियल सिमेट्री का मतलब वो था हमारा कि हम किसी भी प्लेन से करें तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें, ठीक है। सिलोम जो था इसमें अब्सेंट थी, सेगमेंटेशन भी इसमें अब्सेंट था, और इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम था इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था, और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो था हमारा अब्सेंट था सिलेंट्रेटा में, है ना। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अब्सेंट था, बट इसमें जो इसके डिस्टिंक्टिव फीचर थे, डिस्टिंक्टिव फीचर जो थे सिलेंट्रेटा में, न्यूडोब्लास्ट प्रेजेंट थी, न्यूडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट थी हमारी, ठीक है, जो कि एनकरेज वगैरह में हेल्प कर रही थी, डिफेंस वगैरह में हेल्प कर रही थी। और आफ्टर दैट हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं टीनोफोरा, टीनोफोरा में हमारा, टीनोफोरा में क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था हमारा वो टिश्यू लेवल था, क्योंकि हमारा सिलेंट्रेटा का भाई है, है ना। इसमें भी रेडियल सिमेट्री थी, इसमें भी जो हमारा था क्या था हमारा, ये सिलोम थी अब्सेंट थी, सिलोम थी हमारी जो अब्सेंट थी, टीनोफोरा में सिलोम अब्सेंट थी, सेगमेंटेशन भी अब्सेंट था, इसमें जो था डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट था, सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट था, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अब्सेंट था, जो इसका जो डिस्टिंक्ट फीचर था हमारा कॉम्ब प्लेट और फॉर लोकोमोशन, जो 8 कॉम्ब सिलेटेड प्लेट पाई जा रही थी लोकोमोशन में हेल्प कर रही थी, वो इसका डिस्टिंक्ट फीचर था। अब हम जो देखेंगे प्लेटल एलिमेंथीज के बारे में, प्लेटल एलिमेंथीज जो हमारी थी, प्लेटल एलिमेंथीज में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था हमारा ऑर्गन लेवल, सॉरी ऑर्गन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। इसमें जो सिमेट्री थी बायलेटरल सिमेट्री थी, और जो इसमें जो थी सिलोम थी वो अब्सेंट थी, सिलोम नहीं पाई जा रही थी, एंड जो सिगमेंटेशन था वो भी अब्सेंट था, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट था, है ना, सिंगल ओपनिंग थी अकेले, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी अब्सेंट था, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अब्सेंट था। इसका जो डिस्टिंक्ट फीचर था फ्लैट एलिमेंथीज को हम क्या बोलते थे, फ्लैट बॉडी बोलते थे, फ्लैट बम बोलते थे, और इसमें सकर पाए जा रहे थे, ये हमारी इंडो पैरासाइट थी, है ना, टीलिया सोलियम जो हमारा था, है ना, लीवर फेस्कोला था हमारा, फेस्कोला को लीवर फ्लूक बोल दे रहे थे, ये हमारे इंडो पैरासाइट थे, इसलिए सकर पाए जा रहे थे इसमें, ठीक है। एस्केल एलिमेंथीज जो हमारा था इसको हम राउंड वर्म बोल रहे थे, है ना, इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा था वो स्टार्ट हुआ था हमारा एस्केल एलिमेंथीज से, ठीक है। और उसके बाद जो था हमारा इसमें सिमेट्री थी बायलेटरल सिमेट्री थी, है ना, बायलेटरल सिमेट्री थी, बायलेटरल सिमेट्री हमारी जो हमारी थी वो प्लेट एलिमेंथीज से स्टार्ट हो गई थी। और जो इसमें सिलोम था जो हमारा प्लेट एलिमेंथीज था वो हमारा एक अब्सेंट था, इसमें सिलोम अब्सेंट था, ए सिलोमेट था, बट हमारा जो था स्केल एलिमेंथीज था वो सीडो सिलोमेट था, ठीक है। और इसमें जो स्केल एलिमेंथीज का सेगमेंटेशन नहीं था, और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम जो था कम्प्लीट था, डाइजेस्टिव सिस्टम जो कम्प्लीट था हमारा स्केल एलिमेंथीज में, और सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा स्केल एलिमेंथीज में नहीं पाया जा रहा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं पाया जा रहा था, अब्सेंट था। और इसमें जो इसका जो डिस्टिंक्ट फीचर था ऑप्टन वर्म शेप्ड इलोंगेटेड इलोंगेटेड बॉडी थी, वर्म से इलोंगेटेड मतलब वो राउंड वर्म, है ना, राउंड वर्म थे, ठीक है। जो तो एनेलिडा, एनेलिडा जो थे हमारे, एनेलिडा में जो था ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा था, बायलेटरल सिमेट्री पाई जा रही थी, है ना, सिलोमेट एनिमल थे, है ना, इसमें ट्रू सिलोम पाई जा रही थी, और इसमें जो था हमारा सेगमेंटेशन प्रेजेंट था, आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन प्रेजेंट था, सेगमेंटेशन में आर्थ्रोपोडा एनेलिडा और वर्टिब्रेटा में सेगमेंटेशन पाया जा रहा था, है ना, सेगमेंटेशन जो था प्रेजेंट था। और इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो कंप्लीट था, माउथ और एनस सेपरेट ओपनिंग थी, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट था, वो भी क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा क्लोज टाइप पाया गया वो एनेलिडा में पाया गया, उसके बाद हमारा एकॉर्डेटा में पाया गया, है ना, जो और उसके बाद हमारा जो था रेस्पिरेटरी सिस्टम जो था अब्सेंट था, एनेलिडा में नहीं पाया जा रहा था, इसकी जो डिस्टिंक्ट फीचर थे हमारी बॉडी सेगमेंटेड थी, है ना, बॉडी सेगमेंटेशन पाया जा रहा था लाइक रिंग, है ना, जिसको हम एनुअल्स बोल रहे थे, लिटिल एनुअल्स, है ना, एनुलस
तो अर्थोपोडा जो होता है हमारा, इसमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, सीलोमेटा एनिमल होते हैं, मतलब इसमें सीलोम पाई जाती है, ट्रूरोसीलोम पाई जाती है, इसमें सेगमेंटेशन पाया जाता है। आर्थोपोडा और हमारे एनिलिडा और हमारे वर्टिब्रेटा में सेगमेंटेशन पाया जाता है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम था आर्थोपोडा में कम्प्लीट था, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा था, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा था, बट कैसा था, ओपन टाइप का था, ओपन टाइप का था, ठीक है। और इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट था, बुक गिल्स, बुक लंग्स, है ना, टेकेयर सिस्टम वगैरह सब थे इसमें आर्थ्रोपोड्स में, इंसेक्ट में, है ना। और इसमें जो इसका डिस्टिंक्ट फीचर था, इग्जो स्केलेटन ऑफ क्यूटिकल, जो इनका इग्जो स्केलेटन था, बाहरी कवर था, वो क्यूटिकल का बना हुआ था, तभी वो एनवायरमेंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, वो उसको कोई डिग्रेड नहीं कर पा रहा था उनके कैटिन को, इग्जो स्केलेटन की वजह से वो उसके प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन अच्छा था, इस वजह से वो ज़्यादा संख्या में थे, अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे थे हर इन्वायरमेंट में, ठीक है। जॉइंट अपेंडिजेज, और इसमें जॉइंट अपेंडिजेज थे, मतलब आर्थ्रोपोडास का मतलब ही होता है जॉइंट अपेंडिजेज, ठीक है। जो हमारे फिर होते हैं मोलस्का, मोलस्का जो होता है हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम था, इसमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, बायलैटरल सिमेट्री थी, सीलोमेटा एनिमल थे, इसमें जो था हमारा सेगमेंटेशन मोलस्का में नहीं पाया जा रहा था, यानी अनसेगमेंटेड बॉडी थी इनकी, ठीक है। और जो हमारा था डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कम्प्लीट था, और जो हमारा था क्या सर्कुलेटरी सिस्टम जो था हमारा वो प्रेजेंट था, सर्कुलेटरी सिस्टम जो था हमारा वो प्रेजेंट था, और जो हमारा था रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट था, और इसमें जो इसका एक्सटर्नल बॉडी फीचर था वो हमारा था एक्सटर्नल स्केलेटन और सेल यूजली प्रेजेंट, यानी जो कैल्सेरियस की सेल पाई जा रही थी, है ना, वो था इसमें जो हमारा था। फिर उसके बाद इकाइनोडर्मेटा आया हमारा, इकाइनोडर्मेटा में क्या था, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, रेडियल सिमेट्री था। इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री जो था वो एडल्ट शो कर रहा था, और जो लार्वा था वो उसका लार्वा था वो बाइलेटरल सिमेट्री शो कर रहा था, और ये सीलोमेटा एनिमल थे, है ना, ये सीलोमेटा एनिमल थे, और इसमें सेगमेंटेशन जो था वो नहीं पाया जा रहा था, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में जो था हमारा वो क्या था भाई, कंप्लीट था। हमने आपको बताया था ना डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्मेटा का, वो हमारा कंप्लीट था, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो था वो नहीं पाया जा रहा था, इकाइनोडर्मेटा में पाया जा रहा था, और जो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारा पाया जा रहा था, और इसमें जो डिस्टिंक्ट फीचर्स क्या था, इसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम पाया जा रहा था, और रेडियल सिमेट्री पाई जा रही थी एडल्ट में, और बायलैटरल सिमेट्री पाई जा रही थी लार्वा में, ठीक है। और जो हमारा आया हेमीकॉर्डेटा, हेमी मतलब आधा कॉर्डेटा, जिसको हम पहले सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा बोलते थे, बट उसको सेपरेट फाइलम नॉन कॉर्डेट्स में रखते हैं उसको, हेमीकॉर्डेटा को, ठीक है। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, सीलोमेटा एनिमल होते हैं, है ना, और इसमें सेगमेंटेशन जो होता है वो हमारा एब्सेंट होता है, और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारा वो कंप्लीट सिस्टम होता है, है ना, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो भी प्रेजेंट होता है हमारा, और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो भी प्रेजेंट होता है, और ये जो इसके डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं वार्म लाइक विद प्रोबोसिस कॉलर एंड टंग जो होती है वो पाई जाती है। प्रोबोसिस जो ग्लैंड होती है हमारी वो किस में हेल्प करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, तो प्रोबोसिस होती है हमारी एक्सक्रीटरी ग्लैंड होती है, प्रोबोसिस जो होती है हमारी एक्सक्रीटरी ग्लैंड होती है ना, वार्म लाइक एनिमल्स होते हैं इसमें, प्रोबोसिस होते हैं, कॉलर एंड ट्रंक रीजन होते हैं इसमें। जो कॉर्डेट्स होते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरल सिमेट्री होते हैं, सीलोमेट होते हैं, इनमें जो होता है सेगमेंटेशन पाया जाता है, सीलोमेट एनिमल होते हैं, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, किस टाइप का होता है, इंटरनल सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है सीरियल रिपीटेशन एट लीस्ट सम वन ऑर्गन, ठीक है, एक ऑर्गन का सीरियल रिपीटेशन हो, एक ऑर्गन बार बार रिपीट हो गया, जैसे हमारा वर्टिब्रेट कॉलम है, ठीक है, ये हमारा ये सेगमेंटेशन में काउंट होता है इंटरनल सेगमेंटेशन में, ठीक है। सेगमेंटेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है, माउथ और एनस ओपनिंग हमारे होती हैं, है ना, और जो होते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है प्रेजेंट होता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बाकायदे अच्छा खासा होता है, वेन होते हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होते हैं, बेनिल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है।
और इसमें जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, लंग्स के द्वारा हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारे प्रेजेंट होते हैं, हर चीज़ प्रेजेंट होती है, मोस्ट एडवांस है हम लोग भाई, ठीक है। क्वाड्रेंट्स में हम लोग हैं, मैमल्स में बहुत मोस्ट एडवांस, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं इसका जो डिस्टिंक्ट फीचर्स क्या है। इसमें नोटोकार्ड पाई जाएगी जो कि डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड होती है ना, और इसमें गिल स्लिट होते हैं, लिम्प और फिन्स होते हैं, इसमें गिल स्लिट होते हैं, लिम्प और फिन्स होते हैं। तो फिलहाल अपना चैप्टर तो फिलहाल ख़त्म हो गया। तो एनिमल किंगडम हमारा जो चैप्टर था वो हम लोगों ने अच्छे तरीके से ईच एंड एवरीथिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा, और जो मैंने आपको बताया है सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। सो आई होप इफ़ यू लाइक माई सेशन, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो विथ फ्रेंड्स।